नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं डीटी में टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स इंटरेस्ट और रिफंड इस चैप्टर का रिवीजन मॉड्यूल में। इस चैप्टर का नाम है डिडक्शन कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लगभग 10 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज होता है, कभी कभी 15 मार्क्स तक भी पूछ लिया जाता है चैप्टर। और इस चैप्टर से जो मेन टॉपिक पूछा जाता है वो होता है टीडीएस का टॉपिक। सबसे ज़्यादा फोकस इस पर होता है टीडीएस के टॉपिक के ऊपर, इंस्टीट्यूट का फोकस होता है। कभी कभार इसमें एक आध पॉइंट टीसीएस का भी आ जाता है। क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन आता है टीडीएस का, जिसमें चार पांच आपको इंडिपेंडेंट केस दे रखे होते हैं अलग अलग सेक्शन के, अलग अलग सेक्शन के केस दे रखे होते हैं। और फिर आपको बताना होता है टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। कभी कभी कैलकुलेट भी करवा लेता है वो टीडीएस की, कटेगा तो कितना कटेगा। तो सबसे पहले अपन पार्ट वन स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, जो है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस। सबसे पहले टीडीएस की बेसिक देख लेते हैं। टीडीएस पेयर काटता है, मतलब जो बंदा पेमेंट करेगा ना, जो बंदा पेमेंट करता है वो टीडीएस काटता है। किसका टीडीएस काटता है? पे का, मतलब जिसको पेमेंट मिलने वाला है या जिसको इनकम मिलने वाली है उसका टीडीएस काटता है। टीडीएस कौन काटता है? पेयर, पेमेंट करने वाला टीडीएस काटता है। कब काटता है? अगर वो अमाउंट पे के हैंड्स में टैक्सेबल है, मतलब जिसको अमाउंट मिलने वाली है या जिसको इनकम मिलने वाली है वो इनकम अगर पे के हैंड्स में टैक्सेबल है तो पेयर उस अमाउंट पे टीडीएस काटता है। अगर पे के हैंड्स में वो इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट इनकम है, या पेयर जो अमाउंट पे कर रहा है वो सामने वाले के हैंड्स में क्या एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट पे कभी भी टीडीएस नहीं करता। अगर कोई अमाउंट इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट अमाउंट पे टीडीएस नहीं करता। टीडीएस कब काटना पड़ता है पेयर को? या तो पेमेंट के टाइम पे या क्रेडिट के टाइम पे, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन बता रखे हैं जहाँ टीडीएस पेमेंट के टाइम पे करता है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर अपन नहीं करते। कौन कौन से सेक्शन? एक तो सैलरी वाला केस है, एक ईपीएफ वाला केस है, एक कैजुअल इनकम का केस है, एक मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी वाला केस है, एक कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन का केस है, एक कैश विड्रॉल का केस है, और एक बेनिफिट और परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का केस है। इन केस में टीडीएस पेमेंट के टाइम पे करता है। फिर अपन ने देखा आगे कि टीडीएस जो करता है सेक्शन में जो फिक्स रेट दे रखी है उसी रेट से करता है, लेकिन तीन सेक्शन के अंदर तीन पेमेंट में क्या होता है, उस सेक्शन वाली रेट में अपन सरचार्ज भी ऐड कर देते हैं और सेस भी ऐड कर देते हैं। सरचार्ज लगता है तो लगाते हैं, सेस तो हमेशा ऐड करते हैं। तीन कौन कौन से पेमेंट है? एक तो सैलरी का पेमेंट, अगर पेयर सैलरी का पेमेंट कर रहा है तो अपन उसमें सरचार्ज और सेस लगा के टीडीएस काटते हैं। दूसरा, अगर आप नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को कोई सा भी पेमेंट करो, कोई सा भी पेमेंट करो, उनका पूरा टैक्स काट लेते हैं। जितना टैक्स उनका बनता है इंडिया में पूरा का पूरा काटते हैं। मतलब अगर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी लगा लेते हैं उस रेट में और सेस भी लगा लेते हैं। और नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी के लिए जो टीडीएस की रेट दे रखी है, जिस रेट से उनकी इनकम टैक्सेबल होती है वही रेट दे रखी। तो क्या होता है, एक तरीके से नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का पूरा टीडीएस काट लिया जाता है, पूरा का पूरा टीडीएस पेयर काट लेता है, पेयर काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, ताकि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को खुद से टैक्स ना जमा करवाना पड़े। पेयर उनका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, पूरा का पूरा टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। एक सेक्शन हो रहा है 194P स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वाला, वहाँ भी सरचार्ज और सेस अपन इंक्लूड कर लेते हैं टीडीएस की रेट में। अब टीडीएस में बता रखा है, टीडीएस चाहे आप कमर्शियल पर्पस के लिए पेमेंट करो, चाहे बिजनेस के लिए पेमेंट करो, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करो, टीडीएस आपको काटना है। लेकिन दो सेक्शन में एक्सेप्शन है, 194C 194J में। अगर 194C 194J में कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर पे जो है वो बड़े आदमी, मतलब जिनको इनकम मिलने वाली है, वो बड़े आदमी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आरबीआई है, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है, म्यूचुअल फंड है, इन लोगों का कोई भी टीडीएस नहीं काट सकता। किसी की औकात नहीं है कि इन लोगों का टीडीएस काटे, कोई भी पेयर इन लोगों का टीडीएस नहीं काट सकता। आगे बता रखा है, देखो गुड्स और सर्विस में क्या होता है, जीएसटी भी लगता है, गुड्स और सर्विस में लगता है जीएसटी। तो जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस काटना है क्या? तो अगर जीएसटी सेपरेटली दिखा रखा है बिल में तो जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटना, ये एक सर्कुलर आ रखा है। तो जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटना। जैसे मान लो 10 लाख का रेंट है, इस पे 1,80,000 का है जीएसटी, ये सेपरेटली बिल में दिखा रखा है। बिल हो गया टोटल 11,80,000 का। अब जो इस रेंट का पेमेंट करेगा, बताओ उस पेयर को कितने अमाउंट पे टीडीएस काटना है? 10 लाख पे टीडीएस काटना है, 10 लाख पे टीडीएस काटना है, जो भी रेट है उस पे 10 लाख पे टीडीएस काटना है। जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं करता, अगर जीएसटी सेपरेटली दिखा रखा है तो। चाहे वो गुड्स का केस हो, चाहे सर्विस का केस हो, चाहे गुड्स का केस हो, चाहे सर्विस का केस हो, टीडीएस के केस में क्या होता है, टीडीएस किस पे कटता है? जो वैल्यू है, सर्विस वैल्यू या गुड्स की वैल्यू, उस पे कटता है, जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं कटता। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन, एक एक करके सारे सेक्शन देखेंगे। सेक्शन, हर सेक्शन की एक टेबल बनी हुई है। टेबल में सबसे पहले कौन सा सेक्शन है और कौन से नेचर का पेमेंट है वो कवर है ऊपर ऊपर। फिर टीडीएस कौन काटेगा, पेयर मतलब पेयर कौन है, किसका टीडीएस कटेगा, पे कौन है, इसके अलावा किस रेट से कटेगा, और कोई एग्जम्पशन लिमिट दे रखी है सेक्शन में तो वो कवर है। इसके अलावा उस सेक्शन में कुछ एडिशनल पॉइंट, एडिशनल पॉइंट मतलब उस सेक्शन के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है वो कवर है। इसके अलावा टीडीएस के रिगार्डिंग, किसी सेक्शन के रिगार्डिंग कोई सर्कुलर आ रखा है, कोई केस लॉ आ रखा है, वो भी कहाँ कवर है, वो एडिशनल पॉइंट में कवर है। तो सेक्शन का
नंबर का वर्ड है, सेक्शन का नेचर क्या है, कौन से नेचर का पेमेंट है वो है, काटने वाला कौन है, किसका कटेगा, किस रेट से कटेगा, एग्जम्पशन लिमिट क्या है और एडिशनल पॉइंट। सारी टेबल ऐसे ही बनी हुई है, सारी टेबल ऐसे ही बनी हुई है। अगर मेरे आप हैंड रिटन नोट्स देखोगे तो उसमें भी टेबल बनी हुई तो ऐसे ही है, लेकिन उसमें खाली सिंगल टेबल बनी हुई है, उसमें मैंने क्या किया एडिशनल पॉइंट भी साथ साथ लगा दिए, पर कंसेप्ट बुक में वो पॉसिबल नहीं था, उससे क्या होता फिर वो फॉन्ट साइज काफ़ी कम करना पड़ता, तो पॉसिबल नहीं था। इस कारण यहाँ पे टेबल हर सेक्शन की अलग अलग बनानी पड़ी, वहाँ सब सेक्शन की एक ही टेबल में बनाया गया है, तो कंटेंट का फ़र्क नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। अब मेन चीज़ क्या है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नेचर का पेमेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे 192 में क्या कवर्ड है, सैलरी। अगर आपको TDS के सेक्शन याद हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, वैसे आपको इनकम टैक्स में कोई सेक्शन वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, पर TDS के याद कर लोगे तो एक फ़ायदा होगा, चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी, सेक्शन वगैरह मिक्सअप नहीं होंगे, तो TDS के सेक्शन याद कर लोगे ज़्यादा फायदा रहेगा, कर लोगे तो, नहीं होते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो एक तो उस सेक्शन में कौन से नेचर का पेमेंट है ये आपको पता होना चाहिए, एक उसकी रेट पता होनी चाहिए और एक एग्जम्पशन लिमिट, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। कौन से नेचर का पेमेंट है, रेट और एग्जम्पशन लिमिट, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। इतना भी आ गया है ना, TDS का मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 to 7 मार्क्स तो आप स्कोर कर लोगे गारंटी से, बाकी कुछ नहीं आता आपको, इतना भी आप आराम से स्कोर कर लोगे। इसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट दे रखे हैं इसमें, जो काम के पॉइंट है उनको तो मैंने रेड मार्क कर रखा है कीवर्ड्स को, वो देख लेना, बाकी सारे देख लोगे तो अच्छी बात है, पूरा A to Z कवर हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, जो यहाँ पे कवर है ना उसके बाहर एक नंबर का भी कुछ भी नहीं आने वाला, सब चीज़ें कवर हैं यहाँ पे, सर्कुलर केस लो सब चीज़ें TDS के रिगार्डिंग जो भी हैं सब कवर कर रखी। पर आपको मेन चीज़ पे किस पे फोकस करना है, रेट, एग्जम्पशन लिमिट और कौन से नेचर का पेमेंट है, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। पेयर कौन है, पे कौन है, ज़्यादा याद रखोगे, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिशनल पॉइंट में भी कुछ ज़्यादा काम के पॉइंट हो, जैसे जो मैंने रेड कर रखे हैं वो देखना चाहो तो देख सकते हो, वो देख लोगे तो TDS आराम से आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। स्टार्ट कर देते हैं एक सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन 192 सैलरी। कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करता है, एम्प्लॉय कोई भी हो चाहे चाहे नॉन रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट का TDS भी इसी सेक्शन में करता है, सैलरी का पेमेंट पे नॉन रेजिडेंट का TDS इसी सेक्शन में करता है। वैसे नॉन रेजिडेंट के लिए एक अलग से सेक्शन है 195, लेकिन सैलरी यहाँ कवर्ड है। सैलरी का कोई भी एम्प्लॉयर पेमेंट करता है किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, एम्प्लॉयर को TDS काटना है। मान लो कंपनी राम लिमिटेड अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करती है, उसके एम्प्लॉय में रोहित भी है, सोहन भी है, सैम भी है, रेजिडेंट भी है, नॉन रेजिडेंट भी है, सबका TDS राम लिमिटेड कहाँ काटेगी, 192। पेमेंट करने वाली पेयर काटेगी, राम लिमिटेड काटेगी, किस रेट से काटेगी, स्लैब रेट से काटेगी। अब ये स्लैब रेट होती क्या है, देखो स्लैब रेट क्या होती है, एम्प्लॉयर क्या होगा सबसे पहले पूछेगा एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय से स्टार्टिंग में एक फॉर्म भरवाएगा ईयर की स्टार्टिंग में कि आपको कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स देना है, आपको 115 BAC के अकॉर्डिंग अपना टैक्स देना है या जो फाइनेंस एक्ट वाला जनरल स्लैब है उस अकॉर्डिंग देना है, ये पूछेगा ये बताना पड़ेगा एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय नहीं बताता तो, एम्प्लॉय नहीं बताता तो बताओ डिफॉल्ट स्लैब कौन सा है, डिफॉल्ट स्लैब 115 BAC वाला, एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय पे लगा देगा 115 BAC। अगर एम्प्लॉय नहीं बताता तो, या तो एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा, एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा क्या फॉलो करना चाहता है, 115 BAC फॉलो करना चाहता है या डिफॉल्ट, क्या बोलते हैं 115 BAC फॉलो करना चाहता है या जनरल स्लैब फॉलो करना चाहता है, ये एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा। एम्प्लॉय बता देता तो ठीक है, नहीं बताता तो एम्प्लॉयर फॉलो करेगा 115 BAC। क्या करेगा एम्प्लॉय 115 BAC फॉलो करके, उस एम्प्लॉय की टोटल इनकम निकालेगा, उस एम्प्लॉय की टोटल इनकम निकालेगा और टोटल टैक्स निकालेगा। आप बोलोगे टोटल इनकम कैसे निकालेगा, एम्प्लॉयर तो खाली सैलरी का पेमेंट कर रहा है, उसको तो सैलरी के बारे में पता होगा। वो एम्प्लॉय से फॉर्म भरवाएगा, एम्प्लॉय से पूछेगा आपकी अदर कौन कौन सी इनकम होने वाली है, करंट ईयर में आपकी कौन कौन सी इनकम आप कमाने वाले हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या बिजनेस की इनकम या अदर सोर्स वगैरह की इनकम, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह की इनकम, पूरा फॉर्म भरवाएगा, एम्प्लॉय भर देगा मेरी ये इनकम होने वाली है। वो एम्प्लॉय से पूछेगा आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी वगैरह का लॉस होने वाला है क्या, तो लॉस भी भरवाएगा वो आपसे, कौन सा लॉस भरवाएगा, खाली हाउस प्रॉपर्टी का, बाकी कोई हेड का लॉस नहीं भरवाएगा, खाली हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस भरवाएगा। अगर एम्प्लॉय कोई डिडक्शन लेना चाह रहा है, चैप्टर 6 वाली होती है ना, सेक्शन 80 से लेकर के 80U, वो भी भरवाएगा। अगर आप कोई सेक्शन में डिडक्शन लेना चाह रहे हो क्या, ATC में, ATD में, वो भी भरवाएगा। एम्प्लॉय भर देता है तो ठीक है, नहीं भरता है एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉयर ये मानेगा, अगर एम्प्लॉय नहीं भरता तो एम्प्लॉयर ये मानेगा कि जो सैलरी की इनकम है वही फाइनल इनकम है, किसकी, एम्प्लॉय की, और उसी पर टैक्स निकाल लेगा। भर देता है तो सारी जो डिटेल है एम्प्लॉय ने भरी है उस अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर कंसिडर कर लेगा, एम्प्लॉय का निकालेगा टोटल टैक्स, और टोटल टैक्स जो निकला वो पूरा का पूरा काट लेगा, वही होती है स्लैब रेट। अब आप बोलोगे टोटल टैक्स एक साथ काटेगा क्या, एक साथ नहीं काटेगा, मैंने बताया था सैलरी के केस में पेमेंट के टाइम पे TDS काटता है, तो जैसे हर मंथ सैलरी का पेमेंट जाएगा ना, हर मंथ TDS काटेगा, कैसे, टोटल टैक्स निकाल लिया एम्प्लॉय का, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सेस, सब करके निकाल लिया, डिवाइड कर देगा 12 से, पर मंथ का टैक्स आ जाएगा, पर मंथ की सैलरी से उतना टैक्स काटता जाएगा, या तो ये करेगा या टोटल टैक्स को टोटल सैलरी की इनकम से डिवाइड करेगा, एक रेट निकालेगा और हर मंथ की सैलरी की इनकम से उस रेट को इंटू करेगा और उतना टैक्स काटता जाएगा। ये होती है स्लैब रेट,
ये होती है स्लैब रेट। तो टोटल टैक्स निकाल के पूरा टोटल टैक्स एम्प्लॉयर काट लेगा एम्प्लॉय का और गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। अब आप बोलोगे एकदम एक्यूरेट कटेगा क्या, एकदम एग्जैक्ट कटेगा? एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। तो फिर जो भी डिफरेंस आया बाद में, एम्प्लॉय जब रिटर्न भरेगा ना, ज़्यादा टैक्स कट गया एम्प्लॉय का तो उसको रिफंड मिल जाएगा, कम कटा तो एम्प्लॉय को खुद से जमा करवाना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट के रूप में। ये होता है। अब इसमें कोई एग्जम्पशन लिमिट दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है। अगर एम्प्लॉय की मान लो टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक आती है तो बताओ उसका क्या होगा? टैक्स बनेगा ही नहीं। जब टैक्स नहीं बनेगा तो टीडीएस कैसे कटेगा? टीडीएस कटेगा ही नहीं। या मान लो एम्प्लॉय की टोटल इनकम क्या है, एम्प्लॉय मान लो रेजिडेंट है तो टोटल इनकम उसकी क्या रही है? तो 5 लाख आ रही है, 7 लाख आ रही है, 115 बीएससी का तो 7 लाख आ रही है। 7 लाख तक आएगी तो क्या होगा? रिबेट मिल जाएगी, टैक्स इतना बनेगा जीरो, टीडीएस कटेगा ही नहीं। अगर वो जनरल स्लैब फॉलो करता है, 5 लाख तक इनकम आ रही है, रिबेट मिल जाएगी 87 वाले ए वाली, टैक्स बनेगा जीरो, टीडीएस कटेगा ही नहीं। ये टीडीएस कटेगा ही नहीं। तो अगर एम्प्लॉय की इनकम कितनी आ रही है, जहाँ टैक्स ही नहीं बन रहा तो उसका टीडीएस कटेगा ही नहीं। अब इसमें आगे बता रखा है चार ऐसे खर्चे हैं, अगर एम्प्लॉय फॉर्म भरता है और उसमें बताता है तो एम्प्लॉयर को इन चार खर्चों का एविडेंस भी लेना पड़ेगा। कौन कौन सा खर्चा? एक तो हाउस रेंट अलाउंस का खर्चा, एक लीव ट्रेवल वाला खर्चा, एक हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट और एक चैप्टर 6 की डिडक्शन। ये चार खर्चों का डिडक्शन एम्प्लॉयर तभी देगा अगर एम्प्लॉय इनका प्रूफ दे दो तो ही देगा। आगे बता रखा है अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी का एरियर मिल रहा है तो उसमें एक 89 की रिलीफ मिलती है जो इंटर में पढ़ रखी होगी आपने, फाइनल में नहीं है, 89 सेक्शन 89 की। तो उस रिलीफ को लेस करने के बाद टीडीएस कटेगा। लास्ट बता रखा है केस लो, अगर आपने किसी वेटर को टिप पे किया, आप मान लो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपने वेटर को टिप पे किया तो वो सैलरी नहीं माना जाएगा, उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये था 192 सैलरी। फिर 192 ए, आरपीएफ का बैलेंस। अगर कोई एम्प्लॉई आरपीएफ का बैलेंस विड्रॉ करता है तो पीएफ डिपार्टमेंट वाले उसका टीडीएस काटेंगे। पीएफ डिपार्टमेंट वाले किस रेट से काटेंगे? 10% की रेट से काटेंगे। अगर एम्प्लॉय कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है, 50,000 से कम विड्रॉ कर रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 या 50,000 से ज़्यादा का विड्रॉ कर रहा है तो टीडीएस कटेगा। और इसमें बता रखा है टीडीएस तभी कटेगा अगर वो अमाउंट एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल है, आरपीएफ वाली। अब आरपीएफ वाली अमाउंट टैक्सेबल कब होती है? अगर एम्प्लॉय जो है ना 5 ईयर से कम की सर्विस देता है, मतलब 5 ईयर से पहले जॉब छोड़ देता है तो आरपीएफ वाली अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। आरपीएफ से आप जो अमाउंट विड्रॉ करते हो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से वो टैक्सेबल हो जाता है। 5 ईयर की सर्विस दे देता है तो नहीं होता टैक्सेबल, जब टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस कटता ही नहीं है। तो पीएफ डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय का टीडीएस काटेंगे 10% की रेट से। 50,000 से कम का पेमेंट है, 50,000 से कम का पेमेंट है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 या 50,000 से ज़्यादा का विड्रॉ कर रहा है एम्प्लॉय तो टीडीएस कटेगा। अब एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो एग्जम्पशन लिमिट दे रखी है इनकम टैक्स में, जो भी दे रखी है अभी ये टीडीएस की, अगर लिमिट जैसे ही क्रॉस हो गई फिर पूरे अमाउंट पर टीडीएस कटता है। ऐसा नहीं कि 50,000 की एग्जम्पशन लिमिट है तो 50,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा, ऊपर वाली अमाउंट पर कटेगा, ऐसा नहीं होता। सभी सेक्शन में ऐसा है, खाली दो सेक्शन को छोड़ के। दो सेक्शन आगे ऐसे आएंगे, एक 194N कैश विड्रॉल का आएगा, एक 194Q आएगा परचेज ऑफ गुड्स वाला। वहाँ क्या होता है, अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो एक्सेस वाली अमाउंट पर टीडीएस कटता है। बाकी जितने भी सेक्शन आएंगे जैसे ही लिमिट क्रॉस हुई फिर पूरे अमाउंट पर टीडीएस कटेगा। एक बात और ध्यान देना, जो लिमिट जिस सेक्शन में दे रखी है, ऐसा नहीं कि आप दो सेक्शन है तो दोनों को एग्रीगेट करोगे, सब सेक्शन की सेपरेट लिमिट है। सब सेक्शन की क्या है? सेपरेट लिमिट है, पर सेक्शन लिमिट है। ऐसा नहीं कि 192A की जो लिमिट है 193 के साथ मिक्सअप कर दोगे, नहीं, सेपरेट लिमिट है। एक चीज़ और ध्यान देना, जो लिमिट दे रखी है ना यहाँ पे, ये पर पे ही लिमिट है। पर पे ही कैसे? मान लो आरपीएफ से 3 जने पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ए बी और सी, मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी, 3 एम्प्लॉय पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। मान लो तीनों का टैक्सेबल है, तीनों ने 5 साल पहले जॉब छोड़ दी और पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। ए ने विड्रॉ किया 30,000, बी ने भी 30,000 और सी ने 40,000। बताओ टीडीएस कटेगा कि किसी का नहीं कटेगा? सभी का 50,000 से कम का विड्रॉ नहीं कटेगा। आप एग्रीगेट मत कर देना, ए बी और सी तीनों का एग्रीगेट कर दिया कि तीनों का एग्रीगेट तो 1 लाख हो गया टीडीएस। पर पे ही लिमिट होती है, पर पेयर पर पे लिमिट होती है। जो भी लिमिट है ना, पर पेयर पर पे लिमिट होती है यहाँ टीडीएस की, जितने भी सेक्शन है सभी सेक्शन में ये बात कॉमन बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। कोई कंपनी सिक्योरिटीज पे बॉन्ड्स डिवेंचर पे इंटरेस्ट का पेमेंट करती है और टीडीएस काटेगी 10% की रेट से, 10% की रेट से टीडीएस काटेगी। दो केस में यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा, एक तो अगर इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे किया जा रहा है, दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे किया जा रहा है और डीमैट सिक्योरिटीज पे, तो इन पे टीडीएस नहीं कटेगा। फिर था 194 सेक्शन 194 डिविडेंड का, 194 डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी टीडीएस काटेगी, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 194 डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी टीडीएस काटेगी, रेजिडेंट शेयर होल्डर का काटेगी यहाँ पे 10% की रेट से। अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करती है तो उस डिविडेंड की इनकम में से टीडीएस काटना पड़ेगा 10% की रेट से। दो केस में डिविडेंड पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर डिविडेंड किसको पे किया जा रहा है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, दूसरा डिविडेंड पे किया जा रहा है किसी इंडिविजुअल को और वो भी कैसे, अदर देन कैश, और पूरे साल में कितना पे किया जा रहा है, 5,000 तक कर रही है, कोई टीडीएस नहीं, 5,000 से ज़्यादा हो गया तो फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। मैंने बताया था जैसे ही लिमिट क्रॉस होती है
फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटता है। अगला सेक्शन 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, देखो सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट तो अपन ने कवर कर दिया था ऊपर 193 में, अब 194A में क्या है, अदर देन सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है या एफडी वगैरह पे सेविंग अकाउंट में इन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका टीडीएस कहाँ होगा, 194A में जाएगा। तो टीडीएस कौन काटेगा, कोई भी पर्सन, किसको छोड़ के, यहाँ पे एक बंदे को छोड़ रखा है, ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका लास्ट ईयर में टर्नओवर बिजनेस के केस में आपको ₹1 करोड़ था और प्रोफेशन के केस में ग्रोस रिसीट 50 लाख तक थी, ऐसे बंदों को यहाँ टीडीएस नहीं काटना। जैसे मान लो एक बंदा था मोहनलाल का लास्ट ईयर में बिजनेस था और बिजनेस का टर्नओवर मान लो 98 लाख था, ऐसा मान लो, या मान लो मोहनलाल बिजनेस था ही नहीं मोहनलाल का कोई, या मान लो मोहनलाल लास्ट ईयर में जॉब करता था, बिजनेस था ही नहीं तो टर्नओवर जीरो, जॉब करता था तो टर्नओवर जीरो, या मान लो मोहनलाल नल्ला था कुछ नहीं करता था, तो ऐसे नल्ले बंदे को जिसका लास्ट ईयर में बिजनेस के केस में टर्नओवर अब तो 1 करोड़ था, या बिजनेस था ही नहीं, या मान लो जॉब वगैरह करता था, ऐसे बंदों को यहाँ टीडीएस नहीं काटना। तो मोहनलाल को टीडीएस नहीं काटना, मोहनलाल के अलावा कोई और पेयर है उन सबको यहाँ टीडीएस काटना पड़ेगा। किस रेट से, 10% की रेट से। अब यहाँ एग्जामिनेशन लिमिट क्या दे रखी है, अगर इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है, पेयर कौन है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस है, तो 40,000 तक एग्जामिनेशन लिमिट है, 40,000 तक का इंटरेस्ट पे करते हैं कोई टीडीएस नहीं, 40,000 से ज़्यादा करते हैं तो फिर फुल अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर ये लोग इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन को कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी एज 60 ईयर्स है उससे ज़्यादा है और जो रेजिडेंट है उसको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 50,000। बूढ़े लोगों के लिए लिमिट क्या है, 50,000। लेकिन जो पेयर है वो कोई और पर्सन है, मान लो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है राम लिमिटेड, उसने कोई लोन ले रखा था और उसका इंटरेस्ट पे कर रही है राम लिमिटेड, तो लिमिट क्या है, 5,000 की लिमिट है। लेकिन बैंक वगैरह पे करते हैं तो इंटरेस्ट की लिमिट क्या है, 40,000 और 50,000 की। अब कुछ एडिशनल पॉइंट देखते हैं, अगर बैंक मान लो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS सॉल्यूशन फॉलो करता है, तो देखो ये ऊपर लिमिट दे रखी ना बैंक की 40,000 और 50,000 की, ये अपन लिमिट कैसे देखेंगे, पर बैंक देखेंगे, पर ब्रांच नहीं देखेंगे। जैसे मान लो एक पर्सन है मोहन का HDFC की 3 ब्रांच में अकाउंट है, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, और तीनों से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 20,000 का, तो सिंगल देखोगे तो लिमिट में, लेकिन तीनों ब्रांच का एग्रीगेट कर दोगे तो 60,000 हो गया, लिमिट से ज़्यादा आ गया, पर अब TDS कटेगा। पर बैंक देखेंगे, पर ब्रांच नहीं देखेंगे, वो तीनों ब्रांच एक ही तो बैंक की है, पेयर तो एक ही है HDFC बैंक, ब्रांच अलग अलग है लेकिन पेयर तो एक ही है ना, तो पर बैंक अपन लिमिट देखते हैं इंटरेस्ट के केस में। अगर बैंक की अलग अलग ब्रांच से इंटरेस्ट मिल रहा है तो सभी ब्रांच का इंटरेस्ट अपन क्या करते हैं, एग्रीगेट करेंगे। अब यहां बता रहा है 194A में कुछ केस में TDS नहीं कटेगा। पहला केस, अगर सेविंग अकाउंट पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, बैंक वाले TDS नहीं काटेंगे सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट का। दूसरा, फर्म इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो रेजिडेंट पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, TDS नहीं कटेगा। नॉन रेजिडेंट को कर रही है तो नॉन रेजिडेंट का सारा कहां जाता है, 195 में। हाँ, एक सैलरी को छोड़ दो, सैलरी तो 192 में चला जाता है नॉन रेजिडेंट का, बाकी सब चीज़ें कहां जाती है, 195। एक दो चीज़ें और आएंगी बीच में लेकिन लगभग बाकी सारी चीज़ें 195। तो फर्म रेजिडेंट पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, TDS यहां नहीं कटेगा। इनकम टैक्स के रिफंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, TDS नहीं कटेगा। इसके अलावा बता रखा है, आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, आपने मान लो बैंक से लोन ले रखा था और बैंक को आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो TDS नहीं काटना आपको। या आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, इन बड़े लोगों का TDS नहीं काटना, बैंक इंश्योरेंस कंपनी का। अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो बैंक को या इंश्योरेंस कंपनी को, तो TDS नहीं कटेगा। आगे बता रखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है तो अपने मेंबर्स को या किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को TDS नहीं कटेगा। आपको मोटर एक्सीडेंट के कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट मिला, मोटर एक्सीडेंट के कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिला, TDS नहीं कटेगा। आगे बता रखा है, कोई FD हो रखी है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे, TDS नहीं कटेगा। इसके अलावा बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट क्रेडिट किया, किस में, प्रोविजन अकाउंट में, क्यों, मैक्रो मॉनिटरिंग करने के लिए TDS नहीं कटेगा। वैसे में क्या होता है, TDS पेमेंट और क्रेडिट विच ओवर जिले TDS कट जाता है, लेकिन अगर बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट क्रेडिट करता है कहाँ पे, प्रोविजन अकाउंट में, क्या करने के लिए, मैक्रो मॉनिटरिंग करने के लिए, तो उसे क्रेडिट नहीं मानते और TDS नहीं कटेगा। ये थे कुछ केस में TDS नहीं कटता 194A में, पेयर को TDS काटना पड़ता है, मोहनलाल को छोड़ के 10% की रेट से TDS काटना पड़ता है, एग्जामिनेशन लिमिट 40,000 50,000, अगर बैंक वगैरह पेमेंट करते हैं तो, कोई और पर्सन पेमेंट करता है तो 5,000 की एग्जामिनेशन लिमिट है, कुछ केस में यहाँ TDS नहीं कटता। ये था 194A। अब देखेंगे अपन 194B और एक 194BB, दोनों एक साथ देखेंगे। 194B एक कैजुअल इनकम अदर देन हॉर्स रेस एंड ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन गेम को छोड़ के और हॉर्स रेस को छोड़ के जो कैजुअल इनकम है 194B में TDS कटता है, और जो हॉर्स रेस होती है वो कवर होती है 194BB में। दोनों का अलग सेक्शन बना दिया, वैसे दोनों क्या है, कैजुअल इनकम है, लेकिन सेक्शन दोनों का अलग अलग बना रखा है। तो कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को कैजुअल इनकम का और हॉर्स रेस का पेमेंट करता है तो 30% की रेट से, दोनों में क्या रेट है, 30% की रेट है, 30% की रेट से TDS काटना पड़ेगा। एग्जामिनेशन लिमिट दे रखी है 10,000 तक का पेमेंट करता है कोई TDS नहीं, 10,000 से ज्यादा का करता है, एग्रीगेट पेमेंट 10,000 से ज्यादा का है, फिर TDS कटेगा दोनों सेक्शन में, 194B में भी और WB में भी। अब दोनों सेक्शन में एक पॉइंट और दे रखा है, मान लो विनिंग काइंड में
किसी ने लॉटरी में कार जीती, मान लो कार जीती, अब कार पे टीडीएस कैसे कटेगा? लॉटरी वाला कार का पेमेंट कैसे करेगा? कार का 30% काट के गवर्नमेंट को जमा करवाएगा? कर नहीं सकता ऐसा। तो मान लो 10 लाख की कार थी, तो लॉटरी वाले को क्या करना पड़ेगा? ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस कार पे जितना टीडीएस बनता है वो पेयर ने खुद से जमा, जो पे जिसको कार मिलने वाली है उसे खुद से जमा करवा दी, या तो या ये इंश्योर करना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा पेई से पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे 10 लाख की कार की वैल्यू है, पेई से पेयर को क्या करना पड़ेगा, 3 लाख रुपीज़ मांगने पड़ेंगे, कि 3 लाख मांगे खुद पेयर और 3 लाख पहले जमा करवाए फिर उसको कार दे। तो अगर विनिंग काइंड में है तो ऑर्गेनाइजर को, लॉटरी वाले को क्या करना है, विनिंग तभी देनी है जब तक उस विनिंग का टैक्स जमा हो जाए, उसके बाद ही विनिंग देनी है। अगर विनिंग पे टैक्स जमा नहीं हुआ तो विनिंग नहीं देनी। कैसे इंश्योर करना पड़ेगा? या तो पेई को बोले कि पहले तू 10 लाख की कार की वैल्यू है, 3 लाख का टैक्स बनता है, 3 लाख का टैक्स जमा करवा और मुझे चालान पकड़ा, या तो ये कर, या मुझे 3 लाख दे फिर मैं तेरे को कार दूंगा, ये करना पड़ेगा। ये करके काइंड वाली विनिंग पे टीडीएस अपने आप कट जाएगा। दूसरा केस क्या हुआ, मैंने बताया था कैजुअल इनकम में, मान लो कैजुअल लॉस आ गया, आप लॉटरी में पैसा हार गए या हॉर्स रेसिंग में पैसा हार गए, तो आप बताओ उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते होगा? किसी से भी सेट ऑफ नहीं होता वो लॉस, वो खुद की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होता। दो लॉटरी खेली, एक में जीते एक में हारे, तो जो लॉस दूसरी लॉटरी में हुआ हारे वाले, वो सेट ऑफ नहीं होता, वो डूब जाता है। तो जो टीडीएस कटेगा लॉस को बिना सेट ऑफ करे कटेगा, ऐसा नहीं कि एक लॉटरी में आप पैसा जीते एक में हार गए तो नेट कर लोगे, नेट नहीं, जिस लॉटरी में पैसा हारे वो डूब जाएगा पैसा, जिसमें इनकम हुई है उस पर टीडीएस कटेगा, दोनों सेक्शन में, 194B में भी और डबल बी में भी। अब एक सेक्शन, नया सेक्शन अपना 194B है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो, ऑनलाइन गेमिंग क्या, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हो आप, या माई इलेवन सर्किल पे टीम बनाते हो, या रमी वगैरह गेम होते हैं ना, ताश के गेम ऑनलाइन खेलते हो, वहाँ अकाउंट खोलते हो ऐप पे, उनके ऐप पे आप अकाउंट खोलते हो, फिर वहाँ आपका वैलेट बनता है, उसमें आपको थोड़ा सा ज्वाइनिंग बोनस वगैरह मिल जाता है, फिर आप अपने पैसे ऐड करते हो, फिर गेम्स खेलते हो, हारते भी हो जीतते भी हो। काफ़ी सारे लोग, बेरोजगार लोग ये काम करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं काम। तो जो ऑनलाइन गेमिंग वाले हैं, ड्रीम इलेवन वाले, वो आपका टीडीएस काटेंगे 30% की रेट से। क्यों 30% से इनकम टैक्सेबल होती है? ये जो इनकम है ना, गंदी इनकम मानी जाती है। कौन सी? कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। तो इन पे टीडीएस की रेट भी हाई है, मतलब जितना टैक्स की रेट है लगभग उतनी ही टीडीएस की रेट है। हाँ सर, चार्ज एस टैक्स में अलग और ऐड होता है, यहाँ ऐड होता नहीं है। हाँ, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट होता, मान लो इन चीज़ों का नॉन रेजिडेंट को पेमेंट होता तो इसमें सरचार्ज भी ऐड करना पड़ता और सेस भी ऐड करना पड़ता, क्योंकि उनका पूरा टैक्स काट लिया जाता है। अब टीडीएस कब कटेगा विनिंग पे? जब आप उस अकाउंट से, जो आपका वैलेट बना हुआ है उस ऐप पे, गेमिंग वाले ऐप पे जो वैलेट बना हुआ है या यूजर अकाउंट बना हुआ है, उससे जब आप अमाउंट विड्रॉ करोगे ना, तो जितना अमाउंट विड्रॉ किया तब टीडीएस कट जाएगा। मान लो आपने 10,000 की विनिंग विड्रॉ की, 10,000 की विनिंग विड्रॉ की, तो जो विनिंग विड्रॉ की 10,000 की विनिंग पे टीडीएस कट जाएगा 30% की रेट से। अब आपने मान लो विड्रॉ ही नहीं करी, या विनिंग ज़्यादा थी और आपने विड्रॉ कम करी, तो बाकी जो बैलेंस है बैलेंस पे टीडीएस कटेगा, बैलेंस विनिंग पे फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, मतलब 31 मार्च को। तो जो विड्रॉ करते हो, तो जितनी विनिंग विड्रॉ कर ली उस पर विनिंग पे टीडीएस कटेगा विड्रॉ के टाइम पे, और जो बैलेंस विनिंग है उस पर टीडीएस कटेगा प्रीवियस ईयर के या फाइनेंशियल ईयर के एंड में, 31 मार्च को टीडीएस काटेगी कौन? गेमिंग वाली कंपनी। अब इसमें बोलते हैं छोटे मोटे केस होते हैं, अगर आप विड्रॉ कितने करते हो, काफ़ी सारे लोग चिंदी बना करते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे गेम खेलते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये के। तो अगर आपने विनिंग जो विड्रॉ करी है 100 रुपीज़ की विनिंग विड्रॉ की है पूरे मंथ में, तो टीडीएस काटने की विड्रॉ के टाइम पे जरूरत नहीं है, फिर आप पूरे का पूरा ईयर एंड पे काट लेना। 100 रुपीज़ तक की विनिंग आपने विड्रॉ की है पूरे मंथ में। आगे बता रखा है विनिंग देखो काइंड में भी हो सकती है, गेम्स में, ऑनलाइन गेम्स में भी विनिंग काइंड में हो सकती है। तो काइंड में क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा, वही सेम क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि टीडीएस जमा हो चुका। और लास्ट बता रखा है विनिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी मैं पूरा डिटेल में आपको IFOS चैप्टर में डिटेल में बता चुका कैसे A+D-B+C कैसे क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से भी बता चुका, और जो तरीका रूल्स में उस तरीके से भी बता चुका। तो विनिंग्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, विनिंग्स कैसे निकालते हैं ऑनलाइन गेमिंग की, वो आप एक बार अदर सोर्स का रिवीजन देख लेना, उसमें डिटेल में बता रखा है मैंने। अब आ जाते हैं अपन 194C कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट वाला अपना। कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करता है, किसको छोड़ के, मोहनलाल को छोड़ के, मोहनलाल मतलब इसका लास्ट ईयर में बिजनेस के केस में टर्नओवर 1 करोड़ तक था और प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक थी, या लास्ट ईयर उसका बिजनेस था ही नहीं, या लास्ट ईयर में वो जॉब करता था मान लो, या नल्ला था, तो उसको छोड़ के बाकी लोगों को टीडीएस काटना है। किसका टीडीएस कटेगा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर का, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, वो कौन है सामने वाला, कॉन्ट्रैक्टर, उससे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे मेंटेनेंस वगैरह के। किस रेट से कटेगा, अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है मतलब जो पेई है, वो अगर इंडिविजुअल HUF है जिसको इनकम रिसीव हो रही है, कौन है इंडिविजुअल HUF है, तो 1% की रेट से, कंपनी फर्म वगैरह है तो 2% की रेट से। कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर कौन है, अब यहाँ एग्जामेशन लिमिट 2 दे रखी है, सिंगल पेमेंट के लिए 30,000 और एग्रीगेट 1 लाख की, कोई सी भी एक लिमिट क्रॉस हुई टीडीएस कट जाएगा। जैसे मान लो आप एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो 20,000, 25,000, 28,000 ऐसा कर रहे हो,
फिर अचानक से आपने पेमेंट कर दिया 32,000 का, 30,000 से ज़्यादा हो गया, पूरे अमाउंट पे क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा मान लो आपने छोटे छोटे पेमेंट किए 20,000, 10,000, 30,000, 50,000, जैसे ही एग्रीगेट पेमेंट 1,00,000 को क्रॉस हो गया, पूरे 1,00,000 पे टीडीएस कट जाएगा। कोई सा भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, कोई सी भी एक लिमिट क्रॉस हुई, फिर टीडीएस कट जाएगा। यहाँ दो लिमिट दे रखी है, सिंगल वाली अलग और एग्रीगेट वाली अलग। कोई सी भी एक लिमिट क्रॉस हुई फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। मैंने बताया था टीडीएस के केस में जैसे ही एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस होती है फिर पूरे अमाउंट पे क्या होता है, टीडीएस कटता है। सभी सेक्शन में दो सेक्शन इसके आगे एक्सेप्शन आएंगे। आप कुछ एडिशनल पॉइंट दे रखें, कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें आएंगी, तो देखो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये सब तो आ ही जाएंगे। अब कुछ स्पेशल चीज़ें और बता रखी हैं, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, ब्रॉडकास्ट करवाते हो, टेलीकास्ट करवाते हो, इसे भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, 194C में टीडीएस कटेगा। कैटरिंग, आप हलवाई से खाना वगैरह बनवाते हो, कैटरिंग का पेमेंट करते हो, टीडीएस 194C में आपको काटना पड़ेगा। इसके अलावा आप गुड्स और पैसेंजर के भाड़े का, मतलब ट्रांसपोर्ट का पेमेंट करते हो, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो, भाड़े का पेमेंट करते हो, फ्रेट का पेमेंट, चाहे वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट हो, तो भाड़े का जो पेमेंट करते हो उस फ्रेट पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 194C में, उसे भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन अदर देन रेलवे होना चाहिए, रेलवे को पेमेंट कर रहे हो भाड़े का तो टीडीएस नहीं काटना। रेलवे को पेमेंट करते हो, रेलवे पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अंडर आती है, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बाकी किसी को भी भाड़े का पेमेंट करो टीडीएस काटना पड़ेगा। आगे बता रखा है, आप जॉब वर्क करवाते हो, जॉब वर्क करवाते हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। आप बोलोगे जॉब वर्क क्या होता है, जैसे मान लो कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने क्या किया, सप्लायर को अपना स्पेसिफिकेशन बता दिया कि मुझे इस तरह का एक बोतल चाहिए मेरे को, जिसमें मेरा लोगो प्रिंट हो, मेरा टैटू प्रिंट हो, मेरा नाम प्रिंट हो। और कस्टमर ने क्या किया, मटेरियल भी खुद सप्लाई किया, बोतल बनवाने के लिए कस्टमर ने क्या किया, प्लास्टिक खुद सप्लाई किया और खुद का स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने बना दिया, बता दिया सप्लायर को। और सप्लायर ने क्या किया, या जो वर्क करने वाले ने क्या किया, उस अकॉर्डिंग जैसा कस्टमर ने बताया था वैसा काम करके कस्टमर को पकड़ा दिया। ये होता है जॉब वर्क, मतलब कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन खुद ने बता दिया और मटेरियल ने भी खुद ने सप्लाई कर दिया। या क्या हुआ, कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन तो खुद बता दिया जो, और जो मटेरियल सप्लाई किया वो कस्टमर के किसी रिलेटिव ने सप्लाई किया। रिलेटिव भी कौन सा, 482 वाला। मान लो कस्टमर है राम लिमिटेड, तो राम लिमिटेड के किसी डायरेक्टर ने मटेरियल सप्लाई कर दिया और राम लिमिटेड ने स्पेसिफिकेशन बता दिया और बेचारे जॉब वर्कर ने उस अकॉर्डिंग काम करके माल सप्लाई कर दिया। तो ये होता है जॉब वर्क, इस जॉब वर्क पे भी यहाँ टीडीएस कटता है। अब एक चीज़ और है, मान लो कस्टमर ने मटेरियल सप्लाई नहीं किया, कस्टमर ने बस स्पेसिफिकेशन बताया कि मुझे इस तरह की बोतल चाहिए। अब जो जॉब वर्क करने वाला बंदा है, जो सप्लायर है, उसने क्या किया, खुद का माल यूज़ किया बोतल बनाने के लिए, खुद का माल यूज़ किया और खुद के माल से यूज़ करके बोतल बना के कस्टमर को बेच दी। बताओ जॉब वर्क बनेगा क्या, ये जॉब वर्क नहीं बनेगा, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। एक तरीके से क्या होगा, आपने गुड सेल करा है, ये जॉब वर्क नहीं बनेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। या मान लो क्या हुआ, कस्टमर ने अपना स्पेसिफिकेशन बता दिया, मटेरियल सप्लाई नहीं किया, मटेरियल ना उसने सप्लाई किया ना उसके रिलेटिव ने सप्लाई किया, जो जॉब वर्कर है उसने क्या किया, थर्ड पार्टी से मटेरियल खरीद के काम कर दिया, तो ये जॉब वर्क बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। जॉब वर्क कब बनता है, जब कस्टमर या तो खुद मटेरियल सप्लाई करता है या कस्टमर का रिलेटिव मटेरियल सप्लाई करता है, तब बनता है जॉब वर्क। अब जॉब वर्क के केस में एक चीज़ और है, जॉब वर्क के केस में दो चीज़ होती है, तो मटेरियल और एक सर्विस। तो बिल में अगर मटेरियल वैल्यू और सर्विस वैल्यू सेपरेटली मेंशन है, तो जो सर्विस वैल्यू है, सर्विस वैल्यू, उस सर्विस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा, मटेरियल वैल्यू पे नहीं कटेगा। लेकिन अगर सेपरेटली मेंशन नहीं है, मटेरियल वैल्यू और सर्विस वैल्यू एक साथ दिखा रखी है बिल में, तो फिर फुल वैल्यू पे, पूरी बिल वाली वैल्यू पे टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन टीडीएस काटेगा, जो जॉब वर्क करवा रहा है, जो कस्टमर जॉब वर्क करवा रहा है वो टीडीएस काटेगा, जॉब वर्क के केस में काटेगा। अब आगे दे रखा है, इंडिविजुअल पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हैं तो टीडीएस यहाँ नहीं काटना, चाहे उनका टर्नओवर लास्ट ईयर का ज़्यादा है फिर भी टीडीएस नहीं काटना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, टीडीएस चाहे आप पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करो चाहे कमर्शियल के लिए करो, टीडीएस काटना पड़ता है। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ को दो सेक्शन में छूट दे रखी है, 194C 194J। आगे बता रखा है, अगर आप ट्रांसपोर्टर को भाड़े का पेमेंट करते हो, कैसे ट्रांसपोर्टर को, कोई बेचारा गरीब ट्रांसपोर्टर है जिसके पास प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर है, और वो आपको क्या कर देता है, पैन नंबर दे देता है और एक डिक्लेरेशन दे देता है, तो ऐसे गरीब ट्रांसपोर्टर का आपको टीडीएस नहीं काटना, चाहे लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो फिर भी टीडीएस नहीं काटना। आगे बता रखा है, टीवी चैनल वाले क्या कर रहे हैं, किसी प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो स्टार प्लस है, वो क्या कर रहा है, एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, एक स्टार प्लस क्या कर रहा है, एकता कपूर से कोई सीरियल बनवा रहा है या कोई मूवी बनवा रहा है, और एकता कपूर को स्टार प्लस ने क्या किया, अपना स्पेसिफिकेशन बताया कि मुझे इस तरह का सीरियल बनवाना है जिसमें रोमांस भी हो, ड्रामा भी हो, सब चीज़ें बता दी उसने। तो अगर टीवी चैनल वाला अपना स्पेसिफिकेशन बता के प्रोग्राम बनवाता है और फिर पेमेंट करता है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा, वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मान लो एकता कपूर ने कोई प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा था, स्टार प्लस वाला उसके पास गया और बने बनाए प्रोग्राम को खरीद के लेके आ गया, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। वो क्या होगा, एक तरीके से गुड्स की सेल होगी, वो टीडीएस नहीं कटेगा। आगे बता रखा है, देखो अगर आप फ्रेट का पेमेंट ट्रांसपोर्टर को करते हो, ट्रांसपोर्टर को भाड़े का पेमेंट करते हो, टीडीएस काटते हैं अपन यहाँ पे।
लेकिन मान लो भाड़े का पेमेंट क्या हो रहा है, परचेजर कर रहा है सेलर को रीइंबर्स, मान लो सेलर ने फ्रेट का पेमेंट ट्रांसपोर्टर को किया था तो सेलर ने टीडीएस काट लिया था। अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था कि जो फ्रेट का पेमेंट है ना, फ्रेट का खर्चा, वो परचेजर भुगतेगा। एक केस लॉ का पॉइंट है, परचेजर भुगतेगा। तो परचेजर ने क्या किया, फ्रेट का जो खर्चा है वो सेलर को रीइंबर्स कर दिया। तो फ्रेट का खर्चा परचेजर क्या कर रहा है, सेलर को पे कर रहा है। बताओ टीडीएस कटेगा क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। फ्रेट का पेमेंट अगर आप भाड़े वाले को ट्रांसपोर्टर को करते हो तो ही टीडीएस काटना है, ट्रांसपोर्टर को करते हो तो ही टीडीएस काटना है। ये था केस लॉ का पॉइंट। आगे है इवेंट मैनेजर को, अगर आप पेमेंट करते हो, इवेंट मैनेजर की कोई भी सर्विस लेते हो, इवेंट वालों को पेमेंट करते हो, 194C में टीडीएस कटेगा। बस एक को छोड़ दो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का इवेंट है, मान लो कोई स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग इवेंट है तो 194J में जाता है, बाकी सारे इवेंट पे टीडीएस कहाँ कटेगा, 194C में। लास्ट पता क्या, कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट पे भी टीडीएस यही कटेगा। ये था 194C, काफ़ी बड़ा सेक्शन था जो अपने देख लिया। 194D फालतू सेक्शन है। इंश्योरेंस कंपनी अगर अपने एजेंट को पेमेंट करती है कमीशन का, तो 5% की रेट से टीडीएस कटेगी। 50,000 की लिमिट है, 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट है तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा। अब अगला सेक्शन 194D है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। आपको मैच्योरिटी पे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अमाउंट मिलती है तो अगर वो टैक्सेबल है तो इंश्योरेंस कंपनी वाली उस पर टीडीएस काट देंगे। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट मैच्योरिटी पे मिलती है, ये एग्जम्प्ट भी हो सकती है। एग्जम्प्ट कहाँ होती है, याद करो सेक्शन 10 में एक लिमिट होती है, वहाँ पे प्रीमियम अगर आप लिमिट तक पे करते हो तो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलती है वो एग्जम्प्ट हो जाती है। लेकिन प्रीमियम आपने लिमिट से ज़्यादा पे किया तो फिर वो टैक्सेबल हो जाती है, और टैक्सेबल हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर टीडीएस काटेगी। अब इंश्योरेंस कंपनी जो टीडीएस काटेगी कितना काटेगी, 5% की रेट से काटेगी। अब 5% मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिल रही है उस पर नहीं काटेगी, इनकम कंपोनेंट का, मतलब मैच्योरिटी पे आपको मान लो 30 लाख रुपीज़ मिले और टोटल प्रीमियम आपने 10 लाख पे करा था तो आपकी इनकम कितनी आई, 30 - 10 20 लाख की इनकम आई। ऐसे तो निकालते थे इनकम, मैंने आपको सिखाया था पहले, तो 20 लाख की इनकम पे 5% की रेट से टीडीएस काटेगा। ये पहला ऐसा सेक्शन है जहाँ पे इनकम कंपोनेंट का टीडीएस कट रहा है। अभी तक पूरी ग्रोस अमाउंट का कट रहा था सभी सेक्शन में, और आगे भी सभी सेक्शन में क्या होगा, ग्रोस अमाउंट का कटेगा, लेकिन इसमें इनकम, नेट इनकम कंपोनेंट जो आ रहा है उसका टीडीएस काटना है 5% की रेट से। अब आगे बता रहा है अगर मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से कम की है पूरे साल में, जो पेमेंट करा इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख से कम का किया किसी पे ही को, तो टीडीएस नहीं कटेगा। चाहे वो टैक्सेबल है फिर भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर मैच्योरिटी अमाउंट कितनी है, 1 लाख से कम की है, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर पूरे अमाउंट पर टीडीएस कट जाएगा, अगर वो टैक्सेबल है तो ही। अगर मान लो मैच्योरिटी अमाउंट रेसिपिएंट के हैंड्स में एग्जम्प्ट है क्योंकि उसने प्रीमियम लिमिट में पे किया था, अब मैच्योरिटी अमाउंट मिल रही 5 करोड़, बताओ टीडीएस कटेगा क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। एग्जम्प्ट होने पे टीडीएस नहीं कटता। अगला 194E, ये है नॉन रेजिडेंट का स्पेसिफिक सेक्शन। आप पेमेंट कर रहे हो किसको, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स मतलब रिकी पोंटिंग, ब्रेटली वगैरह हैं जो ऑस्ट्रेलिया के, या स्पोर्ट्स एसोसिएशन मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड हो गया, इनको पेमेंट कर रहे हो। या एंटरटेनर जो नाचने गाने वाले हैं, जो एक्टर होते हैं ना फिल्मों में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस वगैरह, इनको क्या बोलते हैं, नाचने गाने वाले, एंटरटेनर बोलते हैं इनको। कुछ लोग इनको वो बना लेते हैं कि तो हम वो क्या बना लेते हैं, फैन हो जाते हैं कुछ लोग उनके, उनको आइडल बना देते हैं। क्या होते हैं, नाचने गाने वाले होते हैं, खाली आपका मनोरंजन करते हैं। तो इंडिया वाले नहीं, इंडिया के बाहर के नाचने गाने वाले वो यहाँ कवर है, उनको पेमेंट किया जा रहा है। और वो कैसे हैं, इंडिया के बाहर के हैं, नॉन रेजिडेंट हैं और इंडिया के सिटीजन भी नहीं है। ऐसे नाचने गाने वालों को, ऐसे स्पोर्ट्समैन को पेमेंट किया जा रहा है तो उनका टीडीएस कटेगा 20% की रेट से। और देखो ये नॉन रेजिडेंट है तो सरचार्ज भी ऐड कर देंगे और सेस भी, सरचार्ज तो इनकम लिमिट को क्रॉस होती है तो ऐड होता है, सेस तो हमेशा ऐड होता है, तो ये ऐड करके टीडीएस काटेंगे, मतलब जितना इनकम इनका टैक्स बनेगा पूरा का पूरा काट लेंगे। अब ये कौन सी इनकम पे कटेगा नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन की, तो 115BBA में एक स्पेशल इनकम बता रखी है इनकी, जिसमें टैक्स कितना लगता है 20%। तो देखो पूरा टैक्स काट लिया अपन ने, 20% टैक्स लगता है तो 20% टीडीएस काट लिया। अब वो कौन सी इनकम है, ये कुछ इनकम बता रखी है, अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में गेम खेलने आते हैं या एडवर्टाइजमेंट करते हैं इंडिया में आके, या किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, या जो एंटरटेनर है इंडिया में आके नाचते गाते हैं, तो नाचने गाने वाली इनकम पे यहाँ टीडीएस कटेगा। तो इनको क्या बोलते हैं, एंटरटेनर। आप भी क्या बोला करो इनको, जो फिल्मी सितारे होते हैं ना, बॉलीवुड वाले या हॉलीवुड वाले, ये होते हैं एंटरटेनर, नाचने गाने वाले। इनको कभी भी आइडल नहीं बनाया जाता, इनको नाचने गाते हैं, इनको देखो और मजे लो बस, इनका फैन बनने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इनकम टैक्स वाले भी इनको क्या मानते हैं, एंटरटेनर मानते, क्या मानते हैं इनकम टैक्स वाले, एंटरटेनर मानते, नाचने गाने वाले मानते। तो आपको भी क्या मानना होता है, इनको एंटरटेनर। अब आते हैं अपन 194G, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। फालतू सेक्शन बिल्कुल कुछ काम का नहीं है। तो कोई लॉटरी वाला है अपने एजेंट को लॉटरी टिकट की सेल पे कमीशन दे रहा है, 5% की टीडीएस काटेगा, 15,000 का यहाँ पे एग्जम्स लिमिट है, फालतू सेक्शन। अब 194H, अदर कमीशन ऑन ब्रोकरेज। देखो दो कमीशन तो अपने पढ़ लिए, 194D इंश्योरेंस कंपनी का कमीशन, 194G लॉटरी वालों का कमीशन, और बाकी जो कमीशन बच गया वो सब आएगा 194H में। यहाँ सभी को टीडीएस काटना है, मोहनलाल को छोड़ना है, मोहनलाल को टीडीएस नहीं काटना है, मोहनलाल वो गरीब इंसान, उसको टीडीएस नहीं काटना।
तो किस रेट से टीडीएस कटेगा? 5% की रेट से कटेगा। लिमिट कितनी है? 15,000 की। देखो तीनों कमीशन के सेक्शन में लिमिट क्या है? 15,000। तीनों में रेट भी क्या है? 5%। इन पागल लोगों ने फालतू में अलग अलग सेक्शन बना के आपको दुखी किया, कुछ नहीं किया। अब तीन केस में यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। कमीशन ब्रोकरेज जो किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटीज, शेयर्स वगैरह से, डिबेंचर वगैरह से रिलेटेड है, तो उस कमीशन पे टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे कमीशन टू अंडरराइटर वगैरह, ऐसे कमीशन पे टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा स्टाम्प वेंडर्स को डिस्काउंट दिया गया, स्टाम्प पेपर उन्होंने बल्क क्वांटिटी में खरीदे थे, तो जो डिस्काउंट दिया जाता है ना उसको कमीशन नहीं बोलते। आपने मान लो कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, तो ये केस लॉ का पॉइंट है, उसे कमीशन नहीं बोलते, तो उस डिस्काउंट पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा बैंक ने क्या किया, एटीएम नेटवर्क सर्विस लेने के लिए, एटीएम नेटवर्क सर्विस लेने के लिए कमीशन का पेमेंट किया, इस कमीशन पर भी टीडीएस नहीं करता। बैंक ने एटीएम नेटवर्क सर्विस लेने के लिए कमीशन का पेमेंट किया, इस कमीशन पर भी टीडीएस नहीं करता। ये भी केस लॉ का पॉइंट है। अगर बता रखा है कंसाइनर कंसाइनी को पेमेंट करता है तो 194H में चला जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। आगे बता रखा है एयरलाइन कंपनी एजेंट को पेमेंट करती है, एयरलाइन कंपनी एजेंट को पेमेंट करती है, जैसे इंडिगो वगैरह है, एयर इंडिया है, इसके काफ़ी सारे एजेंट होते हैं जो टिकट सेल करते हैं, काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं, जैसे गोआईबीबो हो गए, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जहाँ इनके टिकट सेल होती हैं, तो एजेंट को कमीशन का पेमेंट करते हैं, तो टीडीएस जो कटेगा ना, जो स्टैंडर्ड कमीशन नॉर्मल कमीशन पे करेंगे उस पर भी कटेगा। अगर ये मान लो उनको एडिशनल कमीशन देते हैं, एडिशनल मतलब सप्लीमेंट्री कमीशन देते हैं, उस पर भी कटेगा। तो कैसा भी कमीशन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे सप्लीमेंट्री हो, सब पे कटता है टीडीएस। ये भी केस लॉ का पॉइंट है। ये भी क्या है? केस लॉ का पॉइंट था। ये था 194H। ये सेक्शन भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, 194I रेंट। ये सेक्शन क्या है? 194I रेंट। कौन टीडीएस काटेगा? कोई भी पर्सन, मोहनलाल को छोड़ के, उस गरीब मोहनलाल को छोड़ के सब लोगों को यहाँ टीडीएस काटना है। रेंट पेमेंट करते हैं, तो रेंट का पेमेंट कितना करते हैं वो देख लेंगे। रेट क्या है? अगर रेंट किसका है? प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट का है तो 2% की रेट है। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का रेंट है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का रेंट है, 10% की रेट है। अब यहाँ पे लिमिट दे रखी है, अगर 2,40,000 का रेंट है पूरे साल का। देखो मैंने बताया सारे सेक्शन में लिमिट क्या है, पूरे साल की दे रखी है। एक आध सेक्शन एक्सेप्शन आएगा, लेकिन सभी सेक्शन में पूरे साल की लिमिट है, तो पूरे साल की 240 की लिमिट है। 240 तक रेंट पे करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 240 से ज़्यादा करते हैं तो फिर टीडीएस कटेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो रेंट है ना, सभी का एग्रीगेट मिला के, मशीनरी का भी, लैंड का भी, बिल्डिंग का भी, ऐसा नहीं कि मशीनरी का रेंट अलग है, लैंड का अलग है, दोनों के लिए लिमिट अलग नहीं है, सबका मिला के एग्रीगेट लिमिट है। हाँ, लिमिट पर पे ही होती है, लेकिन सेक्शन में जो चीज़ें दे रखी होती है ना, सेक्शन में मान लो चार नेचर का पेमेंट है, तो सबका अपन एग्रीगेट करते हैं, उन सबका तो अपन एग्रीगेट करते हैं। ऐसा नहीं कि प्लांट मशीनरी का रेंट अलग लेंगे, लैंड बिल्डिंग का अलग लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आगे बता रखा है तीन ऐसी चीज़ बता रखी है जिनको लगेगा तो रेंट है, लेकिन उसको 194I में रेंट नहीं मानेंगे, वो जाएगा 194C में कॉन्ट्रैक्ट। आप क्या कर रहे हो? मान लो कोई एयरलाइन कंपनी है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज पे कर रही है, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज। अपनी प्लेन लैंड करती है एयरलाइन कंपनी एयरपोर्ट पे, तो गवर्नमेंट को क्या कर रही है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लैंडिंग पार्किंग चार्ज पे कर रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कर रही है, गवर्नमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, तो लैंडिंग पार्किंग चार्ज पे कर रही है, वो रेंट नहीं माना जाएगा, लैंड का रेंट नहीं माना जाएगा, वो 194C में कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आगे बता रखा है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स को व्हीकल को हायर करने के लिए पेमेंट करते हो, आपको लगेगा व्हीकल तो प्लांट मशीनरी होती है, रेंट मान लेते हैं। नहीं, आपने मान लो कोई गाड़ी, कोई गाड़ी भाड़े पे ली ताकि आप कहीं पे घूमने जा सको, या भाड़े पे दिया आपने ताकि क्या करो, आप एम्प्लॉइज़ को छुड़वा सको या सामान डिलीवर कर सको, तो ये कहाँ जाएगा? 194C में। लास्ट आता रखा है, आप कूलिंग चार्जेस का पेमेंट करते हो कोल्ड स्टोरेज ओनर्स को, तो रेंट नहीं माना जाएगा, 194I में नहीं जाएगा, 194C में कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आगे बता रखा है, लॉन्ग टर्म लीज लेने के लिए आपने लमसम लीज प्रीमियम पे किया, वन टाइम लीज प्रीमियम जो स्टार्टिंग में पे होता है, तो उस पर टीडीएस नहीं करता, वो रिफंडेबल होता है। हाँ, एनुअल लीज रेंट जो पे करते हो उस पर टीडीएस कटेगा, लेकिन लम सम लीज प्रीमियम जो पे किया जाता है स्टार्टिंग में, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। लास्ट बता रखा है, मोबाइल टावर का यूज़ करने के लिए पेमेंट किया, तो 194I में उसे प्लांट मशीनरी का यूज़ माना जाएगा, प्लांट मशीनरी का रेंट माना जाएगा, और 2% की रेट से यहाँ टीडीएस कट जाएगा 194I में। अगला सेक्शन 194I है, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई बायर क्या कर रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं होती, कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, तो सामने वाले की इनकम टैक्सेबल ही नहीं होगी, टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस करता ही नहीं है, टीडीएस खाली टैक्सेबल इनकम पे करता है, एग्जम्प्ट इनकम पे नहीं करता। तो बायर क्या कर रहा है? कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, तो बायर क्या करेगा? सेलर का टीडीएस कटेगा। किस रेट से कटेगा? 1% की रेट से। अब 1% किसका करोगे? ध्यान देना, एक तो कंसिडरेशन देंगे, मतलब कितने में परचेज कर रहा है, परचेज प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों का जो भी हायर है, जो भी हायर है उसका 1% करेंगे। मान लो कंसिडरेशन तो है 50 लाख, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख, तो 50 और 70 हायर क्या है? 70 लाख का 1%। कंसिडरेशन मान लो 80 लाख है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख है, किसका कटेगा? 80 लाख और 40 लाख, 80 लाख का 1% करेंगे, जो भी हायर आएगा उसका 1%। अब इसमें ध्यान देना, एग्जम्पशन लिमिट भी दे रखी है, और एग्जम्पशन लिमिट क्या दे रखी है? पर प्रॉपर्टी दे रखी है। अगर कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है उस प्रॉपर्टी की 50 लाख से कम है, दोनों की दोनों चीज़ें, दोनों की दोनों चीज़ें, कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों की दोनों चीज़ें उस प्रॉपर्टी की 50 लाख से कम है, तो उस प्रॉपर्टी पे टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे मान लो बायर ने एक लैंड परचेज करी जिसका सेल अमाउंट तो था या परचेज अमाउंट तो था 40 लाख, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी मान लो 45 लाख, बताओ टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा?
लेकिन मान लो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 60 लाख और सेल अमाउंट थी 40 लाख, अब कट जाएगा। एक भी चीज़ 50 लाख से या 50 लाख से ज़्यादा चली गई, एक भी चीज़ 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा चली गई, फिर TDS कट जाएगा। दोनों की दोनों 50 लाख से कम होनी चाहिए, लेस देन 50 लाख। ये लेस देन वाले जो केस है ये भी 3 सेक्शन में आता है, बाकी सेक्शन में तो एक लिमिट है पर एनम ऐसा। लेस देन वर्ड, ये लेस देन वर्ड कहाँ कहाँ आता है बताओ? एक तो 192A RPF वाले में आता है, एक ये 194IA में आता है, एक 194DA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है उसमें आता है। बस 3 सेक्शन में आता है लेस देन वर्ड, बाकी सेक्शन में तो एक लिमिट है, उस लिमिट तक TDS नहीं, उस लिमिट से ज़्यादा भी, लेकिन इनमें क्या है लेस देन वर्ड है, मतलब उस अमाउंट पे अभी आ गया, मतलब 50 लाख भी हो गया तो TDS कट जाएगा, 50 लाख से कम होना चाहिए कम। आगे बता रखा है जब आप कंसिडरेशन लोगे, मान लो कंसिडरेशन के सेलर ने टुकड़े कर रखे हैं, कैसे टुकड़े कर रखे हैं उसने, जैसे मान लो फ्लैट वाले क्या करते हैं बिल्डर लोग, एक तो फ्लैट का अमाउंट लिखते हैं, फ्लैट का अमाउंट है 40 लाख, फिर वो मेंटेनेंस फीस लिखते हैं 4 लाख, फिर कार पार्किंग फीस 2 लाख, फिर क्लब मेंबरशिप फीस 3 लाख, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाटर फीस 4 लाख, ऐसा करके फिर बना दिया उन्होंने बिल 58 लाख का। तो TDS जब आप निकालोगे तो कंसिडरेशन में क्या करोगे, इन सबको एग्रीगेट करोगे, इन सबको टोटल करोगे, इन सबको इंक्लूड करोगे, फिर उस जो फिगर आएगी उस फिगर को कंपेयर करो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से और उन दोनों का हायर करके 1% TDS काटना है। ये था 194IA। अब 194IB रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देखो आप बोलोगे रेंट तो 194I में कवर कर लिया अपन ने, ये 194IB में कौन सा रेंट है? देखो 194I में अपन ने एक बंदे को छोड़ दिया था, किसको? मोहनलाल को, उस गरीब मोहनलाल को छोड़ दिया था। अब उस गरीब मोहनलाल को TDS कहाँ कहाँ काटना है? 194IB। वो गरीब मोहनलाल जो 194I में कवर नहीं है, इंडिविजुअल एचयूएफ जो 194I में कवर नहीं है, मतलब कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका लास्ट ईयर में बिजनेस के केस में टर्नओवर 1 करोड़ तक था, प्रोफेशन के केस में प्रोसेसिंग 50 लाख तक थी, या लास्ट ईयर में बिजनेस था ही नहीं, या लास्ट ईयर में मान लो जॉब करते थे, वो लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर का, कब का देखते हैं लास्ट ईयर का। तो उस मोहनलाल को TDS कहाँ काटना है 194IB में, और किसके रेंट का काटना है? यहाँ पे खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट कवर नहीं है, लैंड बिल्डिंग। अगर वो मोहनलाल ने लैंड या बिल्डिंग किराए पे ले रखी है और वो रेंट पे कर रहे थे तो TDS काटना है किस रेट से? यहाँ रेट है 5%, वहाँ थी 10% लैंड बिल्डिंग पे, यहाँ कितनी है 5%। पर यहाँ एग्जीमेशन लिमिट देखो, यहाँ एक पूरे सभी सेक्शन में एक इकलौता सेक्शन है जहाँ पे लिमिट पर मंथ की दे रखी है, 50,000 पर मंथ तक का रेंट है, कोई TDS नहीं कटेगा। अभी तक जितने भी सेक्शन देखे सब में पर एनम की लिमिट थी, ये पहला सेक्शन है और इकलौता सेक्शन है जहाँ पे क्या है एग्जिमिशन लिमिट बंद की है। 50,000 पर मंथ का रेंट है, कोई TDS नहीं कटेगा। 50,000 से ज़्यादा का रेंट है फिर पूरे अमाउंट पे TDS कटेगा। 50,000 पर मंथ तक का रेंट है तो कोई TDS नहीं कटेगा। 50,000 से ज़्यादा का रेंट है पर मंथ का तो TDS कट जाएगा। अब देखो TDS कैसे करता है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर जल्दी है। पर यहाँ पे जो मोहनलाल है, गरीब मोहनलाल, इस गरीब मोहनलाल को हर महीने TDS नहीं काटना। गवर्नमेंट ने इसको एक फ़ायदा दे दिया कि हर महीने TDS काटेगा और गवर्नमेंट को जमा करवाएगा तो दुखी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको TDS कब काटना है? लास्ट मंथ के रेंट से, प्रीवियस ईयर का जो लास्ट मंथ आएगा मार्च के रेंट से TDS काटना है। एक साथ पूरा TDS मार्च के मंथ के रेंट से काटना है इसको। लेकिन मान लो ये गरीब मोहनलाल प्रॉपर्टी में टिकता ही नहीं पूरे साल, बीच में प्रॉपर्टी वैकेट करके चला गया, दिसंबर में प्रॉपर्टी खाली करके चला गया, तो क्या होगा? दिसंबर वाले मंथ के रेंट से, जिस मंथ में प्रॉपर्टी खाली करके जा रहा है उस मंथ के रेंट से TDS काटना है। हर मंथ नहीं काटना, या तो लास्ट मंथ के रेंट से काटना है या जिस मंथ में प्रॉपर्टी खाली करके जा रहा है उस मंथ के रेंट से TDS काटना है। अब देखो अपना एक आगे एक सेक्शन आएगा 206AA, ये बोलता है कि जो पेई है, मतलब जिनको जिसको इनकम मिल रही है वो अपना पैन पेयर को फर्निश नहीं करता तो एक दिक्कत हो जाती है। पेई को अपना पैन पेयर को देना पड़ता है, अगर पेई अपना पैन पेयर को नहीं देता तो पेयर जो है ना TDS कैसे काटता है? सेक्शन में जो रेट दे रखी है वो और 20% से कंपेयर करता है, और इन दोनों से जो हायर आई उस रेट से TDS काटता है। एक सेक्शन आएगा कौन सा, 206AA, ये बीच में टांग अड़ाता है, ये बोलता है पेई जो है ना जिसको इनकम मिल रही है उसको अपना पैन नंबर की फर्निश करना पड़ता है, पैन की फोटो कॉपी देनी पड़ती है किसको, पेयर को। अगर पेयर को नहीं दी उसने तो पेयर TDS कैसे काटता है? सेक्शन रेट और 20% विच एवर इज हायर। तो वो सेक्शन लगभग सब जगह अप्लाई होता है, चलो ठीक है अप्लाई तो होता है, यहाँ भी अप्लाई होगा, हाँ अप्लाई होगा, पर इसमें एक दिक्कत हो जाएगी। पे ने मान लो पैन फर्निश नहीं किया, TDS की रेट तो हो जाएगी 20%, ठीक है, पर इस केस में 194IB के केस में मैक्सिमम TDS कितना काट पाएगा पेयर? जितना लास्ट मंथ का रेंट है या वैकेंसी मंथ का रेंट है उतना ही काट पाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मोहनलाल ने सोहन को रेंट का पेमेंट किया 1 लाख पर मंथ, तो टोटल रेंट हो गया 12 लाख का, पर मंथ 1 लाख का रेंट है, ठीक है। मान लो जो सोहन है उसने अपना पैन फर्निश नहीं किया था मोहनलाल को, तो TDS क्या रेट से कटेगा? 20%, तो TDS कितना हो गया? 2,40,000 का हो गया। अब हर महीने का रेंट है 1 लाख, तो मार्च का जो लास्ट मंथ का रेंट है वो भी कितना है? 1 लाख। तो मोहनलाल बताओ कितना TDS कटेगा? 240 काटेगा। क्या काटना तो 240 चाहिए प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि पैन फर्निश नहीं किया, पर कितना काट पाएगा? 1 लाख ही काट पाएगा। लास्ट मंथ का रेंट कितना बन रहा है? ऐसा उसको नहीं करना कि फरवरी का भी काट ले फिर जनवरी का भी काट ले, बस लास्ट मंथ जितना रेंट है ना उतना ही काट सकता है, जितना लास्ट मंथ का रेंट है पूरा का पूरा काट ले।
पूरा का पूरा टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दे, मतलब जितना लास्ट मंथ का रेंट है पूरा का पूरा काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दे, मतलब सोहन को एक रुपया भी नहीं देना लास्ट मंथ का, अगर सोहन अपना पेन फर्निश नहीं करता मोहन लाल को तो, ये बता रखा है। अगर वैकेंसी वाला केस है तो वैकेंसी मंथ का जितना रेंट है पूरा काट ले। अब 194IC, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अगर पेमेंट करता है बिल्डर, मैंने बताया था जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, बिल्डर लोग इंडिविजुअल एचओएफ को पागल बनाते हैं, इंडिविजुअल एचओएफ पागल बनके क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी लैंड बिल्डिंग का पजेशन बिल्डर के वाले कर देते हैं। बिल्डर बोलता है कि मैं इस लैंड पे शानदार प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इंडिविजुअल को बोलता है बिल्डर, और बोलता है कि तेरे को मैं 5-6 फ्लैट दे दूंगा। कभी कभी उसको खुश करने के लिए बिल्डर क्या करता है, स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट भी देता है, मनी मनी के फॉर्म में, बैंक में या कैश में कुछ अमाउंट भी दे देता है, बाद में उसको प्रोजेक्ट में शेयर देता है। अब बिल्डर पेमेंट कर रहा है उस इंडिविजुअल एचओएफ को, बिल्डर टीडीएस कटेगा 194IC में, किस रेट से, 10% की रेट से, और टीडीएस इसका कटेगा मनी कंसिडरेशन का, बिल्डर ने जो उसको स्टार्टिंग में 5 लाख 10 लाख रुपीज़ दिए उस पर टीडीएस काटना है, जो उसको फ्लैट जो प्रोजेक्ट में शेयर दिया या जो 5 फ्लैट दिए 10 फ्लैट दिए उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, मनी कंसिडरेशन जो मनी दी चाहे कैश में दियो चाहे बैंक से दियो उस मनी का कटेगा 10% की रेट से टीडीएस, 10% की रेट से टीडीएस कटेगा बिल्डर 194IC में। अब आ जाते हैं 194J, 194J में 4-5 चीज़ें कवर हैं, क्या क्या, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस और डायरेक्टर रिमुनरेशन। प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर रिमुनरेशन, कोई भी पर्सन पेमेंट कर रहा है इन चीज़ों का, किसको छोड़ के, मोहनलाल को छोड़ते हैं, उस गरीब मोहनलाल के अलावा बाकी लोगों को टीडीएस काटना है। टीडीएस की देखो रेट क्या है, टेक्निकल फीस, टेक्निकल फीस को अपन बोलते हैं FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ये भी बोलते हैं। इसके अलावा रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स या रॉयल्टी फॉर फिल्म्स, इसके अलावा पेमेंट टू कॉल सेंटर, ये तीन पेमेंट है, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स और पेमेंट टू कॉल सेंटर, ये तो रेट हो जाएगी 2% और बाकी सब चीज़ों पर रेट होगी 10%। बाकी सब चीज़ें मतलब प्रोफेशनल फीस पर 10%, अदर रॉयल्टी पे 10%, नॉन कम्पीट फीस पे भी 10% और डायरेक्ट रिमुनरेशन पे भी 10%, इन सब चीज़ों पे 10% और बाकी टेक्निकल फीस, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स और पेमेंट टू कॉल सेंटर पे 2%, ये रेट है यहाँ पे, ये रेट दे रखी है। अब एग्जीमेशन लिमिट दे रखी है यहाँ पे, प्रोफेशनल फीस 30,000, टेक्निकल फीस 30,000, रॉयल्टी 30,000, नॉन कम्पीट फीस 30,000 और डायरेक्ट रिमुनरेशन पे कोई लिमिट नहीं है। आप बोलोगे मैंने लिमिट अलग अलग क्यों लिखी है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इस सेक्शन में अलग अलग नेचर चीज़ें कवर हैं लेकिन सब चीज़ों की लिमिट अलग अलग है। जैसे मान लो राम लिमिटेड क्या कर रही है, सोहन को पेमेंट कर रही है प्रोफेशनल फीस का 28,000 और टेक्निकल फीस 27,000, एग्रीगेट करोगे तो दोनों का एग्रीगेट होगा 55,000, मतलब टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, दोनों की लिमिट सेपरेट है। एक ऐसे सेक्शन में क्या है, एक ही सेक्शन है, वैसे तो सभी सेक्शन में क्या होता है, एक ही सेक्शन में अगर अलग अलग नेचर का पेमेंट भी आता है तो अपन एग्रीगेट कर देते हैं, अपन क्या कर देते हैं एग्रीगेट, जैसे आया था ना प्लांट मशीनरी का रेंट है, बिल्डिंग का रेंट है, मैंने बताया था सबको अपन एग्रीगेट करके देखते हैं, लेकिन इस सेक्शन में लिमिट अलग अलग लिख रखी है, तो प्रोफेशनल फीस की अलग लिमिट है, टेक्निकल फीस की अलग, रॉयल्टी की अलग, नॉन कम्पीट फीस की अलग, लेकिन डायरेक्टर रिमुनरेशन में कोई लिमिट नहीं दे रही। अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर को रिमुनरेशन का पेमेंट करती है चाहे 5,000 का करे, टीडीएस काटना पड़ेगा 10% की रेट से। अब डायरेक्टर रिमुनरेशन में एक चीज़ हो रहा है, ये रिमुनरेशन किसी भी नाम से हो सकता है, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर कमीशन, डायरेक्टर कमीशन भी लिखा हुआ है ना, तो कमीशन 194H में नहीं जाएगा, उसे क्या मानेंगे, डायरेक्टर रिमुनरेशन मानेंगे, तो ये फीस भी हो सकता है, डायरेक्टर कमीशन भी हो सकता है, किस नाम से भी हो सकता है। लेकिन मान लो कोई डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है डायरेक्टर इज एम्प्लॉई ऑफ कंपनी, वैसे डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं होता लेकिन मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो फिर 192 में टीडीएस कटेगा, कहाँ कटेगा 192, फिर वो एम्प्लॉई वाला काम आ जाएगा, 192 पहले आया था उसको प्रायोरिटी देंगे, अगर लिखा हुआ है कि एम्प्लॉई डायरेक्ट, बाकी अपन एम्प्लॉई मानते नहीं है लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है तो 192 में कटेगा। बाकी डायरेक्टर को आप कुछ भी पे करते हो, फीस, कमीशन, रिमुनरेशन, सबको एक ही मानते हैं अपन रिमुनरेशन, टीडीएस कटेगा 194J में 10% की रेट से, कोई लिमिट नहीं है। आगे बता रखा है अगर इंडिविजुअल एचओएफ पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हैं कोई टीडीएस नहीं काटना, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। आगे बता रखा है कोई इंडिविजुअल एचओएफ है रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट कर रहे हैं चाहे वो कमर्शियल करे फिर भी टीडीएस नहीं काटना, वैसे इंडिविजुअल एचओएफ की औकात नहीं होती कि वो रॉयल्टी का पेमेंट करे या नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट करे, फिर भी मान लो कर रहे हैं चाहे कमर्शियल बिजनेस के लिए कर रहे हैं फिर भी टीडीएस नहीं काटना। चाहे मान लो जैसे मान लो एक इंडिविजुअल है सोहन 10 लाख का रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, टीडीएस काटेगा क्या, नहीं, वैसे होता नहीं है, रॉयल्टी नॉन कम्पीट फीस वो इंडिविजुअल पे करें, ये बड़े बड़े लोग करते हैं, फोन पे करते हैं, फॉर्म कंपनी वगैरह यही पे करते हैं, तो इंडिविजुअल जो है छूट दे रखी है। अगर वो कमर्शियल नेचर के लिए भी रॉयल्टी नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट करते हैं ना तो टीडीएस नहीं काटना। आगे बता रखा प्रोफेशनल सर्विस में क्या लोगे, प्रोफेशनल फीस, तो प्रोफेशनल सर्विस देखो एक सर्विस जो बता रखी है 44W में, या करो स्पेसिफाइड प्रोफेशन, नोटिफाइड प्रोफेशन, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, फिल्म आर्टिस्ट, CA CS, ये सब आ जाएंगे 44W में, इन सबको क्या मानेंगे, प्रोफेशनल सर्विस। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई सर्विस है और किसने दी है, या तो किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने, विराट कोहली ने या सचिन तेंदुलकर ने, किसी एम्पायर ने, किसी रेफरी ने, किसी कोच ने, किसी ट्रेनर ने, किसी टीम फिजिशियन ने, किसी इवेंट मैनेजर ने, किसी कमेंटेटर ने, किसी एंकर ने या किसी स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट ने, इन लोगों ने दी है, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी की कोई भी सर्विस है, कोच वगैरह के ने दी है या किसी खिलाड़ी ने दी है,
वो सब भी कहाँ जाएंगी, प्रोफेशनल मानी जाएंगी। वो भी क्या मानी जाएंगी, प्रोफेशनल मानी जाएंगी, प्रोफेशनल फीस मानी जाएंगी, प्रोफेशनल सर्विस मानी जाएंगी। टीडीएस कटेगा 194 जी में 10% की रेट से। अब देखो इवेंट मैनेजर, बाकी सारे इवेंट मैनेजर तो 194 सी में जाते थे, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाला है ना 194 जी में आता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाला, बस स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाला। अभी FTS क्या होती है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। टेक्निकल फीस होती क्या है, मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस के लिए चार्ज करी गई फीस, मैनेजरियल सर्विस टेक्निकल सर्विस या कंसल्टेंसी सर्विस के लिए चार्ज करी हुई फीस, उसे अपन बोलते हैं FTS। आगे बता रखा है दो पॉइंट है केस लॉ सर्कुलर के, क्या पॉइंट है, कोई TPA है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, वो क्या कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहा है, प्रोफेशनल फीस मानी जाएगी और TDS कट जाएगा, मेडिकल वाली फीस मानी जाएगी TDS कट जाएगा। TPA क्या कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहा है, TDS कट जाएगा। दूसरा बता रखा है स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स स्टॉक एक्सचेंज को ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेने के लिए ट्रांजेक्शन चार्ज पे कर रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन चार्ज को टेक्निकल फीस नहीं मानेंगे और TDS नहीं कटेगा, TDS नहीं कटेगा। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर स्टॉक एक्सचेंज को ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेने के लिए ट्रांजेक्शन चार्ज पे कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन चार्ज को अपन टेक्निकल फीस नहीं मानेंगे, FTS नहीं मानेंगे और उस पर TDS नहीं कटेगा। ये था 194 जी। अब देखते हैं 194 के, किसी बंदे को UTI म्यूचुअल फंड से इनकम हो रही है, UTI म्यूचुअल फंड को बेचने से नहीं, UTI म्यूचुअल फंड से इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम हो रही है, बताओ क्या होगा, अदर सोर्स की इनकम बन जाती है, तो पे कौन करेगा, UTI म्यूचुअल फंड वाले पे कर रहे हैं, तो किसी को पेमेंट कर रहे हैं UTI म्यूचुअल फंड वाले अपनी UTI म्यूचुअल फंड की इनकम, तो उनको TDS भी काटना है 10% की रेट से। एक एग्जेम्पशन दे रखा फालतू से, अच्छे ना 5000 की एग्जेम्पशन लिमिट है, 5000 तक पे करते हैं, कोई TDS नहीं, 5000 से ज़्यादा करते हैं फिर पूरे अमाउंट पे TDS कट जाएगा। अगला सेक्शन 194 है, गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, कर लेती है ना गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन, फिर तो कैपिटल गेन निकलता है, याद करो रोड को चौड़ा करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनसेशन पे करती है, गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका TDS भी काटेगी 10% की रेट से, गवर्नमेंट आपका TDS काटेगी। अब ध्यान देना, कुछ लोग सोचते हैं गवर्नमेंट को TDS नहीं करता, अगर आप गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, आप अगर आप गवर्नमेंट को पे करते हैं तो आपकी औकात नहीं है गवर्नमेंट को TDS काटने की, गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, गवर्नमेंट आपको पे करती है कंपनसेशन, तो गवर्नमेंट आपका TDS भी काटेगी। मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, अगर पे ही बड़े लोग हैं, गवर्नमेंट, बैंक, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें बताई थी, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन वगैरह, उनका TDS नहीं कटता, वो पे ही हो तो, वो पेयर हो तो, वो तो काट सकते हैं TDS, वो तो काट सकते हैं TDS, तो गवर्नमेंट आपका TDS काटेगी 10% की रेट से, 2.5 लाख रुपये की एग्जीमिशन दे रखी है, 10% किसका करोगे, कैपिटल गेन का नहीं करोगे, कंपनसेशन अमाउंट का, जो गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही है उसका 10%। अगर कंपनसेशन कितना है, 2.5 लाख का कंपनसेशन है, 2.5 लाख का कंपनसेशन है, कोई TDS नहीं, 2.5 लाख से ज़्यादा हो गया पूरे अमाउंट पर TDS कटेगा। आगे बता रखा है, अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन किया किसी भी एग्रीकल्चर लैंड का, किसी भी एनी, चाहे वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो चाहे रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो, TDS नहीं कटेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन होता है, वो एक्जेम्प्ट होता है कैपिटल गेन, तो उसमें TDS कटेगा ही, जब एग्जेम्प्ट है तो TDS की बात ही नहीं आती। अब आ जाते हैं अपन आगे 194 LB, LC, LD, ये तीनों सेक्शन वैसे तो अपने नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में आएंगे, अभी काम के हैं नहीं और इनके क्वेश्चन भी नहीं आते, तीनों में क्या है, तीनों में कुछ स्पेसिफिक नॉन रेजिडेंट कवर्ड है, और नॉन रेजिडेंट की एक स्पेसिफिक इनकम आती है 115A वाली इंटरेस्ट की इनकम, वो कवर्ड है। 194 LB में क्या है, नॉन रेजिडेंट को, फॉरेन कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंटरेस्ट मिलता है, तो ये तीन जो इनकम बताने वाला हूँ ना मैं, LB, LC, LD 115A में आती है, और 115A में स्पेशल रेट लगती है तीनों इनकम पे 5% की नॉन रेजिडेंट की हैंड्स में। तो मैंने बताया था नॉन रेजिडेंट का टैक्स कितना कटता है, जितना उनका टैक्स बनता है उतना TDS कट जाता है, कितना TDS कटता है, जितना टैक्स बनता है, तो 5% की रेट है टैक्सेबल, तो 5% की रेट से TDS कट जाएगा, प्लस सरचार्ज और सेस तो करेंगे अपन नॉन रेजिडेंट के केस में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंटरेस्ट मिलता है नॉन रेजिडेंट को, 194 LB में 5% की रेट से TDS कट जाएगा। 194 LC में किसी इंडियन कंपनी ने या बिजनेस ट्रस्ट ने फॉरेन करेंसी में लोन लिया था किसी नॉन रेजिडेंट से, अब वो उसका लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वही 5% की रेट से टैक्सेबल होता है 115A में, यही TDS कटेगा। अब 194 LC में एक स्पेशल चीज़ है, एक मैंने बताया था सेक्शन 206AA कि अगर पे ही अपना बैंक पेयर को फर्निश नहीं करता तो TDS की रेट क्या हो जाती है, रेट गिवन और 20% बीच ओवर एरिया, वो सेक्शन खाली एक सेक्शन है 194 LC, उस पर लगता ही नहीं है, मतलब पे ही ने अगर पेन फर्निश भी नहीं किया तो भी TDS की रेट इस सेक्शन में क्या होगी, 5% कंटिन्यू होगी, 5 ही होगी, 206AA बस एक सेक्शन 194 LC में नहीं लगता, एक एक्सेप्शन दे रखा उसका। अब 194 LD कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट कौन सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, म्युनिसिपल सिक्योरिटी, सब कहाँ बता रखे हैं, 115A में, तो 115A जब आएगा ना अपना NR टैक्सेशन में, तब आपको तीनों सेक्शन वापस याद आ जाएंगे, वहाँ मैं पढ़ाऊंगा आपको ये, तो 5% की रेट से वहाँ टैक्स बनता है उतना ही TDS कट जाता है, जितना टैक्स बनता है उतना TDS पूरा का पूरा काट लेता है, पेयर क्या करता है पूरा TDS काट लेता है, क्यों काट लेता है, देखो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी इंडिया के बाहर है, उनके ऊपर इंडिया के प्रोविजन तो लगते नहीं है, अब वो इंडिया के बाहर पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जब इंडिया के बाहर जो भाग गए विजय माल्या, नीरव मोदी, इनसे पूरा टैक्स रिकवर नहीं कर पाई, तो जो मान लो मिस्टर सैम है या सैम लिमिटेड है उनसे कैसे रिकवर करेंगे, एक एक को कैसे पकड़ पकड़ के लाएगी गवर्नमेंट, तो जो पेयर है इंडिया वाले जो पेयर उनको पेमेंट कर रहे हैं उन्हीं से गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप इनका पूरा टैक्स काट लो, आप ही काट लो और आप जमा करवा दो,
आप ही जमा करवा दो, क्योंकि नॉन एजेंट का भरोसा नहीं है, वो देंगे नहीं देंगे, तो आप इनका काट के जमा करवा दो। तो इस कारण इनका क्या होता है, नॉन एजेंट फंड कंपनी का पूरा टैक्स काटा जाता है, इंक्लूडिंग सरचार्ज इंक्लूडिंग सेस। जितने रेट से इनकम टैक्सेबल होती है, स्पेशल रेट से होती है तो स्पेशल रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस, जनरल रेट से होती है तो जनरल रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस, सरचार्ज लगता है तो लगा देते हैं। ये होता है 194 LBA, LC, LD, तीनों सेक्शन अपने बाद में भी आएंगे। तीन सेक्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, LBA, LBB, LBC, 194 LBA, LBB, LBC, जो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, याद करो कौन से। बिजनेस ट्रस्ट अगर अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है 194 LBA में TDS काटता है, इन्वेस्टमेंट फंड अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनिट होल्डर को 194 LBB में TDS काटता है, और अगर सेक्यूटाइजेशन ट्रस्ट अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनिट होल्डर को तो 194 LBC में TDS काटता है। TDS काटता है ना, याद करो तीनों में मैंने बताए थे आपको, किस रेट से काटता है, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करता है तो जितना टैक्स उतना TDS, रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड तो 10% की रेट से TDS काटते हैं। LBA, LBB में, LBC में थोड़े अलग रेट है, वहाँ पे LBC में थोड़ी अलग रेट है। तो TDS देखो अलग अलग रेट होती है, 10%, 5%, 2%, 1%, वैसे जनरली काफ़ी सारे सेक्शन में 10% की रेट दे रखी है, काफ़ी सारों में 5% भी दे रखी है। अब आ जाते हैं अपन आगे 194M। अब जो अपन सेक्शन देखने वाले हैं 194M से लेकर के, सारे के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने दो तीन सेक्शन इंपॉर्टेंट बताए थे, अब वाले सारे सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे सेक्शन TDS में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये वाले सेक्शन क्या होते हैं, ज़्यादा आने के चांस होते हैं। ऐसा होता है कि अगर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अब जो सेक्शन करेंगे अपन MA, NOVA के जो भी करेंगे, मिनिमम 5 मार्क्स के इनमें से आने के चांस होते हैं, मिनिमम 5-6 मार्क्स के इनमें से आने के चांस होते हैं। 194M क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस। आप लोगे तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, 194C कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज, 194H प्रोफेशनल फीस, 194J वापस क्यों आ गया, देखो कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस, 194C, H और J, वहाँ पर कुछ लोगों को छोड़ दिया था, एक तो मोहन लाल को छोड़ दिया था, देखो तीनों सेक्शन में छोड़ा था मोहन लाल को। इसके अलावा अपन ने सी और जे में ऐसे इंडिविजुअल HFC को भी छोड़ा था जिनका टर्नओवर ज़्यादा है लास्ट ईयर का, लेकिन वो पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हैं, उनको भी छोड़ दिया था। उन सबको कहाँ धर लिया अपन ने, 194M, उनको भी TDS काटना पड़ जाएगा अगर वो किसका पेमेंट करते हैं, 194C का या कमीशन ब्रोकरेज का या प्रोफेशनल फीस का। 194J का देखो यहाँ पे एक ही पेमेंट कवर है, प्रोफेशनल फीस, बाकी सारे पेमेंट काम के हैं भी नहीं, क्योंकि तो इंडिविजुअल के होते भी नहीं है, वो डायरेक्ट रिमुनरेशन भी नहीं होता इंडिविजुअल का, बाकी इंडिविजुअल की औकात नहीं होती कि रॉयल्टी का पेमेंट करे या टेक्निकल फीस का पेमेंट करे, वो होते ही नहीं है। तो बाकी क्या लिया अपन प्रोफेशनल फीस। अब आप बोलोगे ऐसे तो 194I भी था रेंट का, उसमें भी मोहनलाल कवर नहीं था। देखो 194I में रेंट में मोहनलाल कवर नहीं था, तो उसका सेक्शन अलग बना दिया था अपने, 194I भी वहाँ धर लिया था, इन चीज़ों को नहीं धर पाए थे अपन, इनको कहाँ धरा अपन ने 194M में। तो कोई भी मोहनलाल है, मोहनलाल गरीब आदमी, वो पेमेंट कर रहा है 5% की TDS काटेगा, एग्रीगेट लिमिट यहाँ 50 लाख की दे रखी है, 50 लाख तक का पेमेंट कोई TDS नहीं काटेगा, 50 लाख से ज़्यादा का है तो फिर पूरे अमाउंट पर TDS काटेगा। अभी 50 लाख की लिमिट ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट की अलग है, कमीशन की अलग है, प्रोफेशनल फीस की अलग है, सबकी एग्रीगेट मिला के, सबकी एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस। मान लो मोहनलाल क्या कर रहा है, एक बंदा है राम लिमिटेड, उसको पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट का 20 लाख का, कमीशन का 20 लाख का, प्रोफेशनल फीस का 20 लाख का, तो TDS कटेगा, हाँ कट जाएगा, तीनों को एग्रीगेट करेंगे 60 लाख हो गए कर देंगे। हाँ लेकिन मान लो मोहनलाल क्या कर रहा है, 20 लाख का पेमेंट कर रहा है राम लिमिटेड को, 20 लाख का श्याम लिमिटेड को, और 20 लाख का राधे लिमिटेड को, अब बताओ अब TDS कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। पर पे ही देखते लिमिट, ये भी ध्यान देना, पर पे ही, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया, TDS के लिए जनरल पॉइंट है वो कि पर पे ही लिमिट होती है, हर सेक्शन की लिमिट अलग होती है, दो सेक्शन का कभी एग्रीगेट करते नहीं है, और पर पेयर पर पे लिमिट होती है, पर पेयर पर पे क्या होती है लिमिट होती है। अब आ जाओ सेक्शन 194N, कैश विड्रॉल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कैश विड्रॉल। ये कोई इनकम नहीं है, आप कैश विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, फिर भी आपका TDS कट जाएगा, बैंक वाले आपका TDS काट लेंगे 2% की रेट से। पर एग्जेम्पशन लिमिट देखो क्या है, आप काफ़ी बड़ी है, 1 करोड़ तक आप विड्रॉ करते हो कैश, कोई दिक्कत नहीं है, 1 करोड़ से ज़्यादा करते हो ना तो TDS कटता है, और ये पहला ऐसा सेक्शन है जहाँ पे एक्सेस अमाउंट पे TDS कटेगा। मतलब आपने मान लो 1 करोड़ 50 लाख विड्रॉ किए, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 करोड़ 50 लाख पे कटेगा TDS, 1 करोड़ तक नहीं कटेगा, 50 लाख पे कटेगा। क्या होगा, 50 लाख पे कटेगा, 1 करोड़ 50 लाख आपने मान लो विड्रॉ किए तो क्या होगा, 50 लाख पे आपका TDS कटेगा 2% की रेट से। पहला ऐसा सेक्शन है, अभी तक जितने भी सेक्शन थे एग्जेम्पशन लिमिट जैसे ही क्रॉस हुई पूरे पे कटता था, लेकिन ये पहला सेक्शन है जहाँ एक्सेस अमाउंट पे TDS कटेगा। अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है, जो पे ही है ना, जो कैश विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ करने वाला बंदा निकम्मा है। निकम्मा कैसे है, उसने लास्ट 3 ईयर से रिटर्न फाइल नहीं कर रखी, और लास्ट 3 ईयर की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी, और रिटर्न फाइल करने का टाइम भी जा चुका, लास्ट 3 ईयर की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी, ऐसे निकम्मे पेई का, ऐसे निकम्मे आदमी का TDS क्या होगा, 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉ करता है तो ही TDS कट जाएगा। 20 लाख तक करता है कोई TDS ही, 20 लाख से ज़्यादा करता है, अप टू 1 करोड़ करता है तो 2%, और 1 करोड़ से भी ज़्यादा करता है तो 5% की रेट लग जाएगी, ये स्लैब लग जाएगा। मतलब निकम्मे लोगों का जिन्होंने लास्ट 3 ईयर से रिटर्न फाइल नहीं कर रखी, ऐसे बर्बाद लोग हैं और इतना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे लोगों का TDS ज़्यादा कटना चाहिए, तभी ये ट्रेस हो सकेंगे। तो इनका TDS क्या होगा, 20 लाख से ज़्यादा पे TDS कट जाता है। कैसे करता है, जैसे मान लो एक बंदा निकम्मा, निकम्मा कौन है, अमन, अमन निकम्मा है, इसने लास्ट 3 ईयर से रिटर्न फाइल नहीं कर रखी, ये मान लो विड्रॉ कर रहा है 1 करोड़
50 लाख। अब इसका टीडीएस कैसे कटेगा, 20 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़, मतलब 80 लाख पे। 20 लाख तक तो टीडीएस कटेगा नहीं, मैंने बताया था इस सेक्शन में एक्सेस वाले पे कटता, तो 20 तक नहीं कटेगा, 20 से ज्यादा पे कटेगा। तो 20 से ज्यादा अप टू 1 करोड़ कितना हुआ, 80 लाख। 80 लाख पे तो लग जाएगा 2%, और 1 करोड़ से ऊपर कितना है, 50 लाख। 50 लाख पे लग जाएगी 5% की, ये अपन जोड़ देंगे, ये कटेगा टीडीएस, ऐसा कटेगा टीडीएस। अब इसमें बता रखा है एक पॉइंट, अगर पे कैश विड्रॉ करने वाला कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बाकी पे ही है अगर फर्म वगैरह कंपनी वगैरह, तो अपने देख लिया क्या क्या है लिमिट, 1 करोड़ वाली लिमिट। लेकिन पे ही अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो जो 1 करोड़ की लिमिट है उसको अपन क्या लेंगे, 3 करोड़ लेंगे। ऊपर जहां भी 1 करोड़ आ रहा है वहां क्या लेंगे, 3 करोड़। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर 3 करोड़ तक विड्रॉ करती है कोई टीडीएस नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा करती है तो एक्सेस अमाउंट पे, 3 करोड़ से जो ऊपर वाली अमाउंट है उसको टीडीएस कटेगा। मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी निकम्मी है, लास्ट 3 ईयर से कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रिटर्न फाइल नहीं करा, तो ऐसे निकम्मी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, 20 लाख से 3 करोड़। 20 लाख से 3 करोड़ पे 2%, और अबव 3 करोड़ पे 5%। मतलब जहां जहां 1 करोड़ ऊपर दे रखा है वहां क्या हो जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। अब आगे बात रखा है, ये सेक्शन कुछ केस में अप्लाई नहीं होगा, अगर जो कैश विड्रॉ करने वाले कौन है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो बड़ा आदमी हो गया, गवर्नमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, एटीएम ऑपरेटर। विड्रॉ करने वाले कौन है, गवर्नमेंट है, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या एटीएम ऑपरेटर है, इन लोगों पे अगर ये लोग विड्रॉ करते हैं पैसा, तो इन लोगों पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, 194N कैश विड्रॉ। अच्छा सेक्शन था, इंपॉर्टेंट सेक्शन था 194O, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कर रहा है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, जिनकी ऐप क्या बोलते हैं, जिनकी वेबसाइट या ऐप पे आप अपने गुड्स वगैरह सेल करते हो या सर्विस देते हो, जैसे मान लो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ओला उबर वाले हो गए, ये सब क्या होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई सी ओ, आपने GST में सुन रखा हो, ई सी ओ। अब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होता है, जो बंदे अपने गुड्स या सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं वो बन जाते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। जैसे मान लो पतंजलि अपने प्रोडक्ट अमेजन पर सेल करता है, फ्लिपकार्ट पर सेल करता है, तो पतंजलि क्या हो गया, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो अब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस कटेगा, यहाँ पे कौन काटेगी, ईसीओ वाले, अमेजन फ्लिपकार्ट वाले काटेंगे। मान लो पतंजलि ने अमेजन के थ्रू 50 लाख की गुड सेल करे, तो 50 लाख का टीडीएस कटेगा, कितना कटेगा, 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल, जितना भी सेल किया पतंजलि ने अमेजन के थ्रू, तो अमेजन वाला टीडीएस कटेगा, ग्रोस सेल का 1%, 50 लाख का 1%। मान लो पतंजलि ने फ्लिपकार्ट के थ्रू 60 लाख करे सेल, फ्लिपकार्ट करेगा 60 लाख का 1% काट देगा टीडीएस, कोई एग्जिम लिमिट देने नहीं रखी। अब इसमें एक चीज है, ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ, अब देखो ये अमेजन फ्लिपकार्ट वाले आपके प्रोडक्ट का सेल करते हैं तो आपसे कमीशन भी चार्ज करते हैं। जैसे मान लो पतंजलि के अमेजन ने 50 लाख के गुड सेल करे, अमेजन 10% कमीशन चार्ज करता है, तो अमेजन क्या करेगा, पतंजलि को 45 लाख का पेमेंट करेगा, 5 लाख का खुद कमीशन खा जाएगा। तो बताओ टीडीएस 45 लाख पे कटेगा, 50 लाख पे, 50 लाख पे कमीशन लेस करने के बाद नहीं, ग्रोस अमाउंट पे, ग्रोस सेल मीन्स टोटल सेल्स मेड बाई ईसीओ विदाउट डिडक्टिंग हिज कमीशन, विदाउट डिडक्टिंग हिज कमीशन, बिना कमीशन लेस करे ग्रोस सेल पे कटेगा। अब इसमें एक चीज़ और होती है, देखो क्या होता है, आप अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू सामान खरीदते हो तो आप पेमेंट करते हो ना, जनरली तो पेमेंट क्या होता है, अमेजन फ्लिपकार्ट के अकाउंट में जाता है, उन्हीं के बैंक अकाउंट में जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, जैसे पतंजलि वाला क्या करता है, अपना बैंक अकाउंट उसकी साइट पर लिंक कर देता है, अमेजन की साइट पर अपना बैंक अकाउंट डायरेक्टली उसकी साइट पर लिंक कर देता है, अपना पेमेंट गेटवे वहाँ लिंक कर देता है, तो क्या होता है, पेमेंट उसके अकाउंट में भी आ जाता है। सेल तो अमेजन के थ्रू हो रही है, लेकिन पेमेंट क्या हो रहा है, कस्टमर कर रहा है, सीधा पतंजलि में जा रहा है, तो उसको भी सेल मानेंगे क्या, उसको भी लेंगे क्या, हाँ उसको भी लेंगे, सेल किसके थ्रू हुई है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है, चाहे पेमेंट डायरेक्ट चला गया हो लेकिन सेल तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हुई है, तो उसको भी ग्रोस अमाउंट में लेंगे, उसको भी लेंगे, चाहे वो पेमेंट अमेजन के अकाउंट में आए चाहे पतंजलि के अकाउंट में आए, अपन तो पूरी सेल लेंगे, अगर अमेजन के थ्रू सेल हुई है वो पूरी सेल लेंगे, ग्रोस सेल लेंगे। आगे बात आ रखा है, इसमें छोटे मोटे लोगों को हटा दिया गया, कौन है, कोई मान लो इंडिविजुअल एक्चुअल है, जैसे मान लो मोहन है, वो अमेजन पे सेल करता है, और पूरे साल में जो सेल करता है अमेजन के थ्रू वो करता है 5 लाख की सेल। मान लो मोहन कपड़े बनाता है, कपड़े सेल करता है 5 लाख की सेल करता है, क्योंकि अमेजन में देखो काफ़ी सारे लोग सेल करते हैं, वो अमेजन वाला कितनों का टीडीएस काटेगा, तो उन छोटे मोटे लोगों को जो 5 लाख तक की सेल करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, और छोटे मोटे लोग में कौन इंडिविजुअल एक्टिव वगैरह, उनका टीडीएस यहाँ नहीं कटेगा, 5 लाख से ज़्यादा करते हैं तो फिर कट जाएगा, फिर पूरे अमाउंट में कट जाएगा। आगे बता रखा है, यहाँ पे सर्विस का भी करता है, मान लो कोई बंदा है अर्बन क्लैब के थ्रू सर्विस देता है, प्रोफेशनल सर्विस या टेक्निकल सर्विस वगैरह देता है, तो अर्बन क्लैब वाला उसका भी टीडीएस काटेगा। आगे बता रखा है, अगर देखो पे ही पैन फर्निश नहीं करता तो रेट क्या हो जाती है, 1% और 20% विच ओवर जाएगा, रेट गिवन इन सेक्शन और 20% विच ओवर जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 नहीं करेंगे, इस सेक्शन में रेट करेंगे 5%। आप लोग 5 तो कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये पहला सेक्शन है जहाँ गुड्स है, अभी तक जितने भी सेक्शन थे वहाँ रेंट था या तो या अदर सोर्स की इनकम थी, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, या सर्विस वाली चीज़ें थी, सर्विस थी, रेंट था, ये चीज़ें थी, गुड्स कहीं भी नहीं थे, पहला सेक्शन आया जहाँ गुड्स भी है, सर्विस तो है लेकिन गुड्स भी है। अब गुड्स पे इतनी रेट होती नहीं है, गुड्स पे इतना मार्जिन होता नहीं है, तो इन्होंने बोला गुड्स पे इतना मार्जिन नहीं होता तो टीडीएस की रेट उन्होंने कम कर दी, कि 20 हो जाएगी तो बेचारा जो पे ही है मर जाएगा, तो इन्होंने बोला टीडीएस की रेट क्या होगी, 5% करेंगे, 1 और 5 विच एवर जाए 5 करेंगे, 20 नहीं करेंगे,
अगर पे ही अपना पेन फेयर को नहीं फर्निश करता तो। ये था 194 ओ। अब आते हैं 194 पी, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का टीडीएस कटता है 194 पी में। कौन काटता है? शेड्यूल बैंक। बैंक काटता है, किस रेट से काटता है? इस रेट्स इनफोर्स, मतलब जितना उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का टैक्स बन रहा है पूरा टैक्स काट लेता है। रेट्स इनफोर्स मतलब जितना टैक्स बन रहा पूरा काट देता है। अब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होता कौन है? कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट होना चाहिए जिसकी एज कितनी है? 75 ईयर, उससे ज़्यादा, 60 ईयर नहीं, 75 ईयर है, उससे ज़्यादा है, जिसको खाली पेंशन की इनकम हो रही है। घर बैठे बैठे पेंशन मिल रही है उसको अपने एम्प्लॉयर वगैरह से, पेंशन मिल रही है, रिटायरमेंट हो गया उसका, और उसको और कोई इनकम नहीं हो रही। एक इनकम और हो सकती है, जिस बैंक में उसको पेंशन मिल रही है उस बैंक में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग अकाउंट पे या एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसी सेम बैंक में, तो बन जाएगा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। और वो बैंक वाला क्या करेगा? उसका पूरा टीडीएस काट लेगा। ऐसे केस में क्या होगा? उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को फिर रिटर्न फाइल करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ काम नहीं करना है। ये सेक्शन क्यों लाया गया? बूढ़े लोग को थोड़ा सहायता देने के लिए, बूढ़े लोगों को रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आती थी, तो सोचा गवर्नमेंट ने इनकी रिटर्न कैसे फाइल ना करवाई जाए, तो बैंक को बोल दिया कि आप इनका पूरा टैक्स काट के खुद जमा करवा दो, ये बूढ़े लोग आराम से घर बैठे रहेंगे। कौन से बूढ़े लोग? जिनकी एज 75 ईयर है, उससे ज़्यादा है, जिनको खाली पेंशन इनकम हो रही है। ये ध्यान रखना, और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। मान लो एक बूढ़े को बिजनेस की इनकम हो रही है, जब वो बिजनेस कर सकता है तो फिर तो रिटर्न फाइल कर सकता है, कर सकता है आराम से। किन लोगों के लिए? जिनको खाली बेचारों को पेंशन इनकम हो रही है, उन बूढ़े लोगों के लिए सेक्शन। अभी से बता रखा है, बैंक जो टोटल टैक्स निकालेगा कैसे निकालेगा? पूछेगा उससे, सीनियर सिटीजन से क्या फॉलो करना चाहते हैं, 15 BAC या जनरल है, जो बोलेगा उसको नहीं निकाल देगा, बात खत्म, उतना टैक्स काट के जमा करवा देगा। अब ये मैंने बताया, पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम सेम बैंक में होनी चाहिए। मान लो एक बूढ़े को क्या हो रहा है, पेंशन तो मिल रही है बैंक को बड़ौदा में, और इंटरेस्ट इनकम आ रही है HDFC में, बताओ ये सेक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सेम बैंक में होगा तो ही होगा, दो अलग अलग बैंक टीडीएस नहीं काटेंगे उसका, इतना मेहनत नहीं करेंगे बैंक वाले, एक ही बैंक में सारा काम हो रहा है तो टीडीएस कटेगा इस सेक्शन में, और सिर्फ उस बूढ़े को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 194 पी, 194 क्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, काफ़ी बार रिपीट होता है ये। 194 क्यू, परचेज ऑफ गुड्स, कोई बायर गुड्स परचेज कर रहा है, कौन सा बायर? ध्यान देना यहाँ पे, बायर कौन सा होना चाहिए? ऐसा बायर जिसका बिजनेस का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज़्यादा था। 10 करोड़ से जिस बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर का ज़्यादा था, वो बायर कवर है। बड़े बड़े बायर कवर है, जिनका लास्ट ईयर का, करंट ईयर का नहीं देखेंगे, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का काम हो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, हो ही ना कोई दिक्कत नहीं, लास्ट ईयर का देखेंगे। लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा था तो ही कवर होगा। मान लो किसी बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ था तो कवर होगा क्या? नहीं होगा कवर। मान लो उस बायर का लास्ट ईयर में बिजनेस था ही नहीं, करंट ईयर में बनाए वो, तो भी नहीं होगा। फिर टर्नओवर क्या होगा? जीरो हो गया, वो भी नहीं होगा। तो लास्ट ईयर का टर्नओवर होना चाहिए, और वो भी कितना? 10 करोड़ से ज़्यादा। 10 करोड़ तक भी नहीं चलेगा, 10 करोड़ से ज़्यादा, एक्सीड्स 10 करोड़। तो बायर गुड्स परचेज कर रहा है किसी सेलर से, बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा गुड्स। ये देखो पूरा सेक्शन, ये स्पेसिफिक सेक्शन किसका है? गुड्स का। जितने भी सेक्शन थे सारे सर्विस के थे। एक और आया था गुड्स का, कौन सा? 194 वो आया था गुड्स का, ये भी गुड्स का आ गया है 194 क्यू। तो गुड्स परचेज कर रहा है बायर, 0.1% की रेट से टीडीएस काटेगा, जो भी परचेज किया उसका 0.1%। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लेट देखिए, 50 लाख की, 50 लाख तक परचेज करता है कोई टीडीएस नहीं, 50 लाख से ज़्यादा परचेज करता है। तो ये दूसरा सेक्शन आया है जहाँ पे एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। एक तो 194N आया था कैश विड्रॉल वाला, एक्सेस पे कटता था, यहाँ पे ये भी यहाँ पे गया है। 50 लाख से ऊपर ज़्यादा गुड्स परचेज किए, मान लो 60 लाख के परचेज करे, तो ऐसा नहीं होगा 60 लाख पे कटेगा, 60 माइनस 50, 10 लाख, 10 लाख पे 0.1% रेट लगी। 50 लाख की लिमिट है, और 50 लाख से ज़्यादा करता है तो खाली एक्सेस अमाउंट पे 0.1। देखो रेट काफ़ी कम है, 60 लाख के गुड्स परचेज करे, 10 लाख पे टीडीएस कटेगा। 10 लाख का 0.1% करो कितना आएगा? 10 लाख का 0.1% करो आप, कितना आएगा? 1000 रुपीज़ आएगा शायद, हाँ 1000 रुपीज़ के आसपास आएगा, 1000 रुपीज़ आएगा। इतना कम टीडीएस कटता है, आप बोलोगे क्यों लाया गया फिर इतना कम टीडीएस है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं था कि टीडीएस पहले मिल जाए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को पहले टैक्स मिल जाए। गवर्नमेंट का इस सेक्शन को लाने का मकसद था ये बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, ये बड़े बड़े बायर्स हैं या बड़े बड़े सेलर्स हैं, ये ट्रेस हो सके, इस कारण लाया गया ये सेक्शन। अब इसमें एक चीज़ बता रखी है, 0.1% तो कटेगा, लेकिन मान लो बायर ने कुछ गुड्स लौटा दिए सेलर को, परचेज रिटर्न कर दी, परचेज रिटर्न, तो उसको एडजस्ट करोगे? हाँ कर सकते हो। मान लो 70 लाख के गुड्स बायर ने परचेज करे थे, 5 लाख के लौटा दिए, तो नेट परचेज कितनी हुई? 65 लाख। तो 65 लाख माइनस 50 लाख, 15 लाख पे टीडीएस कटेगा। 70 माइनस 50 नहीं करेंगे, 65 माइनस 50, 15 लाख पे टीडीएस कटेगा। तो परचेज रिटर्न को आप एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और है, सेलर अपना पेन बायर को फर्निश नहीं करता, पे ही अपना पेन पेयर को फर्निश नहीं करता, तो टीडीएस रेट क्या होगी? 0.1 और 20, वो करोगे क्या? 20 हायर, वो नहीं करेंगे। इस केस में भी छूट दे दी, 5% ही होगी, 0.1% और 5% भी होगी, 5%, क्योंकि गुड्स का केस है। 20% हो जाएगी तो मर जाएगा बेचारा, कौन? पे ही मतलब सेलर मर जाएगा, 20% इतना मार्जिन थोड़ी होता गुड्स पे। और वो भी किसका काट रहे हो? टीडीएस सेल अमाउंट या परचेज अमाउंट का? प्रॉफिट का नहीं काट रहे, टीडीएस के जितने भी सेक्शन है सब में अपन किसका काटते हैं? ग्रोस अमाउंट का टीडीएस काटते हैं, प्रॉफिट का नहीं काटते, कि इनकम का काटते हैं। एक सेक्शन एक्सेप्शन है 194 डी, लेकिन सब में अपन ग्रोस अमाउंट का टीडीएस काटते हैं। तो परचेज अमाउंट का टीडीएस या सेल अमाउंट का टीडीएस काट रहे हो, तो रेट कितना करेगा? 5%, सेम टू सेम 194 की तरह। पैन फर्निश नहीं होता तो यहाँ भी 5% रेट है,
इसमें भी 5% क्यों है, क्योंकि गुड्स वाले केस है, गुड्स वाले केस में 20% बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये था 194Q। अब 194Q में वो बात ध्यान में रखना GST वाली, मैंने बताया था GST वाला TDS के ऊपर जो सर्कुलर बताया था ना मैं, कि बिल में अगर GST के अमाउंट सेपरेटली ले सकती है तो GST वाले कंपोनेंट को आप इग्नोर करो, खाली गुड्स की वैल्यू पे काटना। वो गुड्स के लिए भी लगता है और सर्विस के लिए भी लगता है, सभी पॉइंट में लगता है वो पॉइंट, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वो, तो अलग से नहीं बता रहा है, स्टार्टिंग में ऑलरेडी कवर करवा दिया था मैंने आपको। ये था 194Q। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना होना चाहिए 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ है तो नहीं कटेगा TDS। बायर था ही नहीं लास्ट ईयर में तो भी नहीं कटेगा TDS। बायर करंट ईयर में बना है नहीं कटेगा TDS। लास्ट ईयर का टर्नओवर बायर का 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ही TDS कटेगा, करंट ईयर का कुछ भी हो मतलब नहीं है, लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगला सेक्शन 194R, इन पागल लोगों ने एक और सेक्शन बनाया 194R, बेनिफिट और परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्या है ये सेक्शन, आप क्या कर रहे हो बिजनेस और प्रोफेशन की रिगार्डिंग कोई भी बेनिफिट और परक्विजिट दे रहे हो, मैंने आपको बताया था सेक्शन 28 में, अगर आपको बिजनेस और प्रोफेशन की रिगार्डिंग एनी गिफ्ट बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वेदर इन कैश और इन काइंड इज टैक्सेबल अंडर PGBP, वो आपकी PGBP हेड की इनकम बन जाता है, सेक्शन 28 याद करो, चार्जिंग सेक्शन। बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है या कोई भी बेनिफिट मिलता है या कोई भी परक्विजिट मिलता है, मान लो सप्लायर ने आपको गिफ्ट में एक कार दे दी आपसे खुश हो गए, या सप्लायर ने आपको मान लो एक मोबाइल गिफ्ट में दे दिया, या एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट में दे दी, या आपकी एक ट्रिप स्पॉन्सर कर दी, या आपको फ्री सैंपल दे दिए, क्या होता है PGBP की इनकम बन जाता है, रिसीवर की क्या बन जाता है PGBP इनकम। अब जो पे करने वाला सप्लायर है वो TDS काटेगा, जो पे कर रहा है, जो बिजनेसमैन पे कर रहा है उसको TDS काटना है, उसको TDS काटना है, बेनिफिट और परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अगर पे करता है तो उसको TDS काटना है, क्योंकि वो इनकम सामने वाले की PGBP की इनकम बन जाती है। अब ये सेक्शन लाया क्यों गया, देखो जो पे करने वाला है वो बंदा क्या करता था, डिडक्शन क्लेम कर लेता था, और जो रिसीव करने वाला है उस गिफ्ट वगैरह को इग्नोर कर देता था, दिखाता ही नहीं था इनकम में, छुपा लेता था, गिफ्ट मिला, बेनिफिट मिला, परक्विजिट मिला, मान लो फॉरेन की ट्रिप करवा दी किसी ने, किसी की फॉरेन की ट्रिप को छुपा लेता था, ट्रिप स्पॉन्सर कर दी या फ्री टिकट दे दी, छुपा लेते थे, तो क्या करता था, देने वाला तो डिडक्शन क्लेम कर लेता था, लेने वाला इनकम दिखाता नहीं था, इनकम टैक्स वाले को नुकसान होता था। तो उन्होंने दिमाग लगा के सेक्शन बनाया 194R। अब इसमें देखो उल्टे सुलटे दिमाग लगाए उन्होंने, उल्टे सुलटे क्या लगाए पता पड़ेगा, पहले तो TDS कौन काटेगा, कोई भी पर्सन मोहनलाल को छोड़ के, गरीब मोहनलाल को यहाँ TDS नहीं काटना, बाकी लोगों को TDS काटना है, गरीब मोहनलाल बताओ उसकी औकात भी होगी क्या, वो देगा गिफ्ट वगैरह देगा, उसकी तो औकात भी नहीं होगी, बाकी लोगों को TDS काटना, चलो ठीक है। रेट क्या है, 10% रेट है, 20,000 की लिमिट है, गिफ्ट लिमिट 20,000 तक पेमेंट, कोई TDS नहीं, 20,000 से ज़्यादा का है गिफ्ट बेनिफिट तो TDS कटेगा। आप ध्यान देना, गिफ्ट और बेनिफिट काइंड में भी हो सकता है और मनी में भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि काइंड में ही होगा, गिफ्ट बेनिफिट परक्विजिट काइंड में ही होगा, हाँ मेनली काइंड में होता है लेकिन कभी कभी मनी भी दे देता है। सप्लायर आपसे खुश हो गया, आपने ज़्यादा माल खरीद लिया, सप्लायर आपसे खुश हो गया और आपको 5 लाख का चेक दे दिया, 5 लाख का चेक दे दिया, मनी में भी हो सकता है। तो अब बेनिफिट परक्विजिट क्या माने जाएंगे, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कंपनी एप्पल इंडिया लिमिटेड मान लो, ये क्या करती है अपने डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को बेनिफिट दे रही है। बेनिफिट कौन से दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, एप्पल इंडिया लिमिटेड इनको इंसेंटिव दे रही है। इंसेंटिव क्यों दे रही है, इन्होंने मान लो एक ज़्यादा लिमिट की सेल कर दी, एप्पल ने बोला कि अगर तुम 1,000 iPhone सेल कर दोगे, एप्पल ने बोला 1,000 iPhone सेल कर दोगे तो तुमको मैं इंसेंटिव दूंगी, इंसेंटिव में कुछ भी दे सकती है वो, कार दे दी मान लो खुश होकर, या मोबाइल दे दी, या AC दे दी, या मान लो 1,00,000 रुपीज़ दे दिए, इंसेंटिव भी काइंड कैसे भी हो सकता है ये, तो ये सब होते हैं इंसेंटिव। तो एप्पल लिमिटेड को TDS काटना बन जाएगा, वो बन जाएगा बेनिफिट परक्विजिट, तो ये होता है इंसेंटिव। अगर कंपनी क्या कर रही है, कोई भी पर्सन या कंपनी क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को, रिटेलर्स को इंसेंटिव दे रही है, वो इंसेंटिव बन जाएगा बेनिफिट परक्विजिट। वो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर के हैंड में तो PGBP की इनकम बन जाएगा, उस पेयर को एप्पल लिमिटेड को उसके TDS काटना पड़ जाएगा अगर 20,000 से ज़्यादा का एग्रीगेट। दूसरा फ्री सैंपल, कभी कभी क्या करती है एप्पल इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी क्या करती है, मोबाइल कंपनीज अपने डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ मोबाइल सैंपल में देती है, फ्री सैंपल देती है, वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर खुद यूज़ कर सकते हैं, उनको घर वालों को बांट सकते हैं, ऐसे फ्री सैंपल में दे देती है। जैसे एप्पल देती है, एप्पल की अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो ना तो आपको लगभग 6 फ़ोन सैंपल में मिलते हैं, तो 6 फ़ोन सैंपल में मिलते हैं और क्या हो तो आप उसको पैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो वो जो सैंपल दिए गए वो भी क्या माने जाएंगे, बेनिफिट परक्विजिट माने जाएंगे। कभी कभी फ्री टिकट दे देती है सामने वाली कंपनी, क्या करती है आपको, आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया तो फ्री टिकट दे दी, क्रिकेट मैच की टिकट दे दी क्या, तो या किसी इवेंट की टिकट दे दी, किसी नाचने गाने वाले आने वाला है उसकी टिकट दे दी, तो ये भी क्या माना जाएगा, बेनिफिट परक्विजिट माना जाएगा, TDS कटेगा। इसके अलावा कभी कभी वो ट्रिप स्पॉन्सर कर देती है डीलर्स वगैरह की, बोल देती है कि आपने ये लिमिट क्रॉस करी तो आपको थाईलैंड में यशी करवाएंगे, थाईलैंड की ट्रिप स्पॉन्सर कर दी, बैंकों की ट्रिप स्पॉन्सर कर दी, ये भी क्या माना जाएगा, बेनिफिट परक्विजिट माना जाएगा, TDS कटेगा 194R में। कुछ केस ऐसे हैं
जो है तो बेनिफिट प्रोक्योरमेंट, लेकिन उसको बेनिफिट प्रोक्योरमेंट नहीं मानेंगे और टीडीएस नहीं कटेगा। कुछ केस क्या क्या केस है, अगर मान लो कंपनी क्या कर रही है, सामने वाले को सेल्स डिस्काउंट दे रही है, कैश डिस्काउंट दे रही है, रिबेट दे रही है, सेल्स डिस्काउंट कैश डिस्काउंट रिबेट, मान लो एप्पल अपने डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल्स डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दे रही है, रिबेट दे रही है, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, है बेनिफिट प्रोक्योरमेंट लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा उस पर। दूसरा, कभी कभी कंपनी क्या करती है, ऑफर देती है बाई 10 गेट 1, बाई 1 गेट 1, तो इसे भी बेनिफिट प्रोक्योरमेंट ट्रीट नहीं करेंगे, टीडीएस नहीं कटेगा। कुछ लोग इनको बेनिफिट प्रोक्योरमेंट मान लेते हैं, लगता है बेनिफिट प्रोक्योरमेंट है लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा, लगेगा कि बेनिफिट प्रोक्योरमेंट है लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा, इनको बेनिफिट प्रोक्योरमेंट इस सेक्शन के लिए नहीं मानेंगे और टीडीएस नहीं कटेगा ऐसे ऑफर्स वगैरह पे। आगे बता रखा है, कभी कभी लोन क्या होता है, बैंक आपका माफ़ कर देता है, लोन क्या करता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका माफ़ कर देता है, बताओ ये क्या होता है, वर्किंग कैपिटल लोन का अगर वेवर कर देता है बैंक, वो आपकी इनकम बन जाता है पीजीबीपी की सेक्शन 41 में, तो सामने वाले की तो इनकम बन गया। अब आप बोलेंगे तो बेनिफिट प्रोक्योरमेंट जैसा है, बैंक ने आपका लोन माफ़ कर दिया, और उसे भी बेनिफिट प्रोक्योरमेंट जैसा मानेंगे नहीं, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आगे बता रखा है, कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, बोनस शेयर को भी बेनिफिट प्रोक्योरमेंट नहीं मानेंगे, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, बोनस शेयर को बेनिफिट प्रोक्योरमेंट नहीं मानेंगे, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आगे बता रखा है, अगर आप एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट कर रहे हो तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे मान लो आप आर्टिकलशिप करते हो, आर्टिकलशिप करते हो आप आउट स्टेशन ओवी पे जाते हो, अब आप आपके खर्चे हो गए, आउट स्टेशन ओवी पे आप गए तो आपके आने जाने के खर्चे हो गए, वहाँ खाने पीने के खर्चे हो गए, रहने के खर्चे हो गए, तो क्या होता है, आप बिल बनाते हो, या तो आप अपनी सीएफएम को देते हो या क्लाइंट को देते हो, तो या तो क्लाइंट रीइंबर्स कर देता है आपको या सीएफएम रीइंबर्स कर देती है, तो क्या होता है, खर्चे का रीइंबर्समेंट, बताओ बेनिफिट है क्या, वो कोई बेनिफिट मिला गया आपको तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ऐसे ही मान लो कभी कभी आप एजेंट को, एजेंट ने कोई खर्चा किया आपके भी आप पे, आप उसको उस खर्चे का रीइंबर्समेंट कर रहे हो, तो रीइंबर्समेंट करना खर्चे का बेनिफिट प्रोक्योरमेंट नहीं माना जाएगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लास्ट बता रखा है, आपने किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए प्रोडक्ट दिया, जैसे काफ़ी सारी कंपनीज क्या करती हैं, ये टेक्निकल गुरुजी वगैरह होते हैं ना, टेक्निकल गुरुजी, इनको पहले ही क्या कर देती है, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या प्रोडक्ट लॉन्च करते ही अपना मोबाइल पकड़ा देती है, भिजवा देती है, और ये उनका प्रमोशन करते हैं। तो आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मोबाइल दिया, एप्पल ने क्या किया, टेक्निकल गुरुजी को एक मोबाइल भेज दिया ताकि उसका प्रमोशन करे, तो उसे बेनिफिट प्रोक्योरमेंट माना जाएगा क्या? इसमें बता रखा है, अगर उस इन्फ्लुएंसर ने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया वापस, वीडियो बना के वापस रिटर्न कर दिया, तो बेनिफिट प्रोक्योरमेंट नहीं मानेंगे, कोई टीडीएस नहीं कर देगा, लेकिन उसने खुद के पास रख लिया तो बेनिफिट प्रोक्योरमेंट मान लेंगे, टीडीएस कट जाएगा। ये था कुछ केस। अब इसमें एक और स्पेशल चीज़ डाली गई, ये तो और भी स्पेशल है, इनकी सोच पता चलेगी आपको कितनी उच्चतम सोच है इनकी। डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग एक स्पेशल पॉइंट डाला इन्होंने। अब देखो, ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, बड़ी कंपनीज, ये बड़ी कंपनीज क्या करवाती हैं, डीलर और बिजनेस की कॉन्फ्रेंस करवाती हैं, जब ये अपने नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करती हैं तो ये क्या करवाती हैं, अपने डीलर्स की क्या करवाती हैं, अय्याशी करवाती हैं। जैसे मान लो एप्पल ने अपना नया आईफोन लॉन्च किया, एप्पल इंडिया ने आईफोन 15 लॉन्च किया मान लो, तो उसको लॉन्च करने से पहले क्या करवाती हैं, ये डीलर्स की कॉन्फ्रेंस करवाती हैं। कॉन्फ्रेंस क्या करवाती हैं, बढ़िया जगह सारे डीलर्स को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स वगैरह को बुलाती हैं। जैसे मान लो एप्पल ने सोचा आईफोन 15 लॉन्च करने से पहले एक कॉन्फ्रेंस करवाई जाए। कॉन्फ्रेंस कहाँ करी इसने, एप्पल ने थाईलैंड में प्लान करने का सोचा, इसने थाईलैंड में एक कॉन्फ्रेंस करवाई, सारे डीलर्स को बुलाया गया। एप्पल वहाँ बोलती है, आप हमारा प्रोडक्ट सेल करो, ऐसा करो वैसा करो, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, एक तो ये बातें होती हैं वहाँ पे, इस तरह से अपन आगे बढ़ सकते हैं। और फिर एप्पल क्या करवाती है, इन डीलर्स की वहाँ अय्याशी करवाती है। अय्याशी कैसे करवाती है, इनको दारू पिलवाती है वहाँ, पार्टीज़ करवाती है वहाँ, इनका मसाज का इंतजाम करवाती है वहाँ पे, लड़का लड़की भी सप्लाई कर देती है कभी कभार, सारी चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी कंपनी से, पता नहीं क्या क्या होता है, तो ये भी हो जाता है कभी कभार। तो अब इन सब चीज़ों का बेनिफिट प्रोक्योरमेंट माना जाएगा कि एप्पल ने डीलर्स कितने मजे करवाए हैं, तो बेनिफिट प्रोक्योरमेंट मानेंगे क्या? तो इसमें बता रखा है, डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग जो खर्चा कंपनी कर रही है, ट्रैवल का, स्टे का, फूड का, डीलर के ऊपर उसका आने जाने की टिकट करवा रही है, उसके होटल वगैरह के खर्चे हो रहे हैं, खाने पीने के खर्चे हो रहे हैं, खाने वगैरह के, तो उसे तो बेनिफिट प्रोक्योरमेंट नहीं मानेंगे, नॉर्मल खर्चों को तो बेनिफिट प्रोक्योरमेंट नहीं मानेंगे, लेकिन तीन ऐसे खर्चे हैं जिनको बेनिफिट प्रोक्योरमेंट मान लिया जाएगा और 194 कौन सा सेक्शन अपना, ये आर में टीडीएस कट जाएगा। तीन कौन कौन से खर्चे हैं, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू लीजर ट्रिप और लीजर कंपोनेंट। कंपनी क्या कर रही है, इन डीलर्स को लीजर ट्रिप दे रही है, लीजर मतलब प्लेजर वाला, मजा दे रही है, मतलब प्लेजर दे रही है एक तरीके से। एक तो नॉर्मल खर्चे हो रहे हैं, ट्रैवल स्टे फूड वो तो नॉर्मल है, उन पे तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन एप्पल क्या कर रही है, इन डीलर्स को मसाज का इंतजाम करवा रही है इनके लिए। इसके अलावा इनके लिए कंपनी क्या कर रही है, दारू का इंतजाम कर रही है। इसके अलावा मैंने बताया लड़का लड़की ट्रांसफर कर रही है इनको, तो सारी अय्याशी करवा रही है, एक तरीके अय्याशी वाला काम करवा रही है। तो जो अय्याशी वाला कंपोनेंट है, प्लेजर वाला कंपोनेंट है या लीजर वाला कंपोनेंट है, उस पे टीडीएस कटेगा, वो बेनिफिट प्रोक्योरमेंट माना जाएगा। दूसरा, ओवरस्टे, कंपनी इनको ओवरस्टे करवाती है। ओवरस्टे मतलब जिस दिन डीलर कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे डीलर कॉन्फ्रेंस थी मान लो 20 अगस्त
और 21 अगस्त को। ये तो नॉर्मल स्टे हो गया 20 और 21 अगस्त, इससे एक दिन पहले और एक दिन बाद, जिस दिन कॉन्फ्रेंस है उससे एक दिन पहले और उससे एक दिन बाद, उसको भी नॉर्मल स्टे मानेंगे, क्योंकि एक दिन पहले बुला लेती है कंपनी और एक दिन बाद टिकट होती है, जनरली ऐसा ही होता है, एक दिन का तो गैप होता ही है। लेकिन मान लो कंपनी ने क्या किया, 15 अगस्त को बुला लिया, कॉन्फ्रेंस थी 20 अगस्त 21 अगस्त की, कंपनी को पता था कि 4-5 दिन इनकी अय्याशी करवाएंगे बैंकर, इनको दारू पिलवाएंगे बैंकर, इनकी मसाज वगैरह करवाएंगे ताकि ये डीलर खुश हो जाएं और अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। तो कंपनी ने इनका ओवरस्टे करवाया थाईलैंड में। ओवरस्टे का मतलब डीलर वाली कॉन्फ्रेंस के दिन, जिस दिन कॉन्फ्रेंस होगी उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद, उसको तो नॉर्मल स्टे मानेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा पहले हो गया या ज़्यादा बाद में हो गया, ज़्यादा पहले कंपनी ने बुला लिया या ज़्यादा बाद तक रोक लिया कंपनी ने, तो बन जाएगा ओवरस्टे। ओवरस्टे वाले खर्चे को भी बेनिफिट प्रोग्रेसिव मान लिया जाएगा और टीडीएस कटेगा। तो वन डे बिफोर और वन डे आफ्टर, कॉन्फ्रेंस डेट से वन डे बिफोर और वन डे आफ्टर, वो तो ओवरस्टे नहीं माना जाता, वो तो नॉर्मल स्टे माना जाता है। लेकिन बाकी जो पीरियड बच गया, तो जो जैसे मान लो 20 अगस्त और 21 अगस्त को कॉन्फ्रेंस थी, 20-21 अगस्त को कॉन्फ्रेंस थी, तो 19 से 22 अगस्त इतने दिन के खर्चे तो नॉर्मल माने जाते हैं। लेकिन इससे पहले के या इसके बाद के खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो नॉर्मल स्टे फूड हो, वो भी क्या बन जाएगा, ओवरस्टे बन जाएगा और उस पर टीडीएस कटेगा। आगे बता रखा है, कंपनी ने बोला था डीलर्स को, चाहो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ वगैरह को भी लेके आ सकते हो अय्याशी करवाने, ये कंपनी ने डीलर्स को बोल दिया था। तो काफ़ी सारे डीलर अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ वगैरह को ले आए। तो फैमिली मेंबर की भी कंपनी ने अय्याशी करवाई, फैमिली मेंबर की टिकट करवाई, खाने पीने का इंतजाम करवाया, इसके अलावा फैमिली मेंबर की भी लीजर ट्रिप करवाई, उनकी भी मसाज वगैरह करवा दी और उनको भी ओवरस्टे करवा दिया। तो फैमिली मेंबर का तो कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा हो किसी भी दिन का हो, पूरा का पूरा क्या माना जाएगा बेनिफिट प्रोग्रेसिव, पूरा का पूरा, चाहे नॉर्मल खर्चा हो, चाहे लीजर वाला हो, चाहे प्लेजर वाला हो, चाहे ओवरस्टे का हो, सारा का सारा बन जाएगा बेनिफिट प्रोग्रेसिव, पूरा का पूरे पे टीडीएस कटेगा। फैमिली मेंबर पे करवाया तो कंपनी ने खर्चा, डीलर पे करवाया तो डीलर का जो नॉर्मल खर्चा है, और नॉर्मल खर्चा भी कौन सा, कॉन्फ्रेंस के दिन का या उससे एक दिन पहले का, उसके एक दिन बाद का, वो बेनिफिट प्रोग्रेसिव नहीं माना जाता बस। अब आ जाते हैं इसमें, देखो बेनिफिट प्रोग्रेसिव काइंड में होते हैं, काइंड में भी हो सकते हैं, आप काइंड में तो होते ही बेनिफिट प्रोग्रेसिव, तो टीडीएस पेयर कैसे काटेगा, प्रोग्रेसिव को आधा काटेगा क्या, कि कार दे रहा है तो कार को आधा काट लिया, कार का कितना परसेंट कटता है, 10% काट लिया, वो क्या करेगा, सामने वाले को बोलेगा पहले टीडीएस जमा करवा, मुझे चालान भेज और मैं तेरे कार दे दूंगा, या क्या करेगा, सामने वाले से पहले 10% पैसा मांगेगा, गवर्नमेंट को जमा करवाएगा और फिर उसको प्रोग्रेसिव देगा, ये करना पड़ेगा। अब काइंड में है बेनिफिट प्रोग्रेसिव तो उसकी वैल्यू क्या लोगे, काफ़ी जगह आया था काइंड में, 194B में आया था, कैजुअल इनकम फोर सीरीज में आया था, उसके बाद अपना ऑनलाइन गेमिंग में आया था और यहाँ आया। अब इनमें वैल्यू तो मैंने बताई नहीं, ये देखो वैल्यू यहाँ है, यहाँ बता रखी। अगर जैसे मान लो एप्पल कंपनी ने जो बेनिफिट प्रोग्रेसिव दिया है, या जो भी गिफ्ट वगैरह दिया है, या जो भी लॉटरी वगैरह दिया, मान लो लॉटरी वालों ने तो परचेज करके दिए, जैसे मान लो एप्पल कंपनी ने कार दी किसी डीलर को गिफ्ट में परचेज करके, तो जितने में परचेज करी, 10 लाख में परचेज करी, 10 लाख क्या हो जाएगा बेनिफिट और प्रोग्रेसिव की वैल्यू हो जाएगी, 10 लाख मानी जाएगी वैल्यू। अब मान लो एप्पल कंपनी खुद का मोबाइल ही दे रही है, खुद का मोबाइल ही डीलर्स को सैंपल में दे रही है, तो उसकी वैल्यू क्या लोगे, एप्पल कितने में बनाती है वो लोगे क्या, नहीं, एप्पल कितने में बेचती है कस्टमर को कितने में बेचती है वो मानी जाएगी वैल्यू। और ये दोनों केस नहीं है, ना एप्पल ने परचेज करा ना मैनुफैक्चर करा, कोई पुराना ऐसे कोई आइटम पड़ा हुआ था वो दे दिया, तो उसकी क्या लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू। ये था 194R, बहुत बड़ा सेक्शन था, इन पागल लोगों का देखो सोचने का तरीका क्या क्या सोचते रहते हैं ये। अब आ जाते हैं अपन आगे 194S, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर आप क्या कर रहे हो, वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, क्या होता है ये, बिटकॉइन वगैरह, क्रिप्टो करेंसी वगैरह ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपका टीडीएस कट जाएगा। कौन कटेगा, बायर आपका टीडीएस कटेगा, बायर टीडीएस कटेगा सेलर का, किस रेट से, 1% ऑफ कंसीडरेशन, कैपिटल गेन का नहीं कटेगा, या जो इनकम हो रही है इनकम का नहीं कटेगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट की जो इनकम होती है कहीं भी दिखा सकते हो आप, कैपिटल गेन में, बिजनेस में, अदर सोर्स में, तो सेल माइनस कॉस्ट का नहीं कटेगा, सेल अमाउंट को 1% टीडीएस कटेगा। अब एग्जांपल में दे रखी है, अगर जो बायर है वो मोहनलाल खरीद रहा है वर्चुअल डिजिटल सेट, वो गरीब मोहनलाल खरीद रहा है, 50,000 तक खरीदता कोई टीडीएस नहीं, 50,000 से ज्यादा खरीदता है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। कोई और पर्सन खरीद रहा है 10,000 तक खरीदता कोई टीडीएस नहीं, 10,000 से ज्यादा खरीदता है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। 195 लास्ट सेक्शन, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को कोई भी अमाउंट पे करते हो जो बाकी सेक्शन में कवर नहीं है और इंडिया में टैक्सेबल है, तो 195 में चला जाएगा। अब आप बोलोगे बाकी सेक्शन में क्या कवर है, देखो 192 में सैलरी वहीं कट जाता है नॉन रेजिडेंट का टीडीएस, इसके अलावा 194B BB कैजुअल इनकम का जो नॉन रेजिडेंट का टीडीएस है वहीं कट जाता है, 30% की रेट है प्लस 50% और कर देते हैं, नॉन रेजिडेंट के केस में प्लस 50% और कर देते हैं, वहीं कट जाता है। इसके अलावा 194E स्पोर्ट्समैन
194E में, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन। इसके अलावा LBLCLT, वो तो स्पेशल इंटरेस्ट थे, LBLCLT 115A वाले वहीं चला जाता है। इसके अलावा बाकी जो भी सब है वो 195 में आता है, नॉन रेजिडेंट का इसका करता है 195 में। किस रेट से काटते हैं TDS? रेट्स इन फोर्स, जितना टैक्स उतना TDS। अब इसमें रेट्स इन फोर्स में थोड़ा सा स्पेशल 195 में है। देखो फॉरेन कंपनी में टैक्स की रेट क्या है, 40%, तो फॉरेन कंपनी का टैक्स TDS तो किस रेट से कटेगा, 40% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये तो कट जाएगा फॉरेन कंपनी। लेकिन मान लो कोई NR इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पे तो लगता है स्लैब। अब गवर्नमेंट मानती है, ये आपको मानना है कि उस स्लैब, उस इंडिविजुअल की जो इनकम है नॉन रेजिडेंट, वो 10 लाख से ज़्यादा है। 10 लाख से ज़्यादा है तो उसका रेट्स इन फोर्स क्या लेना है आपको बताओ, 30%। 30% होती है ना रेट, प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये होती है रेट्स इन फोर्स। यहाँ फॉरेन कंपनी के लिए 40% और बाकी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए 30%। फर्म के लिए, फर्म पे रेट बताओ क्या होती है, नॉन रेजिडेंट फर्म के लिए 30% होती है, 30 तो होती है उस पर, 30 प्लस सरचार्ज प्लस सेस, तो जितना टैक्स होता है TDS। लेकिन नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल में थोड़ा सा स्पेशल केस है, अपन स्लैब नहीं लगाते, अपन ये मान लेते हैं उस नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो रही है, तो रेट क्या लगा लेते हैं, 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। मान लो कम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा TDS कट गया बाद में रिफंड मांग लेगा वो मांगता रहेगा, उसकी दिक्कत है, वो उसकी परेशानी है। तो ये होती है रेट्स इन फोर्स। यहाँ पे TDS कब कटेगा, अगर इनकम टैक्सेबल है तो, टैक्सेबल ही नहीं है तो बात ही खत्म है, फिर तो TDS कटता ही नहीं है। TDS खाली कब कटता है, जब अमाउंट सामने वाले के हैंड्स में टैक्सेबल हो, तो इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए। अब इसमें केस हुआ है, आप क्या कर रहे हो, किसी ओवरसीज एजेंट को, कोई आपका एजेंट है इंडिया के बाहर रहता है, इंडिया के बाहर से आपके लिए ऑर्डर लेके आता है, आप उसको कमीशन का पेमेंट कर रहे हो, तो उस अमाउंट पर TDS नहीं कटेगा, क्यों, वो कमीशन इंडिया में टैक्सेबल होगा ही नहीं, ऐसा केस हुआ है, वो इनकम मानी जाएगी इनकम आउटसाइड इंडिया, तो उस पर वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, जब टैक्सेबल नहीं है तो TDS भी उस पर नहीं कटेगा। आगे बता रखा है, अगर कोई फर्म कोई नॉन रेजिडेंट पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है 195 में TDS कटेगा, रेजिडेंट को करती है 194A में मना कर रखा है, लेकिन 195 में क्या बोल रखा है, नॉन रेजिडेंट पार्टनर को करती है तो TDS काटना पड़ जाएगा। अब मान लो बताओ कोई फर्म अपने पार्टनर्स को शेयर इन प्रॉफिट देती है तो TDS कटेगा का, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, TDS नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, शेयर इन प्रॉफिट पार्टनर के हैंड्स में एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 10(2)(a) में, जब एग्जम्प्ट होता है तो TDS भूल जाओ। अब लास्ट पॉइंट, आप नॉन रेजिडेंट फोन कंपनी को कोई भी अमाउंट पे करते हो, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे ना हो, आपको डिपार्टमेंट वालों को बताना पड़ेगा क्या पे किया आपने। अगर टैक्सेबल है तो TDS भी काटना है, टैक्सेबल नहीं है फिर बताना तो पड़ेगा आपको कि क्या अमाउंट पे किया, क्यों पे किया, TDS क्यों नहीं बनता, सब चीज़ें बतानी पड़ती है अगर आप नॉन रेजिडेंट फोन कंपनी को पेमेंट करते हो, क्योंकि फंड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है। ये है 195 जो अपन ने देख लिया। अब आ जाओ कुछ अदर पॉइंट दे रखे TDS की रिगार्डिंग, ज़्यादा काम के नहीं है लेकिन देख लेते हैं। दो पॉइंट तो बिल्कुल फालतू है, पहला दूसरा तो क्या है, कोई पे ही मान लो गरीब आदमी बेचारा, जिसको इनकम रिसीव हो रही हो, गरीब आदमी है, उसको लगता है उसकी इनकम काफ़ी कम आएगी, तो वो AO से रिक्वेस्ट कर सकता है, AO मतलब डिपार्टमेंट वालों से रिक्वेस्ट कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसे नो डिडक्शन का या लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जाए ताकि उसका TDS ही ना कटे, या TDS की रेट मान लो 10% है, उसे 1% का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो पे को अगर ऐसा सर्टिफिकेट मिल गया वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट लेते ही वो पेयर को पकड़ा देगा। अब पेयर क्या करेगा, TDS सेक्शन की रेट का कोई नहीं काटेगा, जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, AO ने जो सर्टिफिकेट दिया है, AO ने लिख दिया TDS मत काटो, नहीं काटेगा पेयर, या AO ने लिख दिया TDS काट लो 1% काट लो, वो 1% काट देगा, रेट चाहिए 20 हो वो काटेगा 1%। तो पे ऐसा सर्टिफिकेट मांग सकता है AO से, उसको भीख मांगनी पड़ेगी किससे, AO से। दूसरा बता रखा है, कोई पे को लगता है उसकी इनकम कितनी आने वाली है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक आने वाली है, मतलब इंडिविजुअल वगैरह है, और कौन से सेक्शन की बात हो रही है, फालतू सेक्शन 192A 93 194A DA 194IK जो इंडिविजुअल वगैरह के काम के होते हैं सेक्शन, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन पे ही खुद दे सकता है 15G और 15H, फॉर्म नंबर 15G और एक 15H होता है सीनियर सिटीजन के लिए, वो सेल्फ डिक्लेरेशन खुद वो फॉर्म भर के पेयर को पकड़ा सकता है कि मेरी इनकम इतनी आने वाली है तो मेरा TDS सरकार, पर उसको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, AO से नहीं लेना पड़ा कुछ, AO से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट खुद दे के वो क्या कर सकता है, TDS काटने के लिए मना करवा सकता है, बिल्कुल फालतू कुछ काम का नहीं था। आगे है असेसी इन डिफॉल्ट, अगर असेसी TDS नहीं काटता है तो कम काटता है या काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाता, वो बन जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट बन गया तो खुश होने की जरूरत नहीं है, जितना TDS नहीं काटा जाए, जितना गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया उतनी आपकी पेनल्टी ठुक जाएगी। देखा था ना अपने असेसी इन डिफॉल्ट बन जाते हो बाई बैक के केस में, एग्जिट टैक्स में, अगर जमा नहीं करवाते 14 डेज में, सेम वही होगा यहाँ पे भी। अब आगे बता रखा है 206AA, आपको कंपलसरी पैन फर्निश करना पड़ेगा मैंडेटरी, किसको, पे को, मतलब जिसको इनकम रिसीव हो रही है उसको अपना पैन पेयर को देना पड़ेगा, अगर नहीं देता TDS की रेट क्या हो जाएगी, रेट गिवन वो 20% बेचे वाली चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और है जो थोड़ा सा दिमाग वाली चीज़ है, वैसे अगले चैप्टर में लिंक होगी, वो क्या है, अगर आपने अपना आधार कार्ड पैन नंबर से लिंक करवा रखा है, आधार कार्ड आपने डिपार्टमेंट वालों को इंटीमेट कर रखा है, पैन नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है, तो पैन और आधार आपके हो जाते हैं इंटरचेंजेबल।
आप पैन की जगह अगर आधार कार्ड भी दे देते हो पेयर को, पे ही अपना आधार कार्ड पेयर को दे देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका TDS नॉर्मल रेट से कटेगा, फिर ये प्रोविजन लगेगा ही। मतलब पैन की जगह आप आधार कार्ड भी सबमिट कर सकते हो, बस पैन अगर आपका आधार कार्ड से लिंक है, आधार कार्ड आपने डिपार्टमेंट वालों को इंटीमेट कर रखा है, दोनों इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। पैन की जगह आप आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आधार कार्ड भी दे देता पे ही पेयर को, तो फिर पेयर क्या करेगा, नॉर्मल रेट लगाएगा, ये सेक्शन लगाएगा, आधार कार्ड से काम चल जाएगा, फिर आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा। आगे बता रहा है 206A भी, ये निकम्मे लोगों के लिए, नालायक लोगों के लिए लाया गया, जो बिल्कुल निकम्मे होते हैं, ऐसे पे ही जिन्होंने लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी, और रिटर्न फाइल करने का टाइम एक्सपायर होगा, और लास्ट ईयर का उनका जो TDS TCS था 50,000 उससे ज़्यादा था। कोई पे ही है जिसने लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी, लास्ट ईयर का उसका TDS TCS 50,000 से ज़्यादा आ रहा था, ऐसे पे का जो TDS कटेगा कैसे कटेगा, सेक्शन में जो रेट दे रखे वो ले लो, उसका डबल करो और 5% से कम पे करो, विच एवर चाहिए। जैसे मान लो सेक्शन में प्रोफेशनल फीस की रेट दे रखी है 10%, 10 का डबल करो 20, 20 और 5 20, कॉन्ट्रैक्ट की रेट दे रखी है 2%, 2 का डबल करो 4, 4 और 5 5। इन निकम्मे लोगों का TDS कैसे कैसे कटेगा, डबल रेट्स, डबल रेट और 5% विच एवर चाहिए। पर ये वाला प्रोविजन कुछ सेक्शन पे अप्लाई नहीं हो रहा था, कोई फालतू सेक्शन बता रखे हैं, कुछ काम का नहीं है, प्रोविजन ही काम का नहीं है, ये ज़्यादा काम के नहीं है। हाँ ये वाला तो काम का है, पेन वाला तो, ये इतने काम के नहीं होते। अब ये याद नहीं रखना आपको कौन कौन से पे अप्लाई नहीं होता, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बता रखा है, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही बर्बाद है, कोई पे बिल्कुल बर्बाद है, उसने ना तो पैन नंबर फर्निश किया, ना ही उसने लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल कर रखी, तो उसके 206AA भी लग रहा है और 206A भी लग रहा है, तो TDS की रेट क्या होगी? दोनों में से जो हायर आएगी, 206AA के अकॉर्डिंग और 206AB के अकॉर्डिंग जो भी हायर आएगी, उस हायर रेट से फिर TDS उसका कटेगा। आगे बता रखा है, पेयर ने TDS काट लिया, अब काट के खुद के पास ही रखना, वो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट को जमा करवाना है, कब तक जमा करवाना है? अप्रैल से फेब में TDS काटा, अप्रैल से फेब मंथ में, तो अगले महीने की 7 तारीख तक, जैसे अप्रैल का TDS 7 मई, मई का 7 जून, जून का 7 जुलाई, मार्च मंथ का TDS है तो 30 अप्रैल, मार्च मंथ क्लोजिंग मंथ होता है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 30 अप्रैल तक जमा करवाने का। आगे बता रखा है, 3 सेक्शन 194 IE IBAM, इसमें लिए डेट बता रखी है अगले महीने की 30 तारीख तक, कोई भी मंथ हो, फालतू ये पॉइंट। अब आगे बता रखा है, जो पेयर है ना, जो TDS काटता है, उसको एक TDS रिटर्न बननी पड़ती है, जिसको अपन TDS स्टेटमेंट भी बोलते हैं, 24Q 26Q, इनमें जाता है ये। अब आप बोलोगे पेयर को क्यों बननी पड़ती है, अब पेयर ने TDS तो चलो जमा करवा दिया, अब गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि कौन कौन पे का TDS कटा है? गवर्नमेंट को सपना थोड़ी आएगा, अब गवर्नमेंट को जानना भी जरूरी है, जानना क्यों जरूरी है? मान लो पे था जो भी बंदा, गवर्नमेंट उसको क्रेडिट तो देगी ना TDS का, जैसे मान लो पे ही है, पे का टोटल टैक्स बनता था एज पर रिटर्न 10 लाख का, मैंने आपको स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में बताया था, वो क्या करता है पे ही, उसका जो भी TDS कटा, जो भी TCS कलेक्ट हुआ, या जो भी उसने एडवांस टैक्स जमा करवाया, उसका वो क्या कर लेता है, क्रेडिट ले लेता है, मान लो था 5 लाख का, और बची हुई आ जाती है उसकी नेट टैक्स पेबल, वो आ जाता है नेट टैक्स पेबल, तो गवर्नमेंट क्या दे देती है, क्रेडिट दे देती है पे को। अब पे को क्रेडिट देगी कैसे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पे का एक फॉर्म होता है 26AS, उसमें शो हो जाता है, कैसे शो हो जाता है, पेयर भरता है रिटर्न, TDS रिटर्न, बताता है कौन कौन से पे का उसे TDS काटा, कौन से नेचर का पेमेंट किया, उन पे का पैन नंबर क्या है, कितना पेमेंट किया, TDS कितना काटा, और भर देता है रिटर्न। और ये रिटर्न क्वार्टरली बननी पड़ती है पेयर को, जून क्वार्टर, सेप्टेम्बर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर की 31 जुलाई तक, सेप्टेम्बर क्वार्टर की 31 अक्टूबर, दिसंबर क्वार्टर 31 जनवरी, और मार्च क्वार्टर की 31 मई तक, जैसे क्वार्टर खत्म हुआ उसके नेक्स्ट मंथ की लास्ट है, उसके नेक्स्ट मंथ की लास्ट है, लेकिन मार्च क्वार्टर में 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि मार्च क्लोजिंग मंथ होता है, तो 1 महीना एक्स्ट्रा दे देता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ही रिटर्न फाइल करी पेयर ने, अपने आप 3-4 दिन के अंदर वो अमाउंट पे के 26AS में शो हो जाती है, और पे क्या कर लेता है, फिर उसका क्रेडिट ले लेता है, क्योंकि वो उसका टैक्स है जो पेयर ने जमा करवा दिया, पेयर ने काट के जमा करवा दिया। तो ऐसा नहीं होता कि डबल टैक्स हो जाएगा, TDS भी कट गया और उससे भी टैक्स मांगेगी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा नहीं होता। अगर पेयर ने TDS काट लिया तो उसका उसको क्रेडिट मिल जाता है लास्ट, टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेते हैं अपन, फिर लेस करते हैं ना माइनस TDS TCS एडवांस टैक्स, फिर आता है नेट टैक्स पेएबल, नेट टैक्स पेएबल ये आता है फिर रिटर्न में, और ये पे कर देता है पे, इसे बोलते हैं अपन सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रिटर्न फाइल करते वक्त ये पे कर दिया उसने, ये हो जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब आगे बता रखा है, अगर आप TDS लेट काटते हो या लेट जमा करवाते हो गवर्नमेंट को, आपके वो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, एक तो आप असेसिंग डिफॉल्ट बन जाओगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, जैसे बाईबैक में लगता था ना इंटरेस्ट, ऐसे यहाँ भी इंटरेस्ट लगेगा, जैसे एग्री टैक्स में भी लगता था इंटरेस्ट। रेट क्या है, लेट काटते हो 1% की रेट है, जितना TDS आपने नहीं काटा उस पर लगेगा, कब से लगेगा, जिस दिन TDS कटना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा नहीं ड्यू डेट वगैरह, यहाँ जिस दिन कटना चाहिए था उस दिन से लेकर के जिस दिन आपने काटा उस दिन तक लगेगा। लेट जमा करवाते हो ये ज़्यादा बड़ा ऑफेंस है, आपने काट लिया खुद के पास रख लिया गवर्नमेंट का पैसा, तो इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ पार्ट ऑफ दी मंथ, इंटरेस्ट इनकम टैक्स सब जगह रेट क्या है 1% पर मंथ पार्ट ऑफ दी मंथ, लेकिन यहाँ पे लेट जमा करवाने पे रेट है 1.5% पर मंथ पार्ट ऑफ दी मंथ, साल की रेट होगी 18%, 18% ब्याज ब्याज हो गया,
तो 1.5% पर मंथ पार्ट ऑफ दी मंथली रेट से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जितना टीडीएस आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, काट के रख लिया अपने पास, उस पर लगेगा। कब से लगेगा? जिस दिन काटा, आफ्टर ड्यू डेट नहीं लगेगा कि आफ्टर सेवन, ऐसे नहीं लगेगा, जिस दिन काटा उस दिन से लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जिस दिन जमा करवाओगे उस दिन तक लगेगा। जिस दिन काटा उस दिन से लेकर के जिस दिन जमा करवाओगे उस दिन तक लगेगा। मंथ में अपन निकालेंगे, मंथ निकालेंगे, पार्ट ऑफ मंथ है तो उसको भी फुल मंथ मान लेंगे। कैसे करते हैं वो आपको ऑलरेडी बाई बैक वाले इंटरेस्ट के केस में बता चुका, वैसे ही यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये भी आपको देना पड़ेगा कि इसको पेयर को देना पड़ेगा। ये था टीडीएस जो आपने कंप्लीट किया, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टीडीएस ही था। अब देखने वाले अपन टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस। कभी कभार टीसीएस का भी एक आध पॉइंट आ सकता है। टीसीएस जो होता है ना, टीडीएस का उल्टा होता है। टीसीएस सेलर कलेक्ट करता है बायर से, टीडीएस में क्या था, बायर काट रहा था सेलर का, या पेयर काट रहा था पे का, मतलब जो पेमेंट करने वाला है ना वो काट रहा था। लेकिन टीसीएस में उल्टा होता है, जो सेलर होता है ना बेचने वाला, वो कलेक्ट करता है बायर से, बायर का टैक्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो एक बंदा अमन, अमन होंडा शोरूम गया कार खरीदने, 20 लाख की उसने कार खरीदी। होंडा शोरूम वाले क्या करेंगे, उसे 20 लाख कार के लेंगे और 1% कार पे लगता है, 1% का टीसीएस, 1% टीसीएस के नाम पे उसे 20,000 लेंगे, 20 लाख 20,000 चार्ज करेंगे, 20 लाख खुद के पास रख लेंगे, और 20,000 जो उसने अमन का टैक्स है वो होंडा शोरूम वाले क्या करेंगे, 20,000 गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। तो सेलर कलेक्ट करता है बायर से। टीसीएस के प्रोविजन लाए क्यों गए, ट्रेस करने के लिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं बड़ी बड़ी, रिटर्न भरते हैं नहीं, ये रिटर्न भरते तो बहुत कम अमाउंट की भरते हैं। कार खरीद ली 50 लाख की और रिटर्न में इनकम दिखाते कभी 5,000 रुपये, कभी 10,000 रुपये, कभी रिटर्न भरते ही नहीं है, और कार खरीदते 50 लाख की, अब ट्रेस हो जाएंगे वो ऐसे लोग। तो सेलर कलेक्ट करता है बायर से। कब कलेक्ट होता है, रिसीट और डेबिट विचर यूजर, टीडीएस का आप काटते थे, पेमेंट और क्रेडिट विचर यूजर। यहाँ अपन को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो रिसीट जब उसने अमाउंट रिसीव करी किया तब, या उसने बायर का अकाउंट डेबिट किया तब, विचर यूजर। लेकिन दो केस ऐसे दे रखे, एक तो मोटर व्हीकल का केस और एक सेल ऑफ गुड्स का केस, एक मोटर व्हीकल का केस और एक सेल ऑफ गुड्स का केस जो आएगा अपना 206C1F और एक 206C1H। देखो टीसीएस के जो प्रोविजन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 206C में, ये सेक्शन है 206C, इसी में सब सेक्शन बता रखे हैं 1F 1H। इन दो केस में टीसीएस कब कलेक्ट करना है, रिसीट के टाइम पे, जब अलियर नहीं करेंगे, जब अमाउंट रिसीव होगी सेलर को तब काटेगा, तब कलेक्ट करेगा। अब बता रखा है कोई सेलर कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका लास्ट ईयर का बिजनेस के केस में टर्नओवर अप टू रुपीज 1 करोड़ था, प्रोफेशन के केस में 2 लाख थी, या लास्ट ईयर में बिजनेस था ही नहीं, या लास्ट ईयर में मान लो जॉब करता था, या नल्ला था, मोहनलाल था, मोहनलाल सेलर है, उस मोहनलाल सेलर को किसी भी बंदे का टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। और एक बता रखा है, अगर बायर कौन है, बड़े लोग हैं, गवर्नमेंट है, एम्बेसी से, कॉन्सुलेट, हाई कमीशन, इन बड़े लोगों का, इन बड़े बायर्स का कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकता। बायर कौन है, गवर्नमेंट, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, हाई कमीशन, इन बड़े बायर का, इन बड़े लोगों का, किसी सेलर की औकात नहीं है वो इनका टीसीएस कलेक्ट कर ले। आगे बता रखा 206C टीसीएस कहाँ का एप्लीकेबल होता है और टीसीएस की रेट्स क्या है। लगभग 5 पार्ट में डिवाइड है, ABCDE, पांचों अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग सब सेक्शन, सेक्शन तो एक ही है 206C, सब सेक्शन 1, फिर 1F, 1C, 1G और 1H। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस 5 पार्ट में देख लो। TCS मेनली ज़्यादातर गुड्स पे लगता है। अब सबसे पहले बता रखे 1 पार्ट ए में, पॉइंट ए में, पॉइंट ए में कुछ स्पेसिफाइड गुड्स बता रखे हैं, क्या क्या, दारू एक, तो एल्कोहलिक लिकर एक, स्क्रैप कचरा एक, मिनरल्स में कोयला और कच्चा लोहा, कोल और आयरन और लिग्नाइट मतलब कच्चा लोहा, एक टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और एक तेंदुली, ये हैं कुछ स्पेसिफाइड गुड्स। तो दारू, स्क्रैप और मिनरल्स, इन पे तो है 1% की रेट टीसीएस की। टिम्बर पे है 2.5% और तेंदुली मतलब बीड़ी पत्ते पे है 5%, ये रेट है टीसीएस की स्पेसिफाइड गुड्स पे। अब स्पेसिफाइड गुड्स में दो केस में टीसीएस लगता नहीं है। अगर कोई स्पेसिफाइड गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, तो टीसीएस नहीं लगता। जैसे मान लो मोहन ने एक 500 रुपीज़ की दारू की बोतल खरीदी, तो सेलर उसका टीसीएस लेगा क्या, नहीं, पीने के लिए खरीदी उससे 500 रुपये की बोतल, टीसीएस नहीं लगता। तो कुल मिला के ये स्पेसिफाइड गुड्स की जब होलसेल सेल होती है ना, उस पर टीसीएस लगता है। जैसे मान लो किंग फिशर एक कंपनी, दारू कंपनी, उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को 10 लाख की दारू बेची। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर पीने के लिए नहीं खरीद रहे, वो बेचेंगे दारू, तो अब किंग फिशर क्या करेगी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से 1% का टीसीएस भी कलेक्ट करेगी। दूसरा केस, अगर मान लो कोई ये स्पेसिफाइड गुड्स क्यों खरीद रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में काम में लेने के लिए, वो सेल नहीं करेगा, वो पिएगा भी नहीं और सेल भी नहीं कर रहा, वो मैन्युफैक्चरिंग में काम मिलेगा, तो भी टीसीएस नहीं लगेगा। जैसे मान लो किंग फिशर कंपनी ने 10 लाख की दारू की बोतल बेची किसको, फाइजर को, एक दवा कंपनी फाइजर। अब फाइजर दारू की बोतल बेचेंगे नहीं, फाइजर उस दारू का क्या करेगी, अपनी मेडिसिन में यूज़ करेगी, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में, दवा की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करेगी, तो उस केस में भी टीसीएस नहीं लगेगा, उस केस में भी टीसीएस नहीं लगेगा। मान लो एक कंपनी ने कोयला खरीदा, कोयला क्यों खरीदा, कोयला बेचने के लिए नहीं खरीदा, कोयले को वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करेगी, तो बताओ टीसीएस लगेगा क्या नहीं लगेगा।
तो दो केस में स्पेसिफाइड गुड्स पे टीसीएस नहीं लगता है, तो आप पर्सनल यूज के लिए खरीदते हो, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में काम में लेने के लिए खरीदते हो, तो स्पेसिफाइड गुड्स पे टीसीएस नहीं लगता। बी वाला पॉइंट है मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल पे टीसीएस लगता है किस रेट से, 1% की रेट से। 1% किसका करते हो आप, एक्स शोरूम प्राइस। देखो मोटर व्हीकल की दो प्राइस होती है, एक्स शोरूम प्राइस, एक ओन रोड प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस जैसे मान लो किसी कार की है 10 लाख, ओन रोड प्राइस होगी उसकी 13 लाख, ज़्यादा क्यों होगी। एक्स शोरूम प्राइस तो वो अमाउंट होती है जो सेलर के पास जाती है, फिर ऑन रोड प्राइस क्या होती है। देखो एक्स शोरूम प्राइस में अगर आप क्या ऐड कर देते हो, आरटीओ के चार्ज, आरटीओ मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज, इसके अलावा रोड टैक्स वगैरह, ये सब ऐड करने के बाद आती है ऑन रोड प्राइस। तो फिर क्या होता है, सेलर क्या करता है, बायर से चार्ज करता है ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस मान लो 13 लाख है, 13 लाख बायर से लेता है वो, 10 लाख एक्स शोरूम प्राइस है तो 10 लाख खुद के पास रखता है, और जो 3 लाख है आरटीओ वाले आरटीओ को जमा करवा देता है, इंश्योरेंस चार्ज इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है, रोड टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है, ऐसा करना पड़ता है सेलर को। तो अब जो 1% टीसीएस कलेक्ट होगा किसका होगा, एक्स शोरूम प्राइस का, ऑन रोड प्राइस का नहीं होगा, एक्स शोरूम प्राइस का। अगर आपको ऑन रोड प्राइस दे रखी है क्वेश्चन में, तो आपको ये आरटीओ चार्ज इंश्योरेंस चार्ज या जो भी चार्ज है रोड टैक्स वगैरह सब हटा के एक्स शोरूम प्राइस निकालनी पड़ेगी। एक्स शोरूम प्राइस हमेशा क्या होती, कम होती है, उसका टीसीएस कलेक्ट करेगा सेलर 1% की रेट से, क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं चार्जेस हैं वो तो किसी न किसी को चले जाएंगे, वो सेलर के पास नहीं रहेंगे। तो 1% की रेट से टीसीएस होगा, एक्स शोरूम प्राइस का होगा। अब मोटर व्हीकल के केस में देखो टीसीएस तभी लगता है अगर मोटर व्हीकल का जो कंसिडरेशन है ना पर व्हीकल का 10 लाख से ज़्यादा हो। अगर कार मान लो मोहन ने खरीदी 20 लाख की, टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा, 30 लाख की खरीदी हो जाएगा, लेकिन मान लो कार मोहन ने खरीदी 10 लाख की, एक कार खरीदी 10 लाख की, मतलब टीसीएस कलेक्ट होगा नहीं होगा। 8 लाख की खरीदी नहीं होगा, मान लो मोहन ने दो कार खरीदी, एक 8 लाख और एक 7 लाख, बताओ एग्रीगेट करोगे कितने पर व्हीकल देखेंगे, पर व्हीकल देखो दोनों 10 लाख के अंदर अंदर है, कोई टीसीएस नहीं लगेगा। लेकिन मान लो मोहन ने एक कार खरीदी 18 लाख की और एक 7 लाख की, तो 18 लाख वाली पे लग जाएगा टीसीएस, 7 लाख वाली पे नहीं लगेगा। तो पर व्हीकल का कंसिडरेशन 10 लाख तक है तो कोई टीसीएस नहीं लगेगा, 10 लाख से ज़्यादा पर व्हीकल है तो जिस कार का 10 लाख से ज़्यादा है उस पर ही लगेगा टीसीएस, महंगी कारों पर लगता है टीसीएस 10 लाख से ज़्यादा वाली पे। आगे बता रखा है अगर मोटर व्हीकल की होलसेल सेल हो रही है, मारुति इंडिया क्या कर रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या डीलर को 10 कार सेल कर रही है, 20 लाख की 2 करोड़ की कार सेल कर दी, बताओ टीसीएस लगेगा नहीं लगेगा। मतलब पॉइंट बी में उल्टा है पॉइंट ए का। पॉइंट बी में क्या है, अगर मोटर व्हीकल की होलसेल सेल होती है टीसीएस नहीं लगता, मोटर व्हीकल की रिटेल सेल पे लगता है, जबकि पॉइंट ए में क्या था, स्पेसिफाइड गुड्स की रिटेल सेल होती है तो टीसीएस नहीं लगता, होलसेल सेल होती है स्पेसिफाइड गुड्स की, मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है दारू सेल कर रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को तब लगता है। तो पॉइंट बी में उल्टा है पॉइंट ए का, पॉइंट ए में रिटेल सेल पे नहीं लगता, पॉइंट बी में होलसेल सेल पे नहीं लगता टीसीएस। अब पॉइंट सी लीजो लाइसेंस, अभी वाले दो पॉइंट थे गुड्स के केस थे, पॉइंट सी है लीजो लाइसेंस। सेलर ने क्या कर रखा है, जो प्रोवाइडर है उसने क्या किया, पार्किंग लॉट टोल प्लाजा माइंस क्वेरी लीज पे दे रखी है, लीज या लाइसेंस पे दे रखी है। जैसे मान लो जयपुर में एक मॉल है WTP मॉल, उसमें काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया बना हुआ है, WTP मॉल वालों ने क्या किया, वो पार्किंग एरिया एक कंपनी श्याम लिमिटेड उनको लीज पे दे दिया। तो WTP मॉल वाले उससे लीज रेंट तो चार्ज करेंगे, मान लो लीज रेंट 10 लाख चार्ज कर रहे हैं, 10 लाख तो चार्ज करेंगे, साथ में 2% का TCS भी लेंगे, उस श्याम लिमिटेड से 2% TCS भी चार्ज करेंगे। इसी वाला केस किसका है, सर्विस का है। वैसे TCS जनरली गुड्स पे लगता है, जैसे TDS जनरली सर्विस वगैरह पे लगता है, सर्विस रेंट अदर कंपोनेंट पे लगता है, TCS गुड्स पे जनरली लगता है। लेकिन सी पॉइंट में क्या है, सर्विस वाला पार्ट कवर्ड है, रेंट वाला पार्ट कवर्ड है। डी वाला क्या है, रेमिटेंस अंडर LRS ऑफ RBI। LRS क्या होता है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। आप इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो, ओवरसीज रेमिटेंस कर रहे हो, इंडिया के बाहर आप पैसा भेज रहे हो तो क्या होगा, आप कैसे भेजोगे पैसा। मान लो आपकी फैमिली रहती है US, मान लो एक पर्सन है अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल, इसकी फैमिली रहती है US में, इसकी फैमिली कहाँ रहती है, US में इसकी फैमिली रहती है, और मिस्टर अग्रवाल इंडिया में रहता है, इंडिया में पैसे कमाता है, फैमिली इसकी US में शिफ्ट हो गई। अब इसकी फैमिली को वहाँ घर खर्च करने के लिए, खाने पीने के लिए, अय्याशी करने के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब बताओ अग्रवाल कैसे करेगा, पार्सल भेजेगा क्या, ऐसे नहीं कर सकता अग्रवाल, ऐसे नहीं कर सकता पार्सल अग्रवाल नहीं भेज सकता, तो कैसे भेजेगा। तो अग्रवाल को भेजना पड़ेगा पैसा, एक डीलर आएगा बीच में, ऑथराइज डीलर, जो कौन होंगे, जनरली बैंक, इस AD के थ्रू, इस ऑथराइज डीलर के थ्रू पैसे भेजने पड़ेंगे अग्रवाल को। अग्रवाल पहले पैसे देगा बैंक को, और बैंक वाले फिर US में भेजेंगे। अग्रवाल चाहे तो हवाला करवा सकता है दो नंबर में, वो अलग चीज़ है, लेकिन ईमानदारी से भेजने कैसे करने पड़ेंगे, ऑथराइज डीलर के थ्रू। ऑथराइज डीलर जनरली कौन होते हैं, बैंक्स वगैरह के थ्रू पैसा भेजना पड़ेगा। तो अग्रवाल ने मान लो 10 लाख बैंक को पकड़ा दिए, बैंक वाला क्या कर देगा, 10 लाख उसकी फैमिली को पकड़ा देगा US में, ऐसा भेजना पड़ेगा। अब बैंक वाला जो ऑथराइज डीलर है, अगर कोई ओवरसीज रेमिटेंस करता है कोई बंदा इंडिया के बाहर पैसा भेजता है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, उसका TCS भी कलेक्ट करेंगे। वो बंदा इंडिया के बाहर पैसा भेज रहा है, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ट्रेस करना चाहती है, कौन लोग इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं देखना चाहती है गवर्नमेंट, इनकी औकात कैसे है कि ये इंडिया के बाहर पैसे भेज रहे हैं और रिटर्न तो फाइल करते नहीं है, रिटर्न बहुत कम अमाउंट की फाइल करते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ट्रेस करना चाहती है। तो ऑथराइज डीलर वाले इसका TCS भी कलेक्ट करेंगे। अग्रवाल से 10 लाख नहीं लेंगे,
10 लाख प्लस TCS लेंगे आप। TCS क्या लेंगे, तो यहाँ देखो अलग अलग रेट दे रखी है। अग्रवाल जो पैसे भेज रहा है ना, किसके लिए भेज रहा है? फैमिली के एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा है, तो 5% की रेट से TCS कलेक्ट होगा, 5% की रेट लगेगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, 7 लाख तक अग्रवाल भेजता है, यहाँ पे एक लिमिट दे रखी है 7 लाख की, 7 लाख तक भेजता कोई दिक्कत नहीं, कोई TCS नहीं लगता, 7 लाख से ज़्यादा भेजता है ना कोई TCS लगता है, और वो भी कौन से पे, एक्सेस अमाउंट में, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट पे लगता है TCS, पूरे अमाउंट में नहीं लगता, एक्सेस अमाउंट पे। मान लो अग्रवाल ने 7 लाख भेजे होते कोई TCS मिलता, आप 10 लाख भेजे तो बताओ कितने अमाउंट में TCS लगेगा, 10 पे नहीं लगेगा, 3 लाख पे लगेगा, एक्सेस अमाउंट पे लगता है हमें, एक्सेस अमाउंट पे। TCS विल अप्लाई ओनली ऑन एक्सेस अमाउंट ऑफ 7 लाख, 7 लाख तो TCS नहीं लगता। एग्रीगेट अगर अग्रवाल पूरे साल में 7 लाख तक भेजता कोई TCS नहीं, 7 लाख से जितने भी ज़्यादा भेजे अग्रवाल ने उस एग्रीगेट अमाउंट को देखते हैं, एग्रीगेट 7 लाख पर कोई दिक्कत नहीं, 7 लाख से ज़्यादा भेजे तो ऊपर वाली अमाउंट, एक्सेस वाली अमाउंट पर TCS लगेगा। किस रेट से लगेगा? एजुकेशन मेडिकल ट्रीटमेंट है तो 5%, ठीक है। अग्रवाल ने क्या किया, रेमिटेंस किया एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए कैसे किया, लोन लेके। अग्रवाल गरीब आदमी था बेचारा, उसकी फैमिली तो US में रहती है, लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी था, उसने क्या किया, इंडिया में लोन लिया। लोन में किसे लिया, इंडिया के बैंक या इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी एम्प्लॉयर से नहीं लिया, या किसी रिश्तेदार से नहीं लिया, या किसी फॉरेन बैंक से नहीं लिया, किसे लिया, इंडिया के बैंक या इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया उसने, और लोन लेके एजुकेशन के लिए पैसा भेजा, लोन का पैसा भेजा उसने, तो रेट काफ़ी कम हो जाएगी, ओनली 0.5%। अगर अग्रवाल पैसा भेजता है एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट 5%, लोन लेके एजुकेशन के लिए पैसा भेजता है 0.5%। और अगर मान लो अग्रवाल अदर रेमिटेंस कर रहा है, एजुकेशन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं भेज रहा, घर वालों को घर खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, या अय्याशी करने के लिए पैसे चाहिए, तो अदर रेमिटेंस पे क्या रेट लगेगी, 20%। पहले इसमें 5% रेट होती थी, अब इस पे क्या कर दी, 20%। अदर रेमिटेंस पे क्या कर दी, 20% रेट कर दी। आपको 20% याद करो, बाकी पुरानी रेट याद करने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। तो ये है रेमिटेंस की रेट, 3 रेट है, 5%, 0.5% और 20% अदर रेमिटेंस, और सबका एग्रीगेट करेंगे 7 लाख तक कोई TCS नहीं, 7 लाख से ज़्यादा है तो एक्सेस वाले पार्ट पे, एक्सेस वाले पार्ट पे यहाँ TCS लगेगा। तो यहाँ पे 10 लाख भेजे उसने अग्रवाल ने, तो 3 लाख पे लगेगा TCS, या तो 5% लगेगा, या 0.5% लगेगा, या 20% लगेगा। अब ओवरसीज टूर पैकेज, एक पॉइंट और कवर इसमें, ओवरसीज टूर पैकेज। मान लो अग्रवाल क्या कर रहा है, एक टूर एंड ट्रैवल की कंपनी है F&Z टूर कंपनी, इससे अग्रवाल क्या कर रहा है, अग्रवाल टूर पैकेज ले रहा है, इंडिया का टूर पैकेज नहीं। देखो टूर पैकेज क्या होता है, घूमने वाला पैकेज, इंडिया वाला भी होता है और ओवरसीज भी होता है। तो अग्रवाल मान लो थाईलैंड घूमना चाहता है, या US घूमना चाहता है, या चाइना घूमना चाहता है, तो वो पूरा टूर पैकेज खरीद रहा है ओवरसीज वाला। टूर पैकेज में सारी चीज़ें आ जाती हैं, अगर आपको कुछ नहीं करना, टिकट वगैरह सब टूर ट्रैवल की कंपनी करेगी, टिकट, होटल, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल, सब चीज़ें, कैब वगैरह सब कौन करेगी, टूर ट्रैवल की कंपनी करेगी। तो अगर आप टूर पैकेज खरीद रहे हैं ओवरसीज वाला, और अब टूर एंड ट्रैवल की कंपनी को क्या करना है, अग्रवाल का TCS कलेक्ट करना है। किस रेट से करना है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट लिमिट नहीं है, 1 लाख का खरीदा, 20 लाख का खरीदा, 30 लाख का खरीदा, सब पे होगा TCS कलेक्ट। किस रेट से होगा, 7 लाख तक का टूर पैकेज है तो 5%, और 7 लाख से जितना अबव है उस पर 20% स्लैब लगेगा। अग्रवाल ने मान लो 15 लाख का टूर पैकेज खरीदा, तो 7 लाख तक तो लगेगी 5% की रेट, और 7 लाख से अबव वाले पार्ट पे 8 लाख पे लग जाएगी 20% रेट। 7 लाख तक 5% और बाकी पे 20%, 7 लाख तक 5% और बाकी पे 20%। ये रेट से F&Z टूर एंड ट्रैवल की कंपनी इसका TCS कलेक्ट करेगी। गवर्नमेंट देख रही है कि कौन लोग इंडिया के बाहर घूमने जाते हैं, इनकी औकात देखती है गवर्नमेंट की, ये रिटर्न तो फाइल करते हैं नहीं, रिटर्न में तो इनकम कुछ दिखाते नहीं है, और इंडिया के बाहर पैसे उड़ा रहे हैं भयंकर तरीके से, तो इनका TCS कौन कलेक्ट करेगा, टूर एंड ट्रैवल की कंपनी कलेक्ट करेगी। तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो TCS में आ जाता है, अभी तक के तो काम चला होते, लास्ट पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स, 2061H, याद हो सके तो याद कर रख लेना, 2061H। कोई सेलर गुड सेल कर रहा है, 50 लाख से ज़्यादा के गुड सेल कर रहा है, तो सेल अमाउंट तो कलेक्ट करेगा, साथ में 0.1% की रेट से TCS भी कलेक्ट करेगा। और यहाँ भी क्या होगा, एक्सेस वाले का TCS होगा। मान लो उसे 60 लाख के सेल करे, तो पूरे 60 लाख पे नहीं लगेगा TCS, 60-50 10 लाख पे लगेगा, 60-50 10 लाख पे लगेगा, लेकिन दो केस में TCS नहीं लगता। अगर मान लो सेलर एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट सेल पे TCS नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट सेल चाहे 1 करोड़ की करे चाहे 5 करोड़ की करे, एक्सपोर्ट सेल पे TCS नहीं लगेगा। दूसरा, जो गुड्स पॉइंट ए में कवर है, पॉइंट ए में कौन से गुड्स कवर है, स्पेसिफाइड गुड्स, दारू, स्क्रैप, मिनरल्स, टिम्बर, इन पे पॉइंट ए में ही TCS लगेगा। मान लो पॉइंट ए में लग नहीं पाया, क्यों नहीं लग पाया, ये पर्सनल यूज़ के लिए थे या तो या मैन्युफैक्चरिंग के लिए थे, तो बताओ पॉइंट ई में चले जाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे, पॉइंट ए में ही रहेंगे वो, लगे तो ठीक है पॉइंट ए में, नहीं तो भूल जाओ उनको इन गुड्स पे। अब आप बोलोगे मोटर व्हीकल, ये भी गुड्स है, अगर मान लो मोटर व्हीकल पॉइंट बी में हो जाती है तो पॉइंट बी, मोटर व्हीकल को पहले लेंगे पॉइंट बी में, लेकिन मान लो मोटर व्हीकल पॉइंट बी में कवर नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, मान लो मारुति इंडिया ने 10 कार सेल करी थी डिस्ट्रीब्यूटर को 20 लाख ईच की, 2 करोड़ की, तो पॉइंट बी में नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे होलसेल का सेल कवर नहीं है, तो वो आ जाएगी यहाँ पे पॉइंट ई, वो आ सकती है मोटर व्हीकल, लेकिन पॉइंट ए वाले गुड्स
वो कभी भी पॉइंट ई में नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते पॉइंट ए वाले कोर्स। अब इसमें बता रखा है पॉइंट ई में टीसीएस तभी क्रेडिट करेगा सेलर अगर सेलर बढ़ा है। बढ़ा कैसे? लास्ट ईयर का उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था, 10 करोड़ था तो नहीं, सेलर था ही नहीं लास्ट ईयर में तो भी नहीं, 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर था सेलर का तो ही वो टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। अब बताओ इससे लिंक क्या सेक्शन है? एक सेक्शन इससे लिंक है बिल्कुल, कौन सा? 194Q। याद करो सेम चीज़ें थी वहाँ पे भी, बस वहाँ बायर टीडीएस काटता था या सेलर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है। तो अब मैं दोनों को लिंक कर देता हूँ एक बार। मान लो एक बायर है अपना राम लिमिटेड और एक सेलर है अपना एबीसी लिमिटेड, ये है सेलर और बायर है यहाँ पे राम लिमिटेड, ठीक है। राम लिमिटेड ने परचेज करा है गुड्स और एबीसी ने सेल करा है, मान लो 60 लाख का काम हुआ है इनके बीच में, 60 लाख के गुड्स परचेज सेल हुए हैं। अब बायर का मान लो लास्ट ईयर का टर्नओवर, लास्ट ईयर टर्नओवर दे रखा है 15 करोड़ का और सेलर का टर्नओवर दे रखा है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का 12 करोड़ का, दोनों का 10 करोड़ से ज़्यादा है, बताओ क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे 194Q, बताओ बायर राउंड मीटर को टीडीएस काटना पड़ेगा, कितने में काटेगा? 10 लाख पे, 60 लाख की परचेज हुई है तो एक्सेस 50 लाख से एक्सेस कितना? 10 लाख, 10 लाख पे क्या रेट लग जाएगा? 0.1%, ठीक है। अब सेलर को टीसीएस भी कलेक्ट करना है क्या? मना कर रखा है इसमें, अगर 194Q में टीडीएस लग गया तो टीसीएस को भूल जाओ, इस पॉइंट को भूल जाओ, एक ही चीज़ होगी, या तो टीडीएस या टीसीएस, दोनों चीज़ करने की जरूरत नहीं। अगर बायर ने टीडीएस काट लिया, बायर एलिजिबल था, देखो यहाँ बायर एलिजिबल था, एलिजिबल क्यों था? उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था तो उसको टीडीएस काटना ही पड़ेगा, तो उसने काट लिया 194Q में, अब टीसीएस भूल जाओ। लेकिन मान लो बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ ही था मान लो राम लिमिटेड का, तो बताओ 194Q में टीडीएस लगेगा क्या? नहीं लग पाएगा, क्योंकि बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए तो टीडीएस लग नहीं पाएगा, ठीक है। अब बताओ टीसीएस लगेगा? अब लग जाएगा टीसीएस, क्योंकि देखो सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ है और 60 लाख के गुड सेल कर रहा है तो 10 लाख पे 0.1% रेट से सेलर टीसीएस कलेक्ट कर लेगा, दोनों में से एक ही काम हो गया, तो बायर टीडीएस लेगा या सेलर टीसीएस। लेकिन मान लो सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 6 करोड़ था, इसका भी कम था, अब ना टीडीएस आएगा ना टीसीएस आएगा, अब दोनों चीज़ें नहीं आ पाएंगी, तो पहली प्रायोरिटी तो देंगे 194Q को, देखेंगे 194Q लग रहा है क्या, वो लग गया तो इसको भूल जाओ इस पॉइंट को। लेकिन 194Q नहीं लग पाया तो अब देखेंगे पॉइंट ही लग रहा है क्या, मतलब सेलर का टर्नओवर देखेंगे लास्ट ईयर का, ये लग रहा है तो टीसीएस लग जाएगा, ये भी नहीं लग रहा तो दोनों को भूल जाओ, फिर कुछ नहीं होगा, ना टीडीएस ना टीसीएस, ना टीडीएस ना टीसीएस। अब इसमें एक पॉइंट और है, मैंने बताया था अगर बायर क्या बोलते हैं सेलर अपना पैन बायर को फर्निश नहीं करता तो टीडीएस रेट क्या हो जाती है? 0.1 की जगह 5% हो जाती है। नो पैन के केस, नो पैन के केस में टीडीएस में क्या होता है रेट? 5%। टीसीएस में क्या होगी? अगर यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पैन किसको फर्निश करना है? बायर को अपना पैन सेलर को फर्निश करना है, वहाँ तो क्या होता था सेलर को अपना पैन बायर को फर्निश करना, मतलब पे को अपना पैन पेयर को फर्निश करना होता है, तो नहीं करता तो टीडीएस की रेट हो जाती 5%। यहाँ बायर अपना पैन सेलर को फर्निश नहीं करता तो सेलर टीसीएस के रेट से कलेक्ट करता है 1%, 0.1% नहीं 1%, ना ही 5, यहाँ रेट हो जाएगी 1%, क्या हो जाएगी 1% हो जाएगी। वैसे ये प्रोविजन कहाँ है? 206CC नेक्स्ट सेक्शन में। ये सेक्शन क्या है? ये बोलता है कलेक्टी को अपना पैन कलेक्टर को फर्निश करना पड़ता है, मतलब बायर को अपना पैन सेलर को देना पड़ता है, अगर सेलर को फर्निश नहीं कर पाता बायर अपना पैन तो सेलर जो टीसीएस कलेक्ट करता है किस रेट से करता है? सेक्शन में जो रेट दे रखी है उसका डबल कर दो और 5%। यहाँ 20 नहीं है टीसीएस में कि रेट गिवन हो 20, वहाँ तो ये था, यहाँ क्या है सेक्शन में जो रेट दे रखी है, जैसे दारू पे 1% है उसको डबल करो 2%, 2 और 5 पीछे उड़ी जा रहा है 5। लेकिन पॉइंट ई वाले केस में यहाँ थोड़ी छूट दे दी, 5 नहीं करा, पॉइंट ई वाले में 1% किया, क्योंकि गुड्स का केस है और यहाँ पे गवर्नमेंट को खाली ट्रांजेक्शन ट्रेस करना है तो 1% किया, 1% ही करा खाली। तो टीसीएस के केस में पैन ना फर्निश करने के केस में रेट क्या होगी? 1%। टीडीएस में हो जाती है 5, यहाँ क्या होगी 1, तो वहाँ फर्क आ जाएगा। वैसे रेट दोनों में क्या है? 0.1%। टीडीएस में 0.1, यहाँ भी 0.1, लेकिन टीडीएस के क्या बोलते हैं टीसीएस के केस में पैन ना फर्निश करने के केस में इस सेक्शन में रेट क्या हो जाएगी? 1%, 5 नहीं होगी 1%, ध्यान देना। अब एक चीज़ और है, मैंने बताओ कहीं पे भी आपको बताया टीसीएस के केस में कि जीएसटी सेपरेटली दिखा रखा है तो जीएसटी को इग्नोर करेंगे? टीडीएस में तो बोला था मैंने आपको, टीसीएस में बोला क्या मैंने? पांचों पॉइंट में कहीं पे भी नहीं बोला ना, तो यहाँ पे जीएसटी को इंक्लूड करके पांचों पॉइंट में टीसीएस कलेक्ट होता है। जीएसटी वाले कंपोनेंट पे भी क्या लगता है टीसीएस लगता है? जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मान लो परचेज थी 60 लाख की, जीएसटी था 10 लाख का, तो अमाउंट हो गई 70 लाख। जीएसटी सेपरेटली है, टीडीएस होता तो 60 लाख वाले पार्ट पे कटता, 60 लाख माइनस 50 लाख करते और 10 लाख पे जीएसटी कटता। लेकिन टीसीएस वाला केस है तो क्या होगा? अपन जीएसटी इंक्लूड करके देखेंगे वैल्यू कितनी, 70 माइनस 50, तो 20 लाख पे क्या लगेगा? टीसीएस लगेगा।
टीसीएस में जीएसटी को अपन इग्नोर नहीं करते, इंक्लूडिंग जीएसटी सभी में। ये पॉइंट के लिए मतलब बात नहीं कर रहा मैं, ए बी सी डी ई ये मैंने लिखवाया है नहीं कहीं पे, ये मैंने खाली टीडीएस के लिए लिखवाया था स्टार्टिंग में, टीडीएस के बेसिक में लिखवाया था। देखो टीसीएस के बेसिक में लिखवाया नहीं मैंने आपको जीएसटी वाला, कि जीएसटी को इग्नोर करते हैं, वो सर्कुलर नहीं आ रखा टीसीएस के लिए, नहीं आ रखा सर्कुलर, टीडीएस के लिए आ रखा है। चलो ठीक है, अगला सेक्शन देख रहे हैं अपन 206 सीसीए। ये क्या बोलता है, ये वही सेम उसका कॉपी है 206 ए बी का। अगर मान लो वहाँ पे पे निकम्मा था, यहाँ पे बाया निकम्मा है, कलेक्ट निकम्मा है, बाया निकम्मा, वहाँ सेलर निकम्मा था, यहाँ बाया निकम्मा है, बाया निकम्मा है, लास्ट एक रिटर्न फाइल लेकर रखी, और लास्ट उसका टी डी एस टी सी एस कितना था 50,000 है, उससे ज़्यादा का था, तो उसकी टी सी एस की रेट क्या हो जाएगी, सेम टू सेम वही जो वहाँ थी 206 ए बी में, ट्वाइस ऑफ रेट गिवन और 5% विच एवरेज हायर, ट्वाइस ऑफ रेट गिवन और 5% विच एवरेज हायर। इन दोनों सेक्शन में मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि इन दोनों सेक्शन में टी सी एस की रेट 20% से ज़्यादा नहीं जा सकती। ये क्यों लगाई गई, देखो एक केस ऐसा है जहाँ पे टी सी एस की रेट 20% भी होती है, एक तो अदर रेमिटेंस, और एक अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज 7 लाख से ज़्यादा वाला है, तो 7 लाख से ज़्यादा वाले में लगती है 20%। तो इसको अगर आप डबल कर दोगे तो बेचारा वो बायर तो बर्बाद हो जाएगा, 40% टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा होता है केस, तो मैक्सिमम 20% ही रहेगा, वो डबल नहीं होगा, चाहे आप पैन फर्निश ना करो, चाहे आप निकम में हो, रेट 20 रहेगी, डबल नहीं करेंगे। आगे बता दिया टीसीएस जो आपने काटा, क्या बोलते हैं, सेलर ने कलेक्ट किया, वो गवर्नमेंट को उसको जमा कराना, उसका पैसा नहीं है, वो बायर का पैसा है, बायर का टैक्स है, वो गवर्नमेंट का पैसा है वैसे तो, बायर का टैक्स है वो, तो अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना है। यहाँ मार्च के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, टीडीएस तो मिलता था लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना है। आगे बता रखा है टीसीएस रिटर्न, टीसीएस स्टेटमेंट फर्निश करेगा कौन, कौन फर्निश करेगा, सेलर फर्निश करेगा, क्योंकि टीसीएस किसने कलेक्ट किया, सेलर ने। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, जो बायर्स जिनका टीसीएस कलेक्ट हुआ उनको क्रेडिट देना है, क्योंकि उनका टैक्स कलेक्ट हो गया ऑलरेडी, तो क्रेडिट देना है, तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा किस बायर का टीसीएस कलेक्ट हुआ है। तो सेलर क्या फर्निश करेगा, टीसीएस रिटर्न, जैसे टीडीएस स्टेटमेंट फर्निश होता है ना जो पेयर फर्निश करता है, ऐसे ही टीसीएस रिटर्न, टीसीएस स्टेटमेंट सेलर फर्निश करेगा, क्वार्टरली फर्निश करेगा, जून सेप्टेंबर दिसंबर मार्च, जून का 15 जुलाई, सेप्टेंबर का 15 अक्टूबर, दिसंबर का 15 जनवरी और मार्च का 15 मई। टीडीएस के केस में डेट थी 31, यहाँ 15 है, बस इतना फर्क है। अब जो पेयर या सेलर टीडीएस या टीसीएस स्टेटमेंट या रिटर्न फर्निश नहीं करते, तो 234E की उनके ऊपर एक फीस लगेगी, एक फीस लगेगी, कितनी लगेगी, देखो ड्यू डेट क्या है, जैसे मान लो जून क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न है, तो ड्यू डेट हो गई 31 जुलाई, टीडीएस की बात कर रहा हूँ मैं, टीसीएस नहीं, टीडीएस की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ टीडीएस का, मान लो अब जून क्वार्टर की उसने फर्निश करी 20 अगस्त को पेएन में, 31 जुलाई ड्यू डेट है, तो फीस लगेगी 200 पर डे की, कब से लगेगी, आफ्टर ड्यू डेट, 31 जुलाई ड्यू डेट है तो 1 अगस्त से लगेगी, 1 अगस्त से 20 अगस्त तक लगेगी, 200 पर डे की फीस लगेगी, इस तरह से फीस लगेगी। लेकिन इसमें एक नोट और दे दिया, ये फीस जो है ना, जो उस क्वार्टर की रिटर्न में जितना टीडीएस टीसीएस अमाउंट आ रहा है, मान लो उस क्वार्टर की रिटर्न में टीसीएस अमाउंट 5,000 आ रहा है, तो ये फीस 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन मान लो फीस आ गई कैलकुलेट करते हुए 10,000, तो मैक्सिमम फीस कितनी लग पाएगी, जितना अमाउंट उस क्वार्टर की टीडीएस टीसीएस रिटर्न में आ रहा है उतनी ही लग पाएगी। वैसे तो रेट क्या है, 200 पर डे, पर कितनी लग पाएगी मैक्सिमम, जितना अमाउंट उस क्वार्टर की टीडीएस टीसीएस रिटर्न में टीडीएस टीसीएस का अमाउंट आ रहा है उतनी ही लग पाएगी। अब आगे बता रहा है इस फीस को ना तो अपन पेनल्टी मानते, ना टैक्स मानते, ना इंटरेस्ट मानते, तो ये फीस नॉर्मल खर्चा माना जाता है, आप इसका डिडक्शन ले सकते हो, ये फीस कोई बड़ा खर्चा नहीं माना जाता और ये कोई बड़ा ऑफेंस भी नहीं होता, छोटा मोटा ऑफेंस होता है, आपने लेट फाइल किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी डेट बढ़ती रहती है, एक्सटेंड करती रहती है गवर्नमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं मानती गवर्नमेंट इसको, इस फीस का आपको डिडक्शन वैसे भी मिल जाता है आराम से, आप इसको नॉर्मल खर्चा मान के पीजीबीपी हेड में डिडक्शन ले सकते हो इस फीस का। ये था आपका टीसीएस। अब अपन एक चीज़ देखने वाले हैं, टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो सबसे मेन चीज़ है। देखो टीडीएस टीसीएस का बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि किसी से मिक्स होके क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन आता है, 8 to 10 marks का बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन, उसमें जनरली तो मैंने बताया टीडीएस का क्वेश्चन आता है, कभी कभार एक आध पॉइंट टीसीएस का आ जाता है। वो क्या पूछता है, या तो आपको पूछता है एग्जामिन डिस्कस या कैलकुलेट कंप्यूट डिटरमाइन, या तो एग्जामिन डिस्कस या कैलकुलेट कंप्यूट डिटरमाइन, कभी कभी लिख देता है एग्जामिन TDS and calculate, कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं। तो examine discuss का क्वेश्चन है, क्या लिखता है वो, examine discuss TDS liability, examine discuss TDS implication, examine discuss TDS provision, examine discuss TDS applicability, examine discuss TDS obligation, examine discuss whether TDS attract or not, ऐसा लिखता है तो आपको क्या करना है, आपको सीधा नहीं बताना कि TDS कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको सबसे पहले लिखना है provision with section number, कैसे लिखना है, जैसे मान लो एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, राम लिमिटेड पेमेंट कर रही है प्रोफेशनल फीस का, आर एस ए एंड कंपनी को प्रोफेशनल फीस का 40,000 का पेमेंट कर रही है। अब क्वेश्चन आया एग्जामिन डिस्कस का, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एग्जामिन या डिस्कस टीडीएस लाइबिलिटी या इंप्लीकेशन या प्रोविजन एप्लीकेबिलिटी ऑब्लिगेशन अट्रैक्ट, सारी चीज़ें मैंने लिख दी, मैंने पूरा स्क्रूटनी करके जितना भी इंस्टीट्यूट पूछता है सब लिख दिया है यहाँ पे।
ताकि आपके मार्क्स ना कटें। ये क्वेश्चन आया, अब आपको क्या करना है, एग्जामिन या डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको लिखनी होती है रेट। कैसे लिखोगे? प्रोविजन में सेक्शन नंबर, एज पर सेक्शन 194 के, प्रोफिशन फीस कहाँ आती है 194 के, उसी पे जाना है आपको। सेक्शन नंबर याद नहीं है आपको, देखो याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे मार्क्स नहीं होते सेक्शन नंबर के, लेकिन TDS के याद कर लोगे तो घिचपिच नहीं होगी। याद नहीं है तो लिख दो एज पर प्रोविजंस, याद है तो एज पर सेक्शन 194 जी। TDS इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट, तो पहला पॉइंट क्या हो गया रेट का, एट द रेट 10% ऑन प्रोफेशन फीस, ये हो गया पहली लाइन। फिर एक लाइन का गैप दो। फिर दूसरा पॉइंट लिमिट, अब आपको लिमिट लिखनी है, एग्जम्पशन लिमिट। मैंने बताया था दो चीज़ें याद रखनी होती है आपको, रेट और लिमिट। ये याद रख लिए तो ये तो आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे आपको बाकी चीज़ें याद नहीं हो, दो चीज़ों के मार्क्स आपको हमेशा मिल जाएंगे। लिमिट क्या लिखनी है, अब देखो लिमिट 194 जी में तो 5-6 लिमिट दे रखी है, प्रोफेशनल फीस की अलग, टेक्निकल फीस की अलग, रिम्यूनरेशन की अलग, नॉन कंप्लीट फीस की अलग, रॉयल्टी की अलग, सारी लिख रही है कि सारी नहीं लिखनी। क्वेश्चन किसका आया है, प्रोफेशनल फीस का, तो उसी की लिमिट लिखनी है। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन 194 जे का आया तो पूरा 194 जे छाप दो, इतना टाइम वहाँ नहीं है आपके पास और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे ऐसा करोगे काम, एग्जामिनर को छाटना पड़ जाएगा। जिस चीज़ का पूछा उसी पे जाना है TDS में, ऐसा नहीं कि पूरा सेक्शन छाप रहे हो वहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। तो प्रोफेशनल फीस का पूछा है तो प्रोफेशनल फीस की रेट लिखनी है, इसी की लिमिट लिखनी है। अब लिमिट क्या है, हाउएवर नो TDS इज टू बी डिडक्टेड इफ़ प्रोफेशनल फीस इज अप टू ₹30,000 पर मंथ, ऐसा लिख दिया, या ऐसा लिख दिया TDS इज टू बी डिडक्टेड ओनली इफ प्रोफेशनल फीस एक्सीड्स 30,000 पर मंथ। कैसे भी लिख दो, नॉर्मल इंग्लिश में लिखो आप, टूटी फिट टू इंग्लिश लगाओ, कैसे भी लगाओ, आपको कुछ स्पेशल लैंग्वेज लिखनी नहीं होती यहाँ पे, नॉर्मल इंग्लिश में लिख दो, ये लिमिट होगी। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, मान लो कोई स्पेसिफिक पॉइंट, मैंने बताया था एडिशनल पॉइंट थे ना काफ़ी सारे, केस लो वाले पॉइंट या सर्कुलर के पॉइंट कोई है मान लो तो लिख दो। जैसे मान लो प्रोफेशनल फीस, आप मान लो ये CS वाली कंपनी है, तो ये प्रोफेशनल फीस देखो कहाँ कवर हो रही है, मैंने बताया था इस नोटिफाइड प्रोफेशन में आ गई, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट वगैरह में कवर हो गई। तो ऐसे लिख सकते हो, इन दिस केस पे इज कवर्ड अंडर CS, आप पे इज कवर्ड अंडर नोटिफाइड प्रोफेशन, इन दिस केस पे इज कवर्ड अंडर नोटिफाइड प्रोफेशन, सो इट इज प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है ऐसा लिख दो। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये फीस पेमेंट कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो तो इट इज प्रोफेशनल सर्विस, ये लिख दिया। मान लो कुछ ऐसा नहीं है, साफ लिखा हुआ है प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हो, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो हो तो लिखना होता है। लास्ट में दे दो कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या देना है, इन दिस केस प्रोफेशनल फीस इज ₹40,000, सो TDS इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट 10%। निकालना नहीं है TDS, अगर क्वेश्चन किसका आ जाता है एग्जामिन डिस्कस, निकालने की जरूरत नहीं होती, निकालने की जरूरत नहीं होती, आपको बस इतना लिखना है कंक्लूजन में, इन दिस केस प्रोफेशनल फीस इज 40,000, सो TDS इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट 10%। बस अगर मान लो 20,000 होती तो ये लिख देते, इन दिस केस प्रोफेशनल फीस इज 20,000, सो नो TDS इज टू बी डिडक्टेड, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बस गैप गैप दे देना। एक साथ पैराग्राफ नहीं बनना, पॉइंट्स देना, एक रेट का पॉइंट बनेगा, एक लाइन का गैप, फिर एक लिमिट का पॉइंट बनेगा, एक लाइन का गैप, फिर अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो उसका एक पॉइंट बनेगा, फिर एक लाइन का गैप, फिर लास्ट में कंक्लूजन। ये होता है एग्जामिन डिस्कस। स्पेसिफिक पॉइंट मान लो कोई केस लॉ का पॉइंट आ गया, केस लॉ का पॉइंट जैसे कौन सा आ गया, मान लो जो TPA पेमेंट कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे हॉस्पिटल को, वो पॉइंट आ गया, तो पॉइंट भी लिख दो, पेमेंट मेड बाई TPA ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज कवर्ड अंडर प्रोफेशनल सर्विस, तो TDS विल बी डिडक्टेड, वो पॉइंट भी स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन कर दो, अगर आया तो कोई उनमें से कोई पॉइंट आ गया एडिशनल पॉइंट में से, तो वो भी आपको लिखना पड़ता है। अब कैलकुलेट कंप्यूटर डिटरमाइन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट कंप्यूटर डिटरमाइन TDS, कैलकुलेट कंप्यूटर डिटरमाइन TDS लाइबिलिटी, या कैलकुलेट कंप्यूटर डिटरमाइन अमाउंट पेएबल टू पेई या सेलर, इसका मतलब क्या हुआ अमाउंट पेएबल टू पेई, ये आज तक एक बार एग्जाम में ऐसा आया कि कैलकुलेट कंप्यूटर डिटरमाइन अमाउंट पेएबल टू पेई या सेलर, इसका मतलब हुआ कि पेई को कितना अमाउंट आपको पे करना है TDS काटने के बाद, TDS काटने के बाद कितना अमाउंट पे करना है, तो आपको TDS निकालना पड़ेगा फिर नेट करना पड़ेगा। ऐसे ही कभी कभी आ जाता है अमाउंट पेएबल टू सेलर, सेलर को बायर कितना पेमेंट करेगा इंक्लूडिंग TCS, TCS के केस में सेलर लिखा हुआ जाता है ऐसा, पर ऐसा आज तक एक बार हुआ है एग्जाम में कि ये लिखा हुआ आया, बाकी तो इतना नॉर्मल यही आता है एग्जाम में डिस्कस, या तो या कैलकुलेट कंप्यूटर में TDS TCS लाइबिलिटी अमाउंट पेबल टू पे, तो बस एक बार लिखा हुआ आया था। कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिख देता है एग्जाम इन TDS लाइबिलिटी एंड कंप्यूट, तो वो भी कौन सा वाला केस है, कंप्यूट वाला केस, वो भी कौन सा वाला, कंप्यूट वाला केस, तो इसमें क्या करना है, इसमें सीधा कंप्यूट करना है क्या, नहीं, सेम काम जो आप पहले कर रहे थे ना एग्जाम में डिस्कस वो करना है, रेट लिमिट स्पेसिफिक पॉइंट। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया इसमें कंप्यूट लिखा हुआ आ गया, तो रेट लिखनी है सेम, लिमिट लिखनी है, स्पेसिफिक पॉइंट है तो वो भी लिखना है, ठीक है, फिर कंक्लूजन देना है, इन दिस केस प्रोफेशनल फीस इज 40,000, सो TDS इज टू बी डिडक्टेड एट 10%, और फिर कैलकुलेट भी करना, अगर एप्लीकेबल है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगी कैलकुलेट वाली, कैलकुलेट कर दो 40,000 इंटू 10% कितना आया TDS 4,000, एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगी बस, ये TDS कैलकुलेट हो गया। पर कब कैलकुलेट करना है, अगर एप्लीकेबल है तो ही कैलकुलेट करना है, मान लो प्रोफेशनल फीस यहाँ 20,000 होती
तो बताओ टीडीएस एप्लीकेबल होता क्या? नहीं होता। तो आप कैलकुलेट करके आता है क्या 20,000 × 10% मत कर देना, फिर एप्लीकेबल है तो वही कैलकुलेट करना है, ध्यान देना, एप्लीकेबल है तो वही कैलकुलेट करना है, एप्लीकेबल ना है तो इग्नोर कर देना। अब मान लो क्या पूछे, अमाउंट पेबल टू पे, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन मान लो ऐसे पूछे तो कि राम लिमिटेड को कितना अमाउंट पे करना है टीडीएस काटने के बाद, बताओ कितना पे करना है? 40,000 का प्रोफेशनल फीस है तो 40,000 पे करने हैं क्या? नहीं, 40,000 माइनस 4,000 का टीडीएस कट गया तो 36,000 पे करने हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है, ये आज तक मैंने बताया एक बार पूछा है, तो ये पूछे तो ये और निकाल दो, एक स्टेप और बढ़ जाएगी, बस ये करना है आपको। इस तरह से करोगे गारंटी है टीडीएस में आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, पूरे जो 10 मार्क्स का 8 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन आता है पूरे मार्क्स आपके आएंगे। बस आपको रेट लिमिट अच्छे से याद होनी चाहिए और बाकी आपने एडिशनल पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए हो तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको मान लो एडिशनल पॉइंट नहीं आते, रेट लिमिट भी याद कर ली, तो रेट लिमिट के जो मार्क्स होंगे, मान लो 2 नंबर है रेट लिमिट के, हर मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 2 नंबर उसके हैं, या टीडीएस का मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5-6 नंबर होंगे रेट लिमिट के, तो 5-6 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और तुक्के में कंक्लूजन ठीक हो गया तो वो भी मिल जाएगा गलती से, तो ये भी फायदा है। तो रेट लिमिट तो आपको याद अच्छे से करनी है, बाकी एडिशनल पॉइंट आपको रीड करने हैं जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं, वो तो आपको हो सके तो याद करना ही, ऐसा मत सोचना छोड़ दें, और हो सके तो पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लेना अच्छे से, 2-3 बार रिवीजन वीडियो सुन लेना, दिमाग में फिट हो जाएगा। ये चैप्टर जो है इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा है, मैंने रिवाइज करवाती है लेकिन इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसमें याद करने का ज़्यादा है, रेट्स और लिमिट, इसमें रेट्स वगैरह ऐसा नहीं कोई लॉजिक है ये 10% क्यों है, 2% क्यों है, 1% क्यों है, अलग अलग रेट है रेजिडेंट के केस। हाँ, नॉन रेजिडेंट के केस में बढ़िया चीज़ है, जितना टैक्स बनता उतना टीडीएस काट लो, लेकिन रेजिडेंट के केस में क्या है, यहाँ अलग अलग रेट है, ये दिक्कत होती है। तो रेट और लिमिट, लिमिट क्या है, अलग अलग टाइप की लिमिट है, वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ये था टीडीएस टीसीएस जो अपने पूरा कंप्लीट कर लिया, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, ज़्यादा काम का नहीं है, 15-20 साल में कभी कभार आ सकता है, हो गए इसको आए हुए 5-7 साल। तो जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एडवांस टैक्स इंटरेस्ट रिकवरी रिफंड, ये क्या है? देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, पेयर से आपका टीडीएस कटवा लिया, पेयर से आपका टीसीएस कलेक्ट करवा लिया, पेयर से टीडीएस कटवा लिया, सेलर से आपका टीसीएस कलेक्ट करवा लिया, फिर भी गवर्नमेंट को चैन नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है हमने जो टीडीएस कटवाया या टीसीएस कलेक्ट करवाया तो काफ़ी कम रेट से करवाया, 1%, 2%, 5%, 10%, लेकिन टैक्स की रेट तो एक्चुअल में काफ़ी होती है, 30% तक होती है टैक्स की रेट, तो 30%, 25% ऐसे होती है। तो गवर्नमेंट मान लो एक पेयर अपना एक एसएससी है ए लिमिटेड, तो गवर्नमेंट इसका टीडीएस कटवा लिया पेयर से, टीसीएस कलेक्ट करवा लिया सेलर से, लेकिन गवर्नमेंट को चैन नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है आपका टैक्स कट तो गया लेकिन कलेक्ट भी हो गया, लेकिन वो काफ़ी कम रेट से हुआ है, एक्चुअल में तो आपका टैक्स ज़्यादा बनेगा, तो आप क्या करो, आप अपनी इनकम को एस्टिमेट करो, करंट ईयर में आप अपनी इनकम को एस्टिमेट करो, उस पर एस्टिमेटेड टैक्स निकालो कितना बन रहा है, और वो खुद से जमा करवा दो, खुद से एडवांस टैक्स के रूप में करंट ईयर के अंदर ही जमा करवा दो, ये होता है एडवांस टैक्स। तो अपन ने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में देना होता है, प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, ये बात क्या है, मात्र छलावा है, दे सकते हो आप टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट पहले ही आपका टैक्स ले लेती है, वसूल लेती है, कैसे, या तो टीडीएस के नाम पर वसूल लेती है, टीसीएस के नाम पर वसूल लेती है, या आपसे ले लेती है एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट को इस साल 15 लाख करोड़ रुपए आए, 15 लाख करोड़ रुपए इसका इनकम टैक्स रिसीव हुआ, जिसमें 5 लाख करोड़ टीडीएस के नाम पर रिसीव हो गए पहले, और लगभग 5 लाख करोड़ एडवांस टैक्स वाला के नाम पर रिसीव हो गए, ऐसा हो जाता है गवर्नमेंट को, पहले ही पैसा मिल जाता है गवर्नमेंट को काफ़ी सारा, तो इन चीज़ों के नाम पर। तो ये बात क्या है, छलावा मात्र है, प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट में देना होता है। हाँ, देते हो आप असेसमेंट ईयर में रिटर्न, तभी फाइल करते हो, तभी आपकी एक्चुअल टैक्स पता चलता है, लेकिन पहले ही गवर्नमेंट क्या कर लेती है, आपसे टैक्स मांग लेती है टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के नाम पर, नहीं देते एडवांस टैक्स तो इंटरेस्ट लगा देती है गवर्नमेंट आपके ऊपर, तो ये कब करती है गवर्नमेंट आपसे। तो एडवांस टैक्स आपको एस्टिमेट करना पड़ता है कि आपकी इनकम कितनी आने वाली है, आप एस्टिमेट करो कितना पैसा कमाने वाले हो, 10 लाख 20 लाख कितना कमाने वाले हो, उसमें कितना टैक्स बनने वाला है वो एस्टिमेट करो, और वो आप चुपचाप 4 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को जमा करा दो। 4 इंस्टॉलमेंट क्या होती है, 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर 15 मार्च, ये 4 इंस्टॉलमेंट जमा कराना है प्रीवियस ईयर के अंदर। देखो प्रीवियस ईयर की है इंस्टॉलमेंट, असेसमेंट ईयर की नहीं है, प्रीवियस ईयर की। 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक आपका हो जाना चाहिए 45%, 15 दिसंबर तक 75% हो जाना चाहिए, और 15 मार्च तक पूरा 100% जमा हो जाना चाहिए। जो भी आपका एडवांस टैक्स आ रहा है, जितना भी आपने टैक्स एस्टिमेट किया, उसका 15% तो कर दो 15 जून तक, उसका 45% तक कर दो 15 सितंबर तक, 75% कर दो 15 दिसंबर तक, और बाकी 100% कर दो 15 मार्च तक। अब दो केस में एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो आपने एस्टिमेट करी कितनी आ रही है, 10,000 से कम आ रही है, मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, बूढ़ा है, इंडिया का बूढ़ा है, और उसकी पीजीपीपी की इनकम नहीं है, तो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कितनी भी आए मत दे, बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। दो लोगों को छोड़ दे दिया, एक उन लोगों को जिनकी 10,000 से कम आ रही है, एक कोई इंडिया का बूढ़ा है और उसकी पीजी में भी की इनकम नहीं है, उसको छोड़ दे दी। अब बता रखा है अगर एसएससी क्या फॉलो करते हैं, 44AD 44AD, याद करो प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन, जिसमें अपन पीजी में भी की इनकम एक लिमिट लगा के निकाल लेते थे, टर्नओवर को अपन एक परसेंटेज से इंटू करते थे निकाल लेते थे, वो फॉलो करता है। तो ऐसे एसएससी को जो एडवांस टैक्स देना है ओनली एक इंस्टॉलमेंट में देना है 15 मार्च, उसके लिए 4 इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल नहीं होंगे,
जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना 15 मार्च, लास्ट इंस्टॉलमेंट में एक साथ दे दे बस वो। अब बता रखा है आपने, मान लो 15 मार्च के बाद पेमेंट किया, 31 मार्च तक जो भी पेमेंट किया प्रीवियस ईयर में वो माना जाएगा एडवांस टैक्स। प्रीवियस ईयर में जो भी आप टैक्स का पेमेंट करते हो वो बनता है एडवांस टैक्स। लेकिन मान लो आपने 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर को पेमेंट किया या रिटर्न फाइल करते वक्त पेमेंट किया, वो बोल उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, नाम चेंज हो जाता है। 31 मार्च तक पेमेंट करते हो प्रीवियस ईयर का टैक्स, प्रीवियस ईयर में पे करते हो आप वो बन जाता है एडवांस टैक्स, और असेसमेंट ईयर में पे करते हो तो बन जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और मान लो आपका केस आगे जाके स्क्रूटनी में चला गया, एओ ने चेकिंग करी आपकी और एओ ने आपकी इनकम निकाली, फिर आपने टैक्स पे करा, तो वो बनता है टैक्स कैलकुलेटेड बाई एओ, असेसमेंट बाई डिपार्टमेंट या टैक्स कैलकुलेटेड बाई एओ, ये होता है। ये हो गया अपना यहाँ तक केस। अब मैंने बताया था इनकम आप एस्टिमेट करते हो, देखो एस्टिमेट करना ऐसा नहीं है कि एकदम एक्यूरेट होगा कि आप 10 लाख कमाओगे तो 10 लाख ही होगा, हो सकता है आपने ज़्यादा कमा लिए या हो सकता है कम कमा लिए। देखो कम कमाए, आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा जमा करवा दिया, आपका एक्चुअल टैक्स कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। लेकिन मान लो आपने एस्टिमेट कम किया इनकम का और एक्चुअल में आपने ज़्यादा कमाए, एस्टिमेट कम किया एडवांस टैक्स आपने कम जमा करवाया होगा, चलो कम जमा करवाया, और एक्चुअल में आपने पैसे ज़्यादा कमा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी आप बचा हुआ पैसे दे देना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को बाद में दे देना, रिटर्न फाइल करते वक्त दे देना सेल्फ असेसमेंट के रूप में। पर उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर देगी, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देगी 234A, B और C का। आप देखो इंटरेस्ट कैसे लगता है, पहला इंटरेस्ट 234A का कब लगता है? अगर आप ROI लेट फाइल करते हो, अगर आपने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी और आपका टैक्स बकाया आ रहा है, टैक्स बकाया कैसे, आपने टोटल टैक्स निकाला ROI के अकॉर्डिंग, जो आपकी इनकम आ रही थी एक्चुअल इनकम, उसमें टोटल टैक्स आ रहा था आपका 10 लाख का, टोटल टैक्स लाइबिलिटी माइनस आपने किया TDS TCS एडवांस टैक्स जो आपने जमा करवा रखा था, एडवांस टैक्स वो लेस कर दिया, जो आपका TDS कटा हुआ था आपने नहीं काटा, जो आपका कटा हुआ था किसी ने काटा था, या आपका जो TCS कलेक्ट हो रखा था वो आपको रिफंड मिल, वो क्रेडिट मिल गया, वो लेस कर दिया। फिर आता है नेट टैक्स पेबल। अब नेट टैक्स पेबल आ रहा है आपका, मतलब टैक्स बकाया आ रहा है, टैक्स बकाया आ रहा है और आप ROI लेट फाइल कर रहे हो, 234A का इंटरेस्ट लगेगा। जितना टैक्स आपका ड्यू आ रहा है उस पर लगेगा, किस रेट से? 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ। सब जगह इनकम टैक्स में रेट एक ही है, 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ। कब से लगेगा? देखो ROI की ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से। ROI की ड्यू डेट मान लो 31 अक्टूबर है, तो 1 नवंबर से लगेगा। कब तक लगेगा? ये दिन आप ROI फाइल करोगे, मान लो आपने ROI फाइल करी 20 दिसंबर को, तो 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक लगेगा। कब लगता है ये इंटरेस्ट? दो कंडीशन, एक तो आपने ROI लेट फाइल करी और एक आपका टैक्स बकाया, तब लगता है। मान लो आपका टैक्स बकाया नहीं है, आप ROI लेट फाइल कर रहे हो, लगेगा नहीं लगेगा? फिर इनकम क्या लोगे? फिर क्या लोगे टैक्स? जब आप टैक्स बकाया नहीं है तो इंटरेस्ट लगेगा ही। दूसरा केस, आपका टैक्स तो बकाया है लेकिन आपने ROI टाइम पे फाइल कर दी, तो लगेगा क्या? तो भी नहीं लगेगा। इंटरेस्ट का नाम ही क्या है? इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ ROI। तो दो कंडीशन में लगता है, ROI लेट फाइल करी और आपका टैक्स बकाया है तो लगता है, ड्यू टैक्स पे लगता है। दूसरा केस 234B, आपने एडवांस टैक्स शॉर्ट पे करा, आपने इनकम गलत एस्टिमेट किया, एडवांस टैक्स कम पे किया, तो जो आपका ड्यू टैक्स है या एडवांस टैक्स जितना शॉर्ट शॉर्ट पे किया है, मतलब 1 लाख का आपका टैक्स बकाया है मान लो, या 1 लाख का एडवांस टैक्स आपने शॉर्ट पे किया, उस पर लगेगा किस रेट से? 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से लगेगा। लेकिन देखो कब से लगेगा, ध्यान देना, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लगेगा। एडवांस टैक्स आपको 31 मार्च तक पे करना होता है, 31 मार्च तक जो भी पे करते हो उसे अपन मान लेते हैं एडवांस टैक्स, तो 1 अप्रैल से लगेगा। जैसे ही असेसमेंट स्टार्ट हो गया उसके 1 अप्रैल से लगेगा, जब तक आप जमा करवाओगे उस दिन तक लगेगा, जिस दिन आप जमा करवाओगे उस दिन तक ये लगता रहेगा। अब 234B में गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एक रहम कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला एडवांस टैक्स का एक्यूरेट एस्टिमेट तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर 10% तक का डिफरेंस है, मतलब अगर आपने एक्चुअल एडवांस टैक्स जो बनता है उसका 90% भी पे कर दिया था, 90% भी पे कर दिया था, 90% उससे ज़्यादा पे कर दिया था, तो आपके ऊपर 234B नहीं लगेगा। तो 10% का यहाँ टॉलरेंस बैंड डाल दिया फालतू का, पॉइंट नंबर 2 काम का नहीं है ज़्यादा। फिर भी बता देता हूँ क्या है, आपकी एक्चुअल इनकम एज पर ROI आ रही है 20 लाख, 20 लाख के अकॉर्डिंग आपने टैक्स निकाल दिया, उस अकॉर्डिंग आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, चलो ठीक है। लेकिन मान लो आपकी आगे इनकम आगे जाके चेंज हो जाती है, चेंज कैसे हो जाती है? तो प्रोसेसिंग के अंदर रिटर्न की क्या होती है आगे जाके पता पड़ेगा आपको, 143(1) में प्रोसेसिंग होती है, उसमें चेंज हो गई, उसमें इनकम आपकी कम ज़्यादा हो गई है, तो या एओ के पास आपका केस चला गया, एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दी या कम कर दी, तो फिर आप जो इंटरेस्ट के लिए जो टैक्स निकालोगे, कौन सा टैक्स निकालोगे, कौन सी इनकम पे टैक्स निकालोगे? ROI वाली इनकम पे या आगे जो चेंज हुई, चेंज वाली इनकम लेंगे, कौन से लेंगे? चेंज वाली इनकम लेंगे। फिर कौन से इंटरेस्ट के लिए? 234A और B के लिए, फालतू पॉइंट था, थ्योरी पॉइंट था। अब 234C का इंटरेस्ट, ये क्या है? अगर आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट को डेफर करते हो, एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट में जो आपको पे करना था 1545, 7500, इससे कम पे करते हो, तो जितना अमाउंट कम पे किया एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट में उस पर इंटरेस्ट लगेगा। कैसे? स्टार्टिंग के 3 इंस्टॉलमेंट में 3% और लास्ट की इंस्टॉलमेंट में 1%, ये फिक्स रेट है 3331। आप बोलोगे कैसा आया? रेट तो वही है 1% पर मंथ पार्ट ऑफ दी मंथ, लेकिन मंथ कैलकुलेट करो, 15 जून से 15 सितंबर 3 मंथ होते हैं, 15 सितंबर से फिर दिसंबर 3 मंथ होते हैं, ऐसे कैलकुलेट करो, 15 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ होता है, पार्ट ऑफ मंथ 1 मंथ लेते हैं, तो
आया तो वैसे ही है लेकिन रेट फिक्स है यहाँ पे 3331, 3331 याद रख सकते हो आप। तो जितना शॉर्ट पे किया एडवांस एक्सके इंस्टॉलमेंट को कितना करना पड़ता है पे 1545 7500, इतना पे नहीं कर पाए तो जितना शॉर्ट पे किया उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर रहम कर दिया स्टार्टिंग की दो इंस्टॉलमेंट में। गवर्नमेंट ने बोला स्टार्टिंग की दो इंस्टॉलमेंट को एस्टिमेट करने में दिक्कत आ सकती है, तो दो इंस्टॉलमेंट में मान लो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 12% भी पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और सेकंड में अगर आपने 36 भी पे कर दिया, 36 तक पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन इससे कम पे किया तो लग जाएगा। वैसे तो लिमिट क्या है 1545, लेकिन 1236 भी पे कर दिया तो भी काम चल जाएगा फर्स्ट और सेकंड में। आगे बता रखा है अगर कोई एसएससी मान लो 44AD 44AD फॉलो करता है तो उसको तो एक इंस्टॉलमेंट में टैक्स देना है, तो उसका 234C का इंटरेस्ट कितना आएगा अगर उसने कम पे किया तो लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला, बस ये वाला लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला आएगा, बस 1% वाला आएगा, ये 333 वाले नहीं आएंगे क्योंकि उसके ऊपर क्या लगेगी खाली एक इंस्टॉलमेंट लगेगी। अब 234C का इंटरेस्ट चार इनकम पे नहीं लगता, चार इनकम को आप ठीक से एस्टिमेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने बोला इन इनकम पे हम 234C का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। कैपिटल गेन इनकम, एक कैजुअल इनकम, एक आपके मान लो पहली बार पीजीबी की इनकम हो रही है, और एक डिविडेंड इनकम कौन सी 222 ABCD वाली, डीम डिविडेंड वाली 222 ABCD, ये नहीं आएगा, ध्यान देना ABCD आएंगे। इन इनकम पे 234C का इंटरेस्ट नहीं लगता, ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं। कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, फर्स्ट टाइम पीजीबी इनकम और डिविडेंड इनकम कौन सी 222 ABCD वाली। अब आता है एक सेक्शन 234F, अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल करते हो तो आपको एक फीस भी देनी पड़ती है, इंटरेस्ट तो लगता ही है, एक फीस देनी पड़ती है। किस पे किसको देनी पड़ती है, कोई ऐसा पर्सन जिसको ROI फाइल करना कंपलसरी था और वो ROI लेट फाइल करता है तो 5000 की फीस लग जाती है, लेकिन अगर उस पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख तक आ रही है तो फीस 1000 रुपये होगी, 5 लाख से ज़्यादा इनकम आ रही है तो 5000 की फीस लग जाएगी। किस पे लगती है, ऐसे पर्सन पे जिसको ROI फाइल करना कंपलसरी था। मान लो कोई पर्सन है, एक पर्सन है गरीब पर्सन मोहनलाल, उसको ROI फाइल करना कंपलसरी था ही नहीं, तो बताओ उसको फीस देना है क्या, उसको नहीं देना, उसको नहीं देनी फीस। किसको देनी है, जिसको ROI फाइल करना कंपलसरी था और वो ROI रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल करता है तो फीस लगेगी 5000 की, लेकिन अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक आ रही है तो फीस कितनी हो जाएगी 1000 रुपीस। ये था अपना एडवांस टैक्स वाला केस। अब देखते हैं अपन अदर मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स, ये क्या है। देखो मैंने बताया था बाईबैक का टैक्स 14 डेज में पे करना है आपको, एग्जिट टैक्स 14 डेज में करना है, TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना है, TCS कलेक्ट करके सेलर को गवर्नमेंट को जमा करवाना है, एडवांस टैक्स पे करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो, AO ने आपकी इनकम बढ़ा दी, एक्स्ट्रा टैक्स निकाला आपका तो वो पे करना है आपको। लेकिन मान लो आप ये चीज़ें करते नहीं हो, बाईबैक का टैक्स 14 डेज में पे नहीं करते या एग्जिट टैक्स 14 डेज में पे नहीं करते, TDS काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते, TDS नहीं काटते या TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते, या एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट नहीं करते, या AO ने आपकी इनकम बढ़ाई आपका एक्स्ट्रा टैक्स निकाला वो आप पे नहीं करते, तो अब AO भेजेगा आपको डिमांड नोटिस, एक नोटिस भेजेगा और बोलेगा आपका इतना टैक्स बकाया आ रहा है चुपचाप 30 डेज के अंदर पे कर दो। 30 डेज में पे कर देते हो तो ठीक है, 30 डेज में नहीं करते अब बन जाओगे आप असेसी इन डिफॉल्ट, बन तो जाओगे आप असेसी इन डिफॉल्ट, लेकिन कब बनते हो, 30 डेज का आपको टाइम दिया जाता है, एक बार AO भेजता है आपको डिमांड नोटिस और 30 डेज में बोलता है पे कर दो, 30 डेज में नहीं करते तो आप बन जाओगे असेसी इन डिफॉल्ट, और ये बन गए ना असेसी इन डिफॉल्ट दिक्कत हो जाएगी, जितना टैक्स बकाया उतनी पेनल्टी ठोक देगा, 5 लाख का टैक्स बकाया 5 लाख की पेनल्टी, चाहे वो बाईबैक वाला केस हो, मैंने बताया था ना वहाँ पे बाईबैक एग्जिट टैक्स 14 डेज में पे नहीं करते बन जाते हो असेसिंग डिफॉल्ट, वो सबके लिए लगता है। लेकिन उसमें आपको यहाँ पे एक बार AO क्या करता है डिमांड नोटिस देता है, एक बार अपॉर्चुनिटी को बिंग कर देता है, 30 डेज का टाइम देता है, 30 डेज में जमा कर दो, कर देते हो ठीक है, नहीं तो बन जाते हो असेसिंग डिफॉल्ट, और सेक्शन 221 में जितना टैक्स बकाया उतनी पेनल्टी AO ठोक देता है। लेकिन मान लो कोई एसएससी है, एसएससी सोहन लाल बिल्कुल ही नालायक इंसान है, इसने पहले टैक्स जमा नहीं करवाया, AO ने भेजा डिमांड नोटिस, 30 डेज का टाइम दिया इसको, फिर भी टैक्स जमा नहीं करवाया, AO ने लगा दी इसके ऊपर पेनल्टी, एसएससी इन डिफॉल्ट बना दिया, फिर भी ये चुपचाप बैठा है कुछ नहीं कर रहा है ये। अब AO क्या करेगा, अब जाएगा TRO, अब आएगा टैक्स रिकवरी ऑफिसर, ये कौन होता है, ये डिपार्टमेंट का बंदा होता है जो AO के नीचे काम करता है, हट्टा कट्टा इंसान होता है ये, कैसे बनता है ये, एक एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के SSC वगैरह के एग्जाम, वो पास करके बनते हैं, हट्टा कट्टा इंसान होते हैं, क्या करता है ये इसको कूटेगा क्या जाके, ठोकेगा क्या सोहन लाल को, ठोकेगा नहीं है, ये सोहन लाल के पास जाएगा, सोहन लाल की जितनी भी प्रॉपर्टी है सभी को अटैच करेगा, सभी को अटैच करके सेल करेगा, सोहन लाल की चाहे लैंड है चाहे बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, लैंड बिल्डिंग कैश स्टॉक डेटर बैंक सबको अटैच कर लेगा। सोहन लाल का कोई डेटर है उसको क्या बोल देगा टैक्स रिकवरी ऑफिसर, ये सोहन लाल बंदा है ना चोर है, तेरे को सोहन लाल को 5 लाख रुपये देने हैं, तो 5 लाख सोहन लाल को मत देना तो हमको देना, वो बेचारा डेटर डर जाएगा, वो इसको ही देगा वो भी, तो ये क्या करेगा सारी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा चाहे कैसी भी प्रॉपर्टी हो, उनको सेल करने लग जाएगा। अब सोहन लाल बहुत हरामी इंसान था, इसने क्या क्या दिमाग लगाया, इसको पता था इसका टैक्स बकाया है, इसके पेनल्टी लग चुकी, इसने क्या किया अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, किसके नाम कर दी प्रॉपर्टी, वाइफ के नाम, छोटे बच्चों के नाम, बच्चे जो 18 साल से कम के हैं छोटे बच्चों के नाम, या सन्स वाइफ के नाम,
या सन्स माइनर चाइल्ड के नाम, सन्स वाइफ मतलब अपने बेटे की बहू के नाम कर दी, या सन्स माइनर चाइल्ड मतलब अपने पोते पोती वो भी कौन से माइनर 18 साल से कम तो उनके नाम कर दी, कैसे करी, फ्री में कर दी या इनएडिक्वेट कंसेशन में कर दी, वो भी एसएससी की प्रॉपर्टी मानी जाएंगी, उसको भी टीआरओ क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। लेकिन मान लो सोहन लाल ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी मेजर को, मेजर बेटे को ट्रांसफर करी, तो उसको अटैच कर सकता है क्या मेजर सन को, वो अटैच नहीं हो सकती, वो अटैच नहीं हो सकती। इसका रीजन मैंने बताया था क्यों नहीं हो सकती, इनकम टैक्स वाले क्या मानते हैं कि मेजर बेटे को ट्रांसफर बाप प्रॉपर्टी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, एक तो इनमें दरार पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, दूसरा मान लो इसके काफ़ी सारे बेटे हैं तो एक बेटे को ट्रांसफर करी बाकी बेटे लड़ाई कर लेंगे, ऐसा इनकम टैक्स वाले मानते हैं। तो वो मेजर बेटे को अगर कुछ ट्रांसफर भी करते हो ना, अगर आप क्लबिंग के प्रोविजन भी अप्लाई नहीं होते मेजर सन के ऊपर, मेजर बेटे पे या मेजर आपके जो भी औलाद है उस पर क्लबिंग भी नहीं लगता, इस चक्कर में इनकम टैक्स वाले ऐसा मानते हैं। तो जनरली एसएससी क्या करते हैं, अपनी वाइफ या छोटे बच्चे इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इन्हीं को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इन्हीं पे क्लबिंग लगती है फिर, ऐसा डिपार्टमेंट वाले मांगते हैं, ऐसा इनकम टैक्स वाले मानते हैं। चलो तो ठीक है, जो भी ये मानते हैं वो, तो ये मैंने आपको बता दिया। टैक्स रिकवरी से क्या करेगा, इनको भी अटैच कर देगा। अब एक स्पेशल पॉइंट है, मान लो एक बच्चा पहले मेजर था सोहन लाल का, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी, लेकिन वो बाद में मेजर हो गया, पहले माइनर था बाद में मेजर हो गया, पहले माइनर था बाद में मेजर हो गया, तो उस प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, बस उसमें एक कंडीशन है, अगर जो रिकवरी कर रहा है टीआरओ उस ईयर की कर रहा है जिस ईयर में वो माइनर था तो अटैच कर सकता है, लेकिन उस ईयर की रिकवरी कर रहा है जिसमें वो मेजर हो गया तो अटैच नहीं कर सकता। ये एक ख़तरनाक पॉइंट है, कोई पढ़ाता नहीं है लेकिन बता देता हूँ आपको एक बार क्या पॉइंट है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सोहन लाल इसका एक बेटा था रमेश, 15 ईयर का था जब माइनर था 2014 में, तब सोहन लाल ने अपनी प्रॉपर्टी रमेश को ट्रांसफ़र कर दी थी, ठीक है। 2017 में जाके ये मेजर हो गया, 18 साल का हो गया, कब 18 ईयर का कब हो गया, 2017 में हो गया, ठीक है। अब टीआरओ आया रिकवरी करने रमेश सोहन लाल से, करंट ईयर में रिकवरी करने आया, कब की रिकवरी करने आया, मान लो पहला केस टैक्स था 2015 का, 15 के टैक्स की रिकवरी करने आया, तो आपको देखना है वो जो बेटा जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, बताओ टीआरओ इसको अटैच कर सकता है कि? आपको देखना है वो बेटा जब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो 2015 में क्या था, देखो माइनर था 2015 में, तो 17 में हुआ है मेजर, तो 17 में हुआ है मेजर, तो बताओ प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, हाँ कर सकता है। मान लो 2014 के करने आया तो भी अटैच हो सकती है, 13 की हो सकती है, 12 की हो सकती है, 16 के करने आया तो अटैच हो सकती है, क्या हो सकती है। अब मान लो टीआरओ रिकवरी करने आया 19 की, अब बताओ अब तो मेजर हो गया, अब अटैच नहीं हो सकती। अगर टीआरओ उस ईयर की रिकवरी कर रहा है जिस ईयर में वो चाइल्ड मेजर हो गया उस ईयर की कर रहा है, या तो या उसके बाद की ईयर की कर रहा है, तो अटैच नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को, बाकी कर सकता है उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता। तो क्या देखेंगे अपन, किस ईयर में रिकवरी करने आया वो नहीं देखेंगे, कौन से ईयर की टीआरओ रिकवरी कर रहा है, जिस ईयर में वो चाइल्ड माइनर था उस ईयर के टैक्स की रिकवरी कर रहा है तो वो माइनर वाली प्रॉपर्टी में अटैच हो सकती है, लेकिन वो चाइल्ड जिस ईयर में मेजर हो गया उस ईयर की रिकवरी कर रहा है या तो उसके बाद की ईयर की रिकवरी कर रहा है, तो अटैच नहीं हो सकती प्रॉपर्टी। मान लो 2017 की रिकवरी कर रहा है, नहीं हो सकती अटैच, 18 की नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, अटैच नहीं हो सकती। 2017 या उसके बाद के टैक्स की रिकवरी कर रहा है टीआरओ, तो वो अटैच नहीं हो सकती। एक खतरनाक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया, इसका एक बार गलती से क्वेश्चन आ गया था, सबका गलत हुआ था, ये था ये पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रिफंड, जिसका ना कभी क्वेश्चन आया ना कभी आने के चांस है। क्या है केस, हो सकता है आपने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया जबकि आपका टैक्स कम बनता है, आपका मान लो TDS ज़्यादा कट गया, TCS ज़्यादा कलेक्ट हो गया, या आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा जमा दिया, ज़्यादा जमा करवा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की बात नहीं है, रिफंड मिल जाएगा। मान लो आपने 60,000 का टैक्स जमा करवा दिया, बनता है एक्चुअल टैक्स आपका 50,000, आपकी इनकम कम आई, 50,000 टैक्स होना, 10,000 का मिल जाएगा आपको रिफंड। अब रिफंड पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट, कि इनकम टैक्स वाले दयावान हैं आपको इंटरेस्ट भी देंगे, लेकिन थोड़े हरामी भी हैं, चालाक भी हैं। चालाक कैसे हैं, जब पेमेंट करते हैं आप, जब आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, जब आपसे इंटरेस्ट लेते हैं तो 1% की रेट से लेते हैं, देंगे किस रेट से, ओनली 0.5% पर मंथ पार्ट ऑफ रेट से, देते कम है लेते ज़्यादा है, तो जो भी रिफंड बन रहा है उस पर इंटरेस्ट देंगे। देखो जो रिफंड मिलता है आपको इनकम टैक्स का, रिफंड वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होता, क्यों नहीं होता, जब इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता तो रिफंड टैक्सेबल क्यों होगा, लेकिन रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, ये अदर सोर्स की आपकी इनकम बन जाता है, अदर सोर्स की आपकी इनकम बन जाता है। अब इंटरेस्ट कौन से पीरियड का मिलेगा, जिस दिन आपने टैक्स दिया उस दिन से नहीं मिलेगा, पहले तो आपको फाइल करनी पड़ेगी ROI, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे तभी तो पता चलेगा डिपार्टमेंट वालों को कि आपका रिफंड बनता है, जब आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो उनको पोस्ट कैसे आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। रिटर्न अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल कर दी तो आपको 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से रिफंड मिलेगा, और जिस दिन आपको रिफंड मिला उस दिन तक इंटरेस्ट मिलेगा, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लेकर के जिस दिन आपको रिफंड मिला उस दिन तक का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने ROI लेट फाइल करी दिक्कत हो जाएगी आपकी,
जिस दिन आपने आरओआई फाइल करी उस दिन से लेकर के जिस दिन आपको रिफंड मिला उस दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो आरओआई टाइम पे फाइल कर देते हो तो 1 अप्रैल से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आप आरओआई लेट फाइल करते हो तो जिस दिन आपने आरओआई फाइल करी उस दिन से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ और बता रखी है, डिपार्टमेंट वाले चाहें तो आपके रिफंड को सेट ऑफ भी मार सकते हैं। सेट ऑफ मतलब आपका कोई पुराना टैक्स बकाया आ रहा है और करंट ईयर में आपका रिफंड बन रहा है तो पुराने से सेट ऑफ मान लेंगे। चाहे तो आपके रिफंड को विदहेल्ड भी कर सकते हैं। विदहेल्ड मतलब एओ को लगता है, डिपार्टमेंट वालों को क्या लगता है कि आप चोर हो, चोर हो सकते हो आप। चोर कैसे हो सकते हो, आपका आपने क्या करा है, कुछ धांधली करी है, आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, आपने कम करी है और कम करके आप रिफंड मांग रहे हो। जैसे काफ़ी सारे जो लोग सैलरी पे काम करते हैं ना, ये काम करते हैं, इनका एम्प्लॉय टैक्स काट लेता है, एम्प्लॉय इनका टैक्स काट गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, सैलरी वाले ये फर्जी डोनेशन दिखाते हैं, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, फर्जी। फर्जी कैसे दिखाते हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, काफ़ी सारी फर्जी बनी हुई है, उनको बैंक से पेमेंट करते हैं 5 लाख का और फिर कैश में ले लेते हैं उनसे 4,50,000 थोड़े, मतलब कमीशन काटती है पॉलिटिकल पार्टी, पैसा ले लिया। आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन आप 100% डिडक्शन ले सकते हो, ये एम्प्लॉयर को नहीं बताते, फिर बाद में करते हैं ऐसा कांड लास्ट में मार्च वाले मंथ में और फिर फर्जी डिडक्शन क्लेम करते हैं। एम्प्लॉयर बेचारे ने टैक्स ठीक से काटा था, फिर क्या करते हैं ये डिडक्शन क्लेम करते हैं फर्जी, टैक्स कम बनता है और रिफंड क्लेम करते हैं, ऐसा एओ को लगता है। आजकल लोग ऐसे काफ़ी करते हैं, सैलरी वाले काफ़ी लोग ये करते हैं, डोनेशन दिखा देते हैं या पॉलिटिकल पार्टी वाला डोनेशन दिखा देते हैं या एटीजी दिखा देते हैं, फर्जी दिखाते हैं। कुछ लोग हाउस रेंट अलाउंस फर्जी दिखा देते हैं, कुछ लोग कुछ फर्जी दिखा देते हैं। तो अगर एओ को लग रहा है आप ऐसा काम करते हो, ऐसे फर्जीवाड़े कर रखे हैं, तो एओ आपके रिफंड को विदहेल्ड कर सकता है, एओ आपके रिफंड को विदहेल्ड कर सकता है। ये चैप्टर खत्म, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, टीडीएस वाला पार्ट तो अच्छे से कर लेना और टीसीएस वाला भी देख लेना। जितनी बार इसको रिवाइज करोगे उतना आपके फायदा होगा, इसमें रिवीजन ही आपकी हेल्प करेगा। रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी रेट वगैरह, रेट और लिमिट अगर आपने अच्छे से याद कर ली तो ये चैप्टर आपको फ़ायदा देगा। इसमें बोनस मार्किंग, फ्री की मार्किंग है। फ्री की मार्किंग कैसे है, बस इसमें आपको याद रखना है। इसमें कुछ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा कि क्वेश्चन कर लोगे चलो प्रैक्टिस हो गई, याद करना है मेन। किसको याद करना है, रेट और लिमिट, वो याद करी आपको मार्क्स मिलेंगे। वो याद ही नहीं है आपको फिर क्या मार्क्स लोगे, फिर क्या करोगे आप, क्वेश्चन क्या देखोगे, बस देखते जाओगे क्वेश्चन को। तो मेन फोकस इसमें आपको रेट और लिमिट याद करने पे करना है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए थे, एक बार आप टिक लगा लेना मन करे तो, बाकी मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में टोटल क्वेश्चन करवा दिए थे इसके भी। और क्वेश्चन आपने देखे थे कितने बेसिक क्वेश्चन होते हैं इसके, कुछ नहीं करना होता, प्रेजेंटेशन मैंने बताई दी आपको कैसे करनी होती है, तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती, बस याद करने का थोड़ा कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। और वो याद कर लिया तो इसमें मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, कुछ गलती होगी ही नहीं, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन होती ही नहीं है। होती भी है तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन होती है, रेट इंटू अमाउंट, ये करके टीडीएस का अमाउंट आ जाता है, ये करना होता है। तो इसको रिवाइज अच्छे से करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज करना। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।